एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर है हमारा फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। यह जो चैप्टर है बड़ा मजेदार चैप्टर है 9 हिस्ट्री का। अभी तक जो आपने 3 चैप्टर पढ़े उन तीनों चैप्टर से थीम जो है वो चेंज हो रही है। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा और नाजीजम एंड द राइज ऑफ हिटलर में तीनों ही चैप्टर्स में एक एक कंट्री के कंटेक्स्ट में पूरी कहानी, वहां के रेवोल्यूशन, वहां का पॉलिटिकल सेटअप को समझा था। लेकिन अब जो चैप्टर आएंगे, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 जो होगा हिस्ट्री का, ये थीम बेस्ड चैप्टर्स हैं। जैसे चैप्टर का नाम देखो, यहाँ क्या है, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो आप इन चैप्टर की थीम को अगर समझोगे तो क्या है कि लाइवलीहुड, पीपल, इन सारी चीजों पर निर्भर कर रहे हैं चैप्टर। तो फॉरेस्ट सोसाइटी क्या है, कॉलोनियलिज्म क्या है, वो चैप्टर जो है, तो ये चैप्टर जो किसी कंट्री स्पेसिफिक, किसी रेवोल्यूशन के बारे में नहीं है, ये हमारी आम जीवन में किस तरह से बदलाव आया है इन हिस्टोरिकल टर्म्स, वो चीज को समझाने वाला चैप्टर है। एंड यू पीपल आर गोइंग टू एंजॉय दिस चैप्टर। छोटा, मजेदार और एकदम कसा हुआ चैप्टर जानने को आपको मिलेगा यहाँ पे। इस चैप्टर में बहुत कुछ नया आपको जानने को मिलेगा। तो अगर मैं चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करूं, चैप्टर की थीम की बात करूं, तो इंट्रोडक्शन और थीम कुछ इस तरह से देखो, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। फॉरेस्ट सोसाइटी से क्या समझ में आता है आपको, तो जो वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं जंगलों में रह रहे हैं, जो जंगलों से जुड़े हुए हैं, वही सोसाइटी यानी क्या, समाज का वो हिस्सा या फिर वो समाज जो किसी ना किसी तरह से वनों के ऊपर, जंगलों के ऊपर निर्भर करते हैं, जंगलों से अपना जीवन यापन करते हैं, हुज लाइवलीहुड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉरेस्ट, दैट टाइप ऑफ सोसाइटी इज नोन एज फॉरेस्ट सोसाइटी। ठीक है, वो फॉरेस्ट सोसाइटी कहलाती है। समझ में आया, तो व्हाट इज फॉरेस्ट सोसाइटी, इतना अभी अपने दिमाग में रखो। फिर आगे बढ़ते हैं कॉलोनियलिज्म। तो कॉलोनियलिज्म में क्या कहानी है, कॉलोनियलिज्म मतलब क्या है कि जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई ट्रेड करने, अब वो ब्रिटिश ऑफिसर जो थे तो वो क्या ट्रेड करने आए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि यहां तो क्या है, लोग आपस में लड़ रहे हैं तो राज भी किया जा सकता है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग इंडिया, पॉलिटिकल पावर उनके पास आ गई इंडिया की। तो आप क्या देखेंगे कि इंडिया में आपको क्या देखने को मिल रहा है, कॉलोनियलिज्म देखने को मिल रहा है, मतलब इंडिया वॉज कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स हम कहेंगे। तो जो गुलाम बना रहे थे हमें वो कॉलोनाइजर्स थे, और जो कंट्री गुलाम बन गई वो कॉलोनाइज कंट्री रही है। और ये पूरा फिनोमेना जहां पे एक कंट्री पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली दूसरी कंट्री के ऊपर डोमिनेट करने लगती है, वो कॉलोनियलिज्म कहलाता है। समझ में आया, तो फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो फॉरेस्ट सोसाइटी क्या है वो आपको समझ में आया, जो जंगलों में, जंगलों के आसपास रहते हैं लोग, जिनका जीवन यापन जंगलों से चलता है, तो वो फॉरेस्ट सोसाइटी। तो वो फॉरेस्ट सोसाइटी इंडिया में कौन सी रही, क्या रही, वो उस चीज को पैरेलल लेके चलना। इंडिया के साथ साथ में जैसे अगर हम देखेंगे तो एक और स्टोरी पढ़ेंगे हम जावा के आइलैंड की, तो वो अभी लास्ट में आपको क्लियर होगी क्या है। और पैरेलल में अगर आप देखोगे तो कॉलोनियलिज्म की बात चल रही है, मतलब क्या है कि कॉलोनियलिज्म यानी कि ये जो इस तरह से जब डोमिनेट किया, किन लोगों ने डोमिनेट किया इंडिया में, लेट्स से फॉर एग्जांपल ब्रिटिश थे, जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या है वियतनाम वगैरह में फ्रेंच थे, तो अलग अलग जगह या यूरोपियन कंट्रीज जब डोमिनेट करने के लिए गई ना, तो ये जो कॉलोनाइजर्स थे, इन कॉलोनाइजर्स ने जब इन कंट्रीज पर डोमिनेट करना स्टार्ट किया, तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ, उसका रिलेशन फॉरेस्ट सोसाइटी से क्या है, तो वो सारी चीजें कि कॉलोनिज्म के वेरियस एस्पेक्ट्स की, कॉलोनाइज होने के बाद में कंट्री, अलग अलग कंट्रीज की फॉरेस्ट सोसाइटी कैसे इफेक्ट हुई, इन्हीं सारी चीजों के इर्द गिर्द ये चैप्टर हमारा घूमेगा। ठीक है, ये चैप्टर की थीम रहने वाली है। आई होप यू गॉट द क्रक्स, वो जो एसेंस की बात हो रही है वो एसेंस आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़े तो पॉइंट ये आता, देखो कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर को आप ब्रॉडली 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। चैप्टर जो है आपका ब्रॉडली 4 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। व्हाई डिफॉरेस्टेशन, तो फॉरेस्ट सोसाइटी सब कुछ क्या निर्भर होता है इनका, ये जो समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर है, लेकिन जंगल ही खत्म हो रहे थे, तो जंगल क्यों खत्म हो रहे थे, जंगल क्यों खत्म हो रहे थे, कैसे खत्म हो रहे थे, तो व्हाई डिफॉरेस्टेशन, राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। अब जंगल खत्म हुए, जंगल खत्म होने के बाद में जो ये कॉलोनाइजर्स आए थे, ये कंट्रीज जब डोमिनेट कर रही थी जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, तो इनके अंडर में क्या हुआ, इनके अंडर में कमर्शियल फॉरेस्ट्री स्टार्ट होती है। तो कमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या है, वो चीज, कमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या है, तो उसमें डेट्रिक ब्रांडिस के बारे में पढ़ेंगे हम, कमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें। तो अब ये कमर्शियल फॉरेस्ट्री जब स्टार्ट हुई, तो जैसे आप देख रहे हैं एक स्केल पे एक जैसे ट्रीज जो है वो ग्रो किए जाने लगे, तो उसका इंपैक्ट जो प्लांटर्स थे उनके ऊपर, जो कल्टीवेटर्स थे उनके ऊपर क्या पड़ा, हंटर्स के ऊपर क्या पड़ा, क्लियर हो रहा है। तो वो सारे एस्पेक्ट्स हम इस पार्ट में कवर करते हैं चैप्टर के। फिर रेबेलियन इन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, तो जावा इंडोनेशिया की कहानी पढ़ेंगे कि वहां पे भी जो कॉलोनियलिज्म का इंपैक्ट आपको देखने को मिला। ठीक है, वहां पे डच थे, डच कॉलोनाइजर्स, तो डच कॉलोनाइजर्स ने वहां पे क्या
कह सकते हैं कि आतंक मचाया और लोगों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, तो समिंस चैलेंज और वो सारी चीजें, और वैसे रेबेलियन इन फॉरेस्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इंडिया के केस में बस्तर की कहानी, ठीक, बस्तर की कहानी पढ़ेंगे कि इंडिया में लोगों ने इस कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में फॉरेस्ट सोसाइटी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। तो ये दो केस स्टडीज है चैप्टर, ये पूरे क्रक्स में है। ये जो पहला टॉपिक रहेगा तो इसमें तो बस सिंपल ही बताएगा कि डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ, और इस टॉपिक में राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री के अंदर जो सब टॉपिक्स है उसमें आपको वो पूरा का पूरा आपको एक एस्पेक्ट देखने को मिलेगा कि जब कॉलोनियल पावर्स ने फॉरेस्ट को कंट्रोल करना स्टार्ट किया तो उसके उससे जुड़े हुए क्या क्या इंपैक्ट रहे थे। मैंने आपको इन चार पॉइंट पर पूरे चैप्टर का एसेंस दे दिया है। जिन लोगों ने चैप्टर पूरा पढ़ लिया तो उन्हें चार पॉइंट से पूरी की पूरी कहानी रिकॉल हो गई होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उन्हें पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि हाँ क्या क्या पढ़ना है हमें उस तरह से, ठीक है। तो अगर बात करें व्हाई डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ, दिस इज द क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ, तो व्हाई डिफॉरेस्टेशन से पहले ये समझो कि व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन आखिरकार होता क्या है। व्हाई डिफॉरेस्टेशन से पहले यह जानना जरूरी है कि डिफॉरेस्टेशन आखिरकार होता क्या है, क्या समझ में आता है। डिफॉरेस्टेशन एक ऐसा शब्द है जो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, छोटी क्लासेस में भी कैसे सुनते आ रहे होंगे कि एनवायरमेंट की क्लासेस में पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वो सारी चीजें, मतलब पेड़ों का कटना, सिंपल सी चीज है, पेड़ों का कटना डिफॉरेस्टेशन है, एंड दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर फॉरेस्ट सोसाइटी। क्यों, क्योंकि वो तो पेड़ों पर ही निर्भर करती है ना फॉरेस्ट सोसाइटी। तो सवाल यह है कि क्यों, क्या है पहले डिफॉरेस्टेशन, तो द डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड टू एज डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। डिसअपीयरेंस, जो फॉरेस्ट का डिसअपीयरेंस हो रहा है, जो पेड़ जो कटते चले जा रहे हैं, गायब होते चले जा रहे हैं, ठीक है, तो वो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। फाइन, इट इज नाउ इट इज नॉट अ न्यू फिनोमेनन एंड ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इट बिकेम मोर सिस्टमेटिक एंड एक्सटेंसिव। तो पेड़ों का कटते चले जाना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, और कॉलोनियल रूल के टाइम पीरियड में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि और सिस्टमेटिक होता चला गया और एक्सटेंसिव लेवल पे होता चला गया। आप पूछोगे कॉलोनियल टाइम पीरियड में ऐसा क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स जो आए थे उनके मुंह में ऐसे शॉ मशीन लगी थी क्या कि पेड़ काटते थे वो या फिर पेड़ खाते थे? नहीं, उस टाइम पीरियड में उन्होंने देखा कि इंडिया में क्या है, इमेंस वेल्थ है। किस सेंस में वेल्थ है, सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहते थे, तो बहुत सारा क्या है, फॉरेस्ट था, बहुत सारे फॉरेस्ट में हमारे छोटे छोटे स्टेट जो है ना, उतने बड़े बड़े तो उनके देश थे। तो उन्होंने यहाँ के जब वेल्थ देखी, इमेंस नेचुरल रिसोर्सेज देखे, तो दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग दोज नेचुरल रिसोर्सेज। तो वो यही कहा गया कि जो पेड़ों का डिसअपीयरेंस था उसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है, और ये डिफॉरेस्टेशन पहले से चल रहा था। ऐसा नहीं है कि राजा महाराजा रहते थे तब भी पेड़ काटे जाते थे, लेकिन तब पेड़ जरूरत के लिए काटे जाते थे, और यहां क्या है, यहां जरूरत नहीं, यहां तो इस देश को बर्बाद करके वो अपने लिए आबाद शहर बना रहे थे। पूरा लंदन देख लो आप, पूरे बड़े बड़े सिटीज देख लो यूरोप के जो डेवलप हुए, तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज जो इंडिया से ले जाए गए एक्सप्लॉइट करके उनकी मदद पे हुए हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे क्या है कि डिफॉरेस्टेशन हमेशा से रहा है, लेकिन कॉलोनियल रूल के टाइम पीरियड में बहुत सिस्टमैटिक और एक्सटेंसिव लेवल पे हुआ है। समझ में आया क्या, ठीक है। तो ब्रॉडली अगर हम समझे कि, और आपको क्वेश्चन भी बनता है, ये सुन लो, यहाँ पे एक पांच नंबर का क्वेश्चन इस तरह से आएगा क्या कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डिफॉरेस्टेशन, व्हाई डी डिफॉरेस्टेशन टुक प्लेस। तो डिफॉरेस्टेशन के पीछे के क्या रीजन है, तो तीन रीजन तो आपको बुक में दिए हैं, क्या, लैंड टू बी इंप्रूव्ड, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स, और प्लांटेशन। लेकिन अब पांच नंबर में आ जाएगा तो इन्हीं को स्प्लिट करते आना चाहिए, जैसे कि रेलवेज और रॉयल ब्रिटिश नेवी के कारण, ठीक है, तो ये दो पॉइंट बन गए आपके, एक में से दो निकल गए। फिर प्लांटेशन में एक पॉइंट हो गया आपका तीन, फिर उसके बाद में लैंड टू बी इंप्रूव्ड में आप दो निकाल सकते हो, क्या कि रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, फूड ग्रेन्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन, इस तरह से एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, ये सारे कारण थे जिन कारणों से पेड़ कटते चले गए। तो अब मैं आपको और सिस्टमेटिकली एक एक करके समझाता हूँ कि डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहे थे, क्या रीजंस रहे उसके पीछे ब्रॉडली। तो डिफॉरेस्टेशन के पीछे के रीजन में एक तो पहला आ जाएगा लैंड टू बी इंप्रूव्ड, मतलब लैंड टू बी इंप्रूव्ड क्या है कि जैसे लैंड जो जंगलों के नीचे थी ना, तो जंगल हटा के उसमें खेती करना शुरू की गई। खेती करना शुरू की गई क्योंकि वही खेती से जो प्रोडक्ट निकलता था, जैसे ब्रिटिशर्स यहां से क्या ले जाते थे, यहां से टी ले जाते थे, कॉफी ले जाते थे, वो बनाना, जैसे प्लांटेशन फील्ड्स क्रिएट करी उन्होंने, फाइन, रबर ले जाते थे, जूट ले जाते थे, तो वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की तरह लैंड को इंप्रूव करने की बात करते थे क्योंकि जमीन साफ कर दो उस पर खेती करेंगे। फाइन, फूड ग्रेन्स फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कंसिडरिंग फॉरेस्ट एज अन प्रोडक्टिव, उन्हें ऐसा लगता था कि जंगल है, जंगल से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, लकड़ी काट लो तो फायदा ले लेंगे और फिर उस पर खेती करवाएंगे तो लोगों के ऊपर टैक्स लगाएंगे, ठीक। तो मल्टीपल रीजन थे जहां पर उन्होंने लैंड को इंप्रूव करने के नाम पे पेड़ों को क्या कर दिया, साफ करते चले गए। तो एक पॉइंट ये पढ़ेंगे हम। दूसरा क्या है, स्लीपर्स ऑन दी ट्रैक्स। स्लीपर्स ऑन दी ट्रैक्स मतलब क्या है कि रेलवेज, रॉयल ब्रिटिश नेवी, ठीक है, ये आपको क्या देखने को मिल रहा है कि स्लीपर्स ऑन दी ट्रैक्स मतलब कि ये टॉपिक में बताया गया है कि पेड़ के कटने का कारण एक ये भी रहा था कि रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है, ब्रिटिश नेवी का एक्सपेंशन हो रहा था,
तो आप बोलोगे सर रेलवे ट्रेन कब से पेड़ के साथ चलने लगी, मतलब या फिर ट्रेन को कोई शिकायत थी कि मैं जहां से निकलूं वहां पेड़ नहीं होना चाहिए, क्या कहानी है वो मैं आपको समझाऊंगा स्लीपर्स की। फिर उसके बाद में प्लांटेशन, प्लांटेशन फील्ड मतलब क्या है कि वही कि इंडस्ट्रियल लाइन पे पेड़ों को जंगलों को साफ कर दिया गया और वहां पे प्लांटेशन फार्म्स ग्रो किए गए। तो दीज वर दी रीजंस, इसमें आपको 5 नंबर 3 नंबर या फिर स्पेसिफिकली जैसे इन द नेम ऑफ द इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड अ ह्यूज डिफॉरेस्टेशन टुक प्लेस इन इंडिया, तो आपको वो बताना पड़ेगा। तो एक टॉपिक पे भी क्वेश्चन बना सकते हैं शॉर्ट, बड़ा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन, तो इट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करेगा और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, समझ गए। सो दिस इज द स्टोरी, दिस इज द स्टोरी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहां से समझो जरा। लैंड टू बी इंप्रूव, लैंड को इंप्रूव करने के नाम पे क्या हुआ यहां पे कि लैंड को ही उन्होंने मतलब जो फॉरेस्ट एरिया था उसको ही खत्म करते चले गए, एंड दिस बिकेम द रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन, वन सच रीजन इज दैट लैंड इज बीइंग क्लियर्ड इन द नेम ऑफ कल्टीवेशन। इंप्रूव करना मतलब कि वो जंगल हटाकर उन्होंने खेती करे। तो मैं आपको कहानी समझाता, देखो तो इन 1600 आज से 400 साल पहले की बात कर रहे हैं, 1/6 ऑफ इंडियाज लैंडमास वॉज अंडर कल्टिवेशन, मतलब 1/6 यानी कि अप्रोक्सीमेटली कुछ 17-18%, ठीक है 17-18% या उससे भी कम होगा। ठीक है, मैथ्स आता है इतना तो मैं मैथ्स ही पढ़ा रहा होता। अब जैसे अगर आप देखोगे तो 100% लैंड का 1/6 हिस्सा जो था इट वॉज अंडर कल्टिवेशन, कब, 400 साल पहले। लेकिन आज क्या स्थिति है, नाउ दैट फिगर हैज गॉन अप टू अबाउट हाफ, लेकिन आज कंट्री की जो टोटल लैंड मास है उस टोटल लैंड का आधा हिस्सा जो इट इज अंडर कल्टिवेशन, मतलब हमने खेती, आप समझ रहे हो ना, एक समय पे 1/6 लैंड ही थी जिसपे खेती की जा रही थी, बाकी जमीन पे क्या थे, जंगल थे। और आज क्या स्थिति हो रही है, आज ये स्थिति हो रही है कि देश की, ठीक है, 1.5 आधी जमीन लगभग जिसपे खेती की जा रही है, तो खेती का हिस्सा बड़ा है। आप बोलोगे सर एकदम से इतनी भूख लग गई क्या लोगों को, भूख नहीं लगी है, पॉपुलेशन बढ़ी है, तो वो बढ़ती पॉपुलेशन की भूख जरूर बढ़ी है। ठीक है, तो व्हाई दिस हैपेंड, सवाल ये है कि ये लैंड अंदर कल्टीवेशन जो है तो व्हाई इट इंक्रीज्ड, व्हाई इट हैज गोन अप टू हाफ, तो उसके पीछे का कारण क्या है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो है तो वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो बढ़ती पॉपुलेशन विल डिमांड मोर फूड। ठीक है, बढ़ती पॉपुलेशन विल डिमांड मोर फूड, तो ये चीज रही है, बढ़ती पॉपुलेशन विल डिमांड मोर फूड, देयरफॉर पीजेंट्स एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ कल्टीवेशन। तो इसी के चलते पीजेंट्स ने फिर अपनी बाउंड्रीज ऑफ कल्टीवेशन जो उनको एक्सटेंड किया, क्यों, क्योंकि अब बढ़ती पॉपुलेशन, बढ़ती फूड नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपको बढ़ते एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए रहेंगे, तो लैंड वॉज इंप्रूव्ड इन द नेम ऑफ कल्टीवेशन, और अदर वे अराउंड द फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द नेम ऑफ इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड को इंक्रीज करने के नाम पे फॉरेस्ट जो है क्लियर करते चले गए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रहेगा आपको, दिस इज द पॉइंट। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन बन के आ सकता है, अगर क्वेश्चन ये जाए कि हाउ द डिफॉरेस्टेशन टुक प्लेस इन द नेम ऑफ द इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड, तो आप फिर उसमें लिखेंगे कि ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट, शुगर, वीट एंड कॉटन एक्सपेंडेड, ब्रिटिश पीरियड में इन सारी चीजों का प्रोडक्शन बहुत बड़ा था, पसंद थी क्या ब्रिटिशर्स को, नहीं, उसके पीछे का कारण यह है कि इन सारे प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था, यहां कॉटन प्रोड्यूस करवाते थे, सारा कॉटन लेके जाते थे ब्रिटेन, कपड़ा बनाते थे, कपड़ा लाके फिर इंडियंस को बेच देते थे। ठीक है, तो ये सारे कारण थे कि जिसके चलते कल्टीवेशन जो है एक्सपैंड हुआ ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड एंड विच लेड टू द डिफॉरेस्टेशन, है ना। आगे क्या है, ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन डिमांडेड मोर फूड क्रॉप, अभी अर्बन पॉपुलेशन जो बढ़ रही थी, ठीक है, शहरों में जैसे अब लोग रह रहे हैं तो शहर में लोग काम कर रहे हैं अपना, दूसरा वो अपने खाने की व्यवस्था खुद नहीं करते, एक इंसान जो गांव में रहता है तो वो खेती करता है तो वो अपने खाने की व्यवस्था खुद करता है। ठीक, तो ये पॉइंट को अगर ध्यान रखोगे तो ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन डिमांडेड मोर फूड क्रॉप, एंड उसके चलते आपको क्या देखने को मिलता है, जब ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन ने ज्यादा फूड क्रॉप डिमांड करी तो प्रोडक्शन जो है वो बड़ा, अब जब प्रोडक्शन बढ़ा तो उस बढ़ते प्रोडक्शन के चलते आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जंगल जो है घटे, डिफॉरेस्टेशन हुआ। ठीक, एक और पॉइंट अगर समझोगे आप तो क्या है, एक और पॉइंट कि कॉलोनियल गवर्नमेंट कंसिडर्ड फॉरेस्ट एज अनप्रोडक्टिव एंड फुल ऑफ विल्डरनेस, समझना कि हाउ इन द नेम ऑफ द इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड डिफॉरेस्टेशन टुक प्लेस। ठीक है, कहा क्या गया कि हमें जमीन को सुधारना है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन कैसे हो रहा, तो जमीन को सुधारने के नाम पर आपने जब खेतों को बढ़ाया तो जंगल तो कम हुए। ठीक है, खेतों को क्यों बढ़ाया गया, तो उसके पॉइंट आपको ध्यान आ रहे हैं कि ब्रिटिश पीरियड में जो प्रोडक्शन था कमर्शियल प्रोडक्ट्स का, कमर्शियल क्रॉप्स का, वो इंक्रीज हुआ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की तरह, अर्बन सेंटर्स में पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो उनके लिए खाना, इसके लिए खेत बढ़े। तीसरा पॉइंट और समझो उसी के अंदर, क्या
कि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थे ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो फॉरेस्ट है, जंगल है, दीज आर अनप्रोडक्टिव, फुल ऑफ विल्डरनेस. कभी कभी गए होंगे कोई तो, घूम गए होंगे अंदर ही, तो उन्होंने बोला कि अनप्रोडक्टिव है, पूरा जंगली है, और ये जंगली क्षेत्र रहेंगे, इसमें जंगली जानवर निकल के आएंगे, लोगों के ऊपर हमला करेंगे. तो इससे अच्छा क्या कि हम इन जंगलों को खत्म करते चलते हैं, जंगलों को हम खत्म करते चलते हैं. ये उन्होंने बात रखी. किसने ये बात रखी? ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने. उनको ऐसा लगता था कि फॉरेस्ट आर अनप्रोडक्टिव एंड फुल ऑफ विल्डरनेस. ठीक है, देयरफॉर लैंड इज टू बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन. इसी के चलते उन्होंने क्या बोला कि लैंड जो होगी उसको कल्टिवेशन के अंडर में लाया जाएगा. ठीक है, देयरफॉर लैंड इज टू बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन. सिंपल सीधी सटीक उन्होंने बोल दी कि जो जंगली जंगल है पूरे के पूरे अनप्रोडक्टिव है, इनको खेती के अंडर में ले आओ, मतलब जंगल साफ कर दो, खेती करवाओ. उनको फायदा भी था उसपे. क्यों फायदा था? क्योंकि उसपे उन्हें रेवेन्यू मिल जाएगा, लोग खेती करेंगे तो टैक्स लगा देंगे, है ना. तो देयरफॉर लैंड इज टू बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन. सो बिटवीन 1880s एंड 1920, 40 साल के अंदर कल्टिवेटेड एरिया जो है ना, देखो 6.7 मिलियन हेक्टर से बढ़ गया. समझ में आया? तो द एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेशन इज सीन एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस, बट इन दिस केस वी मिस्ड इट बिकॉज फॉरेस्ट क्लियर्ड, विच इन टर्न गेव मेनी अदर प्रॉब्लम. तो कल्टीवेशन, लैंड का एक्सपैंड होना एक तरह से प्रोग्रेस की तरह देखा गया. हमने जंगलों को खत्म करके हमने क्या करा? प्रोग्रेस कर दिए, खेती का क्षेत्र बढ़ा दिया, प्रोडक्शन बढ़ गया, ये सारी चीजें. लेकिन व्हाट वाज द रियलिटी? रियलिटी वाज दिस कि हमने एग्रीकल्चरल लैंड जरूर बढ़ाया था, लेकिन हमने बहुत कुछ खोया भी था. जंगलों को जो खोया तो बहुत सारे रिसोर्सेस, वो जो फॉरेस्ट सोसाइटी थी जो उस पर डिपेंडेंट होती थी, वो अफेक्ट हो रही थी. आगे पढ़ेंगे हम चैप्टर में. समझ में आया? तो ब्रॉड कंसेप्ट ध्यान रखना. क्या कि व्हाट वर द रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड व्हाई डिफॉरेस्टेशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट. तो आपको समझ में आना चाहिए, आप लिख सकते हो ये सारे पॉइंट्स कि वो अनप्रोडक्टिव और फुल ऑफ विल्डरनेस कंसिडर करते थे, एग्रीकल्चरल जो लैंड थी या फिर लैंडमास अंडर कल्टिवेशन एक्सपैंड हुआ था उसके पीछे के कारण. तो एक पॉइंट में दो पॉइंट स्प्लिट करके बना सकते हो, और नहीं तो बड़ा क्वेश्चन जो आएगा कि हाउ द डिफॉरेस्टेशन टुक प्लेस इन द नेम ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड, तो हियर इज द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू. समझ गए ना, वो कहानी रहती है. तो जैसे कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, अब जंगल साफ हो गया, अब इस पे खेती की जा सकती है. डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, देखो आप खुद इमेजिन करो ना कि कितना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ. ये पूरा पेड़, बड़े बड़े पेड़ हुआ करते, तो वो रिमेन्स ही बता रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा यहाँ. क्लियर? अगली चीज आती है स्लीपर्स ऑन दी ट्रैक्स. अगला रीजन वाई डिफॉरेस्टेशन टुक प्लेस. स्लीपर्स ऑन दी ट्रैक मतलब क्या समझते हो? तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे स्लीपर कुछ सोने वाला होगा कार्यक्रम. यहाँ पे सोने वाला कार्यक्रम नहीं है. स्लीपर्स ऑन दी ट्रैक का मतलब सिंपल सा ये है कि पहले ये समझो स्लीपर्स क्या है. तो वुडन प्लैंक्स लेड अक्रॉस रेलवे ट्रैक्स, दे होल्ड दी ट्रैक इन पोजीशन. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस, लेकिन जो रेलवेज का जैसे काम देखेंगे आप, तो रेलवे 1854 1855 उस टाइम पीरियड में ब्रिटिश रूल में ही चालू हो गया था रेलवेज इंडिया में, हमारे देश में भी रेलवेज का काम. तो उन्होंने उस समय पे जो रेलवे ट्रैक बिछाया था, आज भी कुछ जगह पे वो रेलवे ट्रैक ऑपरेशनल है, मतलब काम कर रहा है. तो शुरुआत में जो रेलवे ट्रैक बिछाया था, तो उसमें अब जैसे ऐसे तो नहीं पटरी कहीं भी बस पटरी पटरी बिछा दोगे आप, ठीक है, उसको सपोर्ट देने के लिए जैसे इतने नीचे गिट्टी रहती है, फिर गिट्टी के ऊपर क्या रहता है, गिट्टी के ऊपर एक ऐसा प्लैंक रहता है. आज आपको क्या देखने को मिल जाएंगे? आज ऐसे आपको कंक्रीट के बने हुए, लोहे के बने हुए प्लैंक देखने को मिलेंगे ये, लेकिन इनिशियली लकड़ी के इस तरह के वुडन प्लैंक्स रखे जाते थे. तो ये वुडन प्लैंक्स लेड अक्रॉस रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स के पास में जो वुडन प्लैंक्स रखे जाते थे, ठीक है, जो कि क्या करते थे, ट्रैक्स को होल्ड करके रखते थे पोजीशन में, ट्रैक्स को होल्ड करके रखते थे पोजीशन में. उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें स्लीपर्स कहा जाता है. ठीक है, उन्हें स्लीपर्स कहा जाता है. समझ में आया? उन्हें स्लीपर कहा जाता है. तो इस तरह से आपको ये स्लीपर ध्यान रखना है, स्लीपर्स. ठीक है, तो ये आज मॉडर्न डे स्लीपर्स अलग हो सकते हैं, आज लकड़ी के नहीं होते, लेकिन उस समय पे स्लीपर्स जो थे तो लकड़ी से बनते थे. अब इसने डिफॉरेस्टेशन को कैसे जन्म दिया या फिर अंजाम दिया, तो अब वो चीज समझना. तो वाई वी आर स्टडिंग दिस, हम सब ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि स्लीपर्स बनाने के लिए पेड़ काटे गए थे तो डिफॉरेस्टेशन हुआ था. तो स्लीपर्स ऑन द ट्रैक वॉज वन ऑफ द रीजन, मतलब ये हेडिंग है, लेकिन आप लिख सकते हो, ठीक है, कि विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज डिफॉरेस्टेशन टुक प्लेस. व्हाई? बिकॉज़ फॉर लेइंग द रेलवे ट्रैक्स मेनी ट्रीज वर कट डाउन. ठीक है, और उसके चलते क्या होता है, स्लीपर्स वर क्रिएटेड आउट ऑफ दोस ट्रीज व्हिच लेड टू द डिफॉरेस्टेशन. समझ गए ना, ये सिंपल सी चीज है. तो आफ्टर 1850s विद द स्प्रेड ऑफ रेलवेज, और रेलवे इंपॉर्टेंट भी था ब्रिटिशर्स के लिए. क्यों? क्योंकि इट वॉज एसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड एंड द मूवमेंट ऑफ इंपीरियल ट्रूप. पहली चीज तो वो इंडिया में लूटने आए थे, तो अपने सिर पे लग रख के तो भागेंगे नहीं सामान,
उन्हें स्विफ्ट मूवमेंट चाहिए था सामान का, तो सामान का स्विफ्ट मूवमेंट कैसे हो सकता था जब आपके पास रेलवेज हो, तो उनको रेलवेज को एक्सपेंड करने में तो बहुत ज्यादा दिल से इच्छा थी उनकी। साथ ही साथ आप क्या कि जगह जगह हमारे लोग रिवॉल्ट भी कर देते थे, तो वो रिवॉल्टिंग पीपल को सप्रेस करने के लिए भी उन्हें क्या इस्तेमाल करना पड़ता था कि ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो वो इंपीरियल ट्रूप को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी वो क्या करते थे, इंपीरियल ट्रूप को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वो लोग इस्तेमाल करते थे किसका, वो लोग इस्तेमाल करते थे इस तरह से क्या बोलते हैं अपना, ठीक है, वो लोग इस्तेमाल करते थे इनका किसका, रेलवे लाइन का, ठीक है। फिर क्या होता है, वुड वॉज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, सिंपल सी चीज है। तो अब रेलवे लाइन का डेवलपमेंट करना है तो लोहे के ट्रैक के अलावा वो स्लीपर्स बनाने के लिए, स्लीपर्स बनाने के लिए भी आपको क्या चाहिए रहेंगे, लकड़ी चाहिए रहेगी। रेलवे लाइन के एक्सपेंशन के लिए आपको लकड़ी चाहिए रहेगी क्योंकि स्लीपर बनाना है, ठीक है। एंड इट वॉज यूज एज फ्यूल टू ले रेलवे लाइन, यूज एज फ्यूल एंड टू ले रेलवे लाइन स्लीपर्स, मतलब और पहले, हाँ आज तो डीजल वगैरह इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से इंजन चल जाता है, उस समय पे क्या होता था, पहले वही आपने गदर मूवी में देखा कोयला डालते जाता है और फिर ट्रेन फिर पू करके बहुत तेजी से धुआं निकालती है और फिर दौड़ लगाती है। तो पहले क्या होता है, ट्रेन वगैरह भी किससे चलती थी, कोयले से चलती थी, तो अगेन वहां पे फ्यूल की तरह रेलवे लाइन को ले करने के लिए लकड़ी की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती थी। देयरफॉर आप क्या देख रहे हैं कि अंधाधुंध तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा था। एग्जाम्पल गिवन में आपको यहाँ पे, जैसे अगर मैं डेटा बताऊं तो ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड बिटवीन 1760 to 2000 स्लीपर्स, ठीक है, ईच माइल, एक माइल रेलवे लाइन को अगर बिछाना था तो एक माइल रेलवे लाइन को बिछाने के लिए 1760 से 2000 स्लीपर लगते थे। अब एक पेड़ में अगर बहुत ही ऊंचा भी पेड़ रहता था तो आप खूब से खूब 3 स्लीपर 4 स्लीपर निकाल पाओगे, ठीक है। तो सोच लो कितने पेड़ कटते थे एक माइल की रेलवे लाइन को ले डाउन करने के लिए, ठीक। तो ये इंटेंसिटी दर्शाता कि कितने पेड़ काटे गए होंगे फॉर दी एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, रेलवे के एक्सपेंशन के नाम पे कितने पेड़ कटे होंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड, इन 1890 25,500 किलोमीटर था, ठीक है। 1946 जब ब्रिटिशर्स गए तब तक उन्होंने कितना रेलवे एक्सपेंड कर गए थे पता है, 765,000 किलोमीटर का, और इतने पूरे पे उस समय तक जैसे आप देखोगे तो आज जो आप देख रहे हैं ट्रैक्स पे जो स्लीपर्स देखते वो कंक्रीट वाले हैं, ठीक। तो वो अभी अभी इंडिपेंडेंस के बाद इस्तेमाल होना चालू हुए, लेकिन उसके पहले तो लकड़ी के होते थे, तो लकड़ी के कितने पेड़ कटे होंगे इन स्लीपर्स को बनाने के लिए। ड्यू टू दिस देयर वाज ह्यूज डिफॉरेस्टेशन। एग्जांपल गिवन में मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, तो मद्रास प्रेसिडेंसी अलोन 35,000 ट्रीज वर बीइंग कट एनुअली, हर साल 35,000 पेड़ काटे जाते थे स्लीपर बनाने के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी से, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहता था। कॉन्ट्रैक्टर मतलब क्या है कि अब ऐसा तो है नहीं कि जो वायसराय जनरल होंगे ब्रिटिशर्स के वो खुद आएंगे और लकड़ी की कटाई करेंगे और स्लीपर लगाएंगे, वो तो क्या करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर कह सकते हैं क्राउन रूल जो था इंडिया में, तो वो ऑर्डर देते थे कॉन्ट्रैक्टर को कि तुम्हें इतने पेड़ काट के लाके देना है हमें। अब कॉन्ट्रैक्टर्स क्या है, कॉन्ट्रैक्टर्स को बस पेड़ काटने से मतलब रहता था, तो क्या होता था अंधाधुंध पेड़ काटे जाते थे। अब अंधाधुंध जब पेड़ काटे जाते थे तो उसके चलते जो इंटेंसिटी थी डिफॉरेस्टेशन की, दैट वॉज ऑन अ ह्यूज स्केल, ठीक है, बड़े स्केल पे पेड़ काटे जा रहे थे, समझ में आया। तो जैसे आप यहाँ पे कुछ फोटोज देखोगे तो आपको समझ में आएगा, कन्वर्टिंग अ साल लॉग इनटू स्लीपर इन द सिंघभूम फॉरेस्ट छोटा नागपुर मई 1897 की फोटो देख लो, कभी देखने को नहीं मिली होगी तुम्हें भी और मुझे भी। आदिवासी वर हायर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कट ट्रीज एंड मेक स्मूथ प्लैंक्स, पेड़ काटो पत्ती वत्ती सब हटाओ, सीधे लंबे लंबे हमें क्या दे दो इससे स्मूथ प्लैंक्स दे दो बना के, ठीक है, और जिनसे फिर स्लीपर काटना आसान रहेगा। एट द सेम टाइम दे वर नॉट अलाउड टू कट दीज ट्रीज टू बिल्ड देयर ओन हाउसेस, हाँ लकड़ी काट के खुद के घर के लिए ले जा सकते हो, लेकिन इस तरह से अब वो ये आपको आगे समझ में आएगा कि फॉरेस्ट सोसाइटी कैसे इफेक्ट हो रही थी कॉलोनियलिज्म के अंडर में, ठीक है। फिर आगे देखोगे तो एलिफेंट पाइलिंग स्क्वायर्स ऑफ, अब क्रेन चलती नहीं थी उस समय पे एलिफेंट वाली क्रेन चलती थी, तो एलिफेंट पाइलिंग स्क्वायर ऑफ टिम्बर एट टिम्बर यार्ड इन रंगून, रंगून मतलब आज का म्यांमार, तो वहां पे ये एलिफेंट वगैरह जो होते सब ये लकड़ी के गुल्ले जो है इकट्ठे कर रहे हैं, इस तरह से वो बता रहे हैं। तो इन द कॉलोनियल पीरियड एलिफेंट्स वर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू लिफ्ट हैवी टिम्बर बोथ इन द फॉरेस्ट एंड एट द टिम्बर यार्ड्स, तो उस समय पे वही क्रेन का काम एलिफेंट ही किया करते थे, समझ में आया। तो एक पॉइंट ये आपको समझ आया कि व्हाट वर द रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन, तो एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, और रेलवेज में जो स्लीपर्स का इस्तेमाल होता था उसके चलते डिफॉरेस्टेशन होता था। साथ ही साथ एक और पॉइंट आप यहां पे निकाल सकते हो, तीसरा पॉइंट आपके आंसर में क्या कि ब्रिटिश रॉयल नेवी ऑल्सो क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। सवाल ये है हाउ, मतलब ब्रिटेन की रॉयल नेवी वो वहां पे बना रहे हैं रॉयल नेवी को, नेवी मतलब समझते हैं ना जो नौसेना रहती है, जैसे हमारी नेवी है तो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, तो वैसे ही ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी थी ना उस नेवी
के एक्सपेंशन में, नेवी के डेवलपमेंट में इंडिया में डिफॉरेस्टेशन हुआ। कैसे समझाता हूं, तो बाय अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपीयरिंग। उन्होंने अपने यहां तो जितने भी लकड़ी थे, फॉरेस्ट थे, उनको तो सबको खत्म करना चालू कर दिया था। अब उनके यहां जब खत्म हो गया तो उन्होंने फिर ऐसा देखा कि अब क्या करें, तो उनको ध्यान आया कि अरे अपन ने इंडिया को कॉलोनी बना के रखा है, तो फिर वो इंडिया की तरफ मुंह घुमा लिए और इंडिया में आ गए। अब इंडिया में जब आ गए ना, तो इंडिया में क्या है कि जो प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई रॉयल नेवी के लिए ब्रिटेन फेस कर रहा था, तो उन्होंने देखा कि इंडिया में बहुत लकड़ी है, चलो इंडिया की तरफ। तो इंडिया की तरफ कूच करा तो उनकी नेवी ही, क्योंकि उनकी पावर थी। ये पॉइंट समझना, व्हाई दे वर एबल टू कॉलोनाइज मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, ठीक है। शायद भगवान को भी डर लगता था कि सूर्य अस्त हो जाएगा तो इन पे क्या विश्वास करें कि रात के अंधेरे में क्या काम कर दे ये लोग, ठीक है। मतलब इतने क्रूर थे, ठीक है। तो उसके चलते क्या, उसके चलते आपको देखने को मिलता है कि खैर जो पॉइंट मैं बता रहा हूं कि जब इतना बड़ा साम्राज्य था जहां कभी सूर्य अस्त नहीं होता है, तो इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने मेंटेन कैसे किया था, कोई तो एक फैक्टर रहता होगा ना कि इतना पावर जैसे भी, लेकिन इतने पावरफुल बन कैसे पाए। तो उनकी नेवी ने उनकी बहुत मदद करी थी, क्यों, क्योंकि नेवी की मदद से ही वो ट्रेडर बन के आते थे और फिर रूलर बन के चले जाते थे। तो उनकी नेवी ही उनका पावर थी, इसके लिए नेवी के एक्सपेंशन के लिए उन्हें टिम्बर तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए था कहीं से भी। तो देयरफॉर टिम्बर वॉज एसेंशियल रिक्वायरमेंट, सो द सर्च पार्टीज वर सेंट इन इंडिया। इंडिया में सर्च पार्टीज को पहुंचाया गया कि तुम देखो क्या नाव बनाने लायक लकड़ी मिल सकती है इंडिया में, ठीक है। तो टू एक्सप्लोर द रिसोर्सेज इन इंडिया, देन वास्ट क्वांटिटी ऑफ टिम्बर्स वर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो वो इंडिया आए, इंडिया में देखा, उन्होंने सर्वे किया कि है लकड़ी वकड़ी है कि नहीं है, और यहाँ के रिसोर्सेज को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि यहाँ तो खूब लकड़ी है, तो वास्ट क्वांटिटी ऑफ टिम्बर्स वर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से लकड़ी आ जाती थी और इस तरह से उनके लकड़ी के जहाज, आज वही वाली बात है, जब पहले लोहा स्टील वगैरह एल्यूमिनियम इतना नहीं चलता था, तो जहाज भी लकड़ी से बनते थे, लकड़ियों से क्या बनाए जाते थे, जहाज बना दिए जाते थे। और वो इस तरह से फिर क्या है, रॉयल ब्रिटिश नेवी जो है तो वो हमारे यहाँ की लकड़ियों पे सर्वाइव कर रहे थे और हमें गुलाम बना के रख लिया था, बताओ, ठीक है। दिस लेड टू द ह्यूज डिफॉरेस्टेशन। तो ये आपको एक पॉइंट यहाँ पे समझ में आएगा, चौथा पॉइंट समझ में आया। तो क्या क्या देखा, व्हाट आर द फैक्टर्स लीडिंग टू द डिफॉरेस्टेशन। तो आप बोल सकते हो कि सबसे पहले तो एरिया अंडर कल्टिवेशन जो एक्सपेंशन हुआ, दूसरा क्या है कि ब्रिटिशर्स खुद क्या करते थे, जंगलों को अनप्रोडक्टिव और फुल ऑफ विल्डरनेस कंसीडर करते थे, रेलवेज का एक्सपेंशन, नेवी का एक्सपेंशन। साथ ही साथ एक और लास्ट पॉइंट जैसे अगर आप देखना चाहो तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा प्लांटेशन, ठीक है, कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर के चलते भी क्या हुआ है, बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है, ठीक। ये देख लो ओक फॉरेस्ट, ये ओक ट्री होता है तो बड़ा मोटा पेड़ होता है, तो इससे आराम से वो नेवी के लिए लकड़ी वगैरह निकाल लेते थे। रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन जो है, तो रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन उस टाइम पीरियड की दिखाई जा रही है, ठीक है। तो अगला जो मैं पांचवा पॉइंट बताना चाह रहा हूं आपको, जो क्या दर्शाता है, जो ये दर्शाता है कि कैसे एक्सपैंड कर गए ये लोग, कौन लोग, सॉरी एक्सपैंड नहीं, कैसे डिफॉरेस्टेशन जो हुआ है वो और एक्सपैंड हुआ ब्रिटिश टाइम पीरियड में, कॉलोनियल टाइम पीरियड में। तो उसके पीछे का पांचवा कारण क्या है, प्लांटेशंस। प्लांटेशंस इज द फिफ्थ रीजन। प्लांटेशन में क्या हो रहा, देखो, तो अनदर इंपॉर्टेंट रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन वॉज प्लांटेशन फार्मिंग। इसे एक्सप्लेन करूं तो इट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच क्रॉप इज कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड फॉर प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव क्या है, प्रॉफिट मोटिव मतलब सिंपल सा ये है कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए तो उन्हें क्या था, उन्हें यह था कि इंडिया सोने की चिड़िया और अपने को जितना हो सकता है चिड़िया के अंदर से सोना निकाल के लेके चलना है, फाइन। तो उन्होंने इंडिया में जब देखा कि वास्ट ट्रैक ऑफ फॉरेस्ट है, खत्म करो, अनप्रोडक्टिव है, हमारे लिए कोई काम नहीं। अब जब खाली जमीन होगी तो वहां पे गरवा सोने खेलेंगे, उस खाली जमीन पर उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, कमर्शियल फार्मिंग स्टार्ट करी। मतलब खेती करते इस परस्पेक्टिव से थे कि खेती में आप क्या करेंगे, पैसा उगाएंगे, पैसा उगाएंगे इन द सेंस कि जो क्रॉप ग्रो करेंगे उससे पैसा ही पैसा करना है, कैश क्रॉप ग्रो करना चाहते थे वो, ठीक है। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच क्रॉप इज कल्टिवेटेड ऑन लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड फॉर प्रॉफिट मोटिव। लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड पे जब क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था ताकि जिससे वो मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सके, तो ये क्या कहलाया है, ये कमर्शियल फार्मिंग जो इस तरह की रही है इसे प्लांटेशन कहा गया है। तो ये प्लांटेशन फार्मिंग थी, ठीक है। देयरफॉर लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर क्लियर्ड टू कल्टिवेट क्रॉप्स सच एज टी, कॉफी, रबर एंड टू मीट द यूरोप्स ग्रोइंग नीड। यूरोप की ग्रोइंग नीड को एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा करने के लिए, कि यूरोप में जो लोग वहां पे डिमांड कर रहे थे कि कॉफी लाओ, टी लाओ, नवरा लाओ, इधर से ग्रो कर करके लेके चलो वहां बेचेंगे, ठीक है, इधर भी पैसा उधर भी पैसा, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया, ठीक है। तो उस टाइप से क्या है, लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट जो उन्हें काटते चले गए और वहां पे क्रॉप्स कल्टिवेट की जाती थी सच एज टी, कॉफी, रबर, ठीक है, एंड दीज क्रॉप्स वर यूज टू मीट द नीड ऑफ यूरोप, ठीक है। यूरोप में जो डिमांड थी उस डिमांड को यहां से सप्लाई किया जा रहा था, और यहां से क्यों किया जा रहा था, क्योंकि कुछ क्रॉप जैसे अब टी कॉफी ये हो गया,
वो वहां पे ग्रो ही नहीं हो सकती है। तो इंडिया हैड अ गुड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, और इसके चलते क्या इंडिया में और बहुत सारी जगह जैसे आप देखोगे कैरेबियन आइलैंड्स में क्यों कॉलोनीज बनाई, और वहां पे यूरोपियंस खुद काम कर नहीं सकते तो इसी के चलते उन्होंने स्लेव बनाना चालू कर दिए। इंडिया से भी इंडेंचर्ड लेबर्स जाते थे, आप क्लास 10th में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये केस रहा। समझ में आया कि हाउ प्लांटेशन लेड टू दी डिफॉरेस्ट्रेशन। तो प्लांटेशन क्या है वो बताना है। प्लांटेशन के चलते अब आप देखोगे कि जब उन्हें पैसा कमाना था तो उन्होंने क्या किया, लार्ज ट्रैक्स ऑफ फॉरेस्टेड ट्रैक्स जो थे उनको क्लियर किया, वहां पे कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट करी। इन द ग्रोइंग इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड डिमांडेड दीज क्रॉप्स, और ये जो इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी जहां पे ये रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जा सकते थे यहां से क्रॉप्स को ले जाके, ठीक है, और ट्रेड में जो डिमांड कर रहे थे लोग, तो उसके चलते उन्होंने खूब यहां पे क्या किया, देयरफॉर वास्ट एरिया ऑफ लैंड वाज क्लियर्ड, डिफॉरेस्टेशन हुआ यूरोपियन प्लांटर्स के द्वारा, और उसको उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन यहां पे पेड़ खत्म कर दिए हमने पूरे। सो दीज वर दी रीजंस। आई होप अब आप कनेक्ट कर पाओगे। चलो एक बार कनेक्ट करते हैं, फिर हम अगले पार्ट पे मतलब जैसे आप देखोगे तो वाई डिफॉरेस्टेशन हो गया, अब राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, तो पेड़ काट काट के कर क्या रहे थे वो इंडिया में। ठीक है, तो जैसे अगर आप यहां समझोगे तो डिफॉरेस्टेशन के पीछे के कारण मैंने आपको अगेन रिपीट करवाता हूं, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन उनका यह मानना था कि फॉरेस्ट अनप्रोडक्टिव है, फुल ऑफ विल्डरनेस है, रेलवेज का एक्सपेंशन, नेवी का मतलब मेंटेनेंस या फिर एक्सपेंशन कह सकते हो आप, और पांचवा पॉइंट ये प्लांटेशन हो गया। तो इन कारणों से डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा था। अब अगर हम बात करें कि इसका इंपैक्ट लोकल लाइफ पे क्या पड़ा है तो वो आगे समझते हैं। द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, क्या कह रहा है टॉपिक, द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। व्हाई डिफॉरेस्ट्रेशन से कनेक्ट करो कि उधर पेड़ कट गए उसके बाद में क्या है कि पेड़ कट रहे हैं उनके कारण क्या क्या थे वो तो समझ लिया। अब उसी के पैरेलल ब्रिटिशर्स के आने के साथ साथ, कॉलोनियल पावर्स के आने के साथ साथ जब कॉलोनियलिज्म हुआ तो कमर्शियल फॉरेस्ट्री का राइज देखने को मिला। आपके मन में 2-4-5 सवाल होंगे, कमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या है, क्यों राइज हुई, इसके क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, वो सारी चीजें आप समझते हैं। क्लियर हुआ? तो देखो कमर्शियल फॉरेस्ट्री का जो व्हाट व्हाई हाउ व्हेन वेयर जितने भी सवाल है आपके मन में उन्हें समझना, और वो व्हाई डिफॉरेस्टेशन से कनेक्ट करना कि एक तरफ आपने देख लिया पेड़ कटते जा रहे थे, लेकिन उन पेड़ के कटने के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलता है कि कमर्शियल फॉरेस्ट्री भी स्टार्ट होती है अंडर कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो अंडर कॉलोनियलिज्म आपको कमर्शियल फॉरेस्ट्री देखने को मिलती है। बैकग्राउंड अगर समझे तो टिम्बर और शिप बन रहे, मतलब टिम्बर की रिक्वायरमेंट थी किस चीज के लिए, रॉयल नेवी की शिप बनाना है, उसके बाद में क्या है रेलवेज का कंस्ट्रक्शन होना है तो स्लीपर्स बनना है, ये देखा हमने। तो अब इसके चलते क्या उन्हें टिम्बर तो चाहिए ही चाहिए था। तीनों के बीच में आपको तिकड़म समझ में आ रही है ना कि कॉलोनियल पावर जो हुआ करती थी उन कॉलोनियल पावर्स को टिम्बर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती थी। फाइन, तो बट द ब्रिटिश वर वरीड दैट द यूज ऑफ फॉरेस्ट बाय लोकल पीपल दे माइट डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट शॉर्टेज फॉर द शिप एंड रेलवे विल देयर। क्या हो रहा है कि जब उन्हें लकड़ी की बहुत ज्यादा जरूरत थी किन्हें, कॉलोनियल पावर को, तो कॉलोनियल पावर्स को यह डर लगा कि यार हमें लकड़ी की जरूरत है, और जो लोकल पीपल एकदम जंगल में ही रह रहे हैं इंडिया में आकर उन्होंने ये देखा कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ट्राइब्स हैं जो जंगलों में ही रह रहे हैं, तो उन्होंने ये देखा कि लोकल पीपल जो है व्हेन दे विल कंटिन्यू द यूज ऑफ फॉरेस्ट, अगर वो जंगलों को इसी तरह से इस्तेमाल करते रहेंगे तो उसके चलते तो बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, उन्हें यह डर था कि दे माइट डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, और उसी के साथ साथ फॉरेस्ट की चिंता नहीं थी, उन्हें चिंता यह थी कि अगर फॉरेस्ट वो खत्म कर देंगे कौन, लोकल पीपल, तो हमें जो नाव बनाना है, रेलवे लाइन बनाना है, उसके लिए लकड़ी कहां से मिलेगी, प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके चलते क्या होता है, इसके चलते देयरफॉर जर्मन एक्सपर्ट डेट्रिक ब्रैंडेस वाज इनवाइटेड। ठीक है, इनवाइटेड, हां बोला इनवेंटेड लिख दिया, डेट्रिक ब्रैंडेस को इन्वेंट नहीं करा। ठीक है, तो डेट्रिक ब्रैंडेस को इन्वाइट किया जाता है इंडिया में, एक तरह से अपॉइंट किया जाता है इंडिया में, और बोला जाता है कि इंडिया में जाओ, हमें लकड़ी चाहिए, अपने को नाव बनाना है, रेलवे के स्लीपर्स बनाना है, और वहां फॉरेस्ट पीपल जो है तो दे आर लिविंग इन द फॉरेस्ट ओनली, तो कुछ ऐसा मतलब अरेंजमेंट करो, उस तरह से ऐसे व्यवस्था जमाओ कि हमारी लकड़ी की कमी, हमें जो लकड़ी की जरूरत है वो हमारी जरूरतें कभी ऐसा ना हो कि हमारी जरूरतें पूरी ना हो पाए, और वहां जंगल भी बच जाए, लोगों को भी संभाल लेना, सारी चीजें। तो डेट्रिक ब्रैंडेस को मतलब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पहुंचाया गया। समझ पा रहे हो ना? आप बोलोगे सर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहां है, इसमें भी आएगी आगे। तो डेट्रिक ब्रैंडेस जर्मन एक्सपर्ट थे, ही वॉज मेड द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, इंडिया में पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बना के उन्हें पहुंचाया डेट्रिक ब्रैंडेस को। डेट्रिक ब्रैंडेस जब इंस्पेक्टर जनरल बनके आए इंडिया में, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट जंगलों की देखभाल करने के लिए, तो उन्होंने यहां आके क्या किया, यहां आके उन्होंने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो बैकग्राउंड समझ में आया ना कि ब्रिटिशर्स का क्या डर था, क्या
सिचुएशन थी और किस स्थिति में उन्होंने डेट्रिक ब्रैंडिस को अपॉइंट किया। डेट्रिक ब्रैंडिस को फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं एनटीएससी देना है आगे, ध्यान रखिएगा क्या, तो फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट जो है उन्हें बनाया और पहुंचाया यहां पे। आगे अगर बढ़े तो व्हाट डिड डेट्रिक ब्रैंडिस डू। अब डेट्रिक ब्रैंडिस ने यहां आने के बाद में क्या किया, डेट्रिक ब्रैंडिस यहां आ गए इंडिया में, इंडिया में आने के बाद में क्या किया कि ही बिलीव्ड इन द साइंस ऑफ कंजर्वेशन विच शुड बी बैक्ड बाय लीगल सैंक्शन। दो चीजें, डेट्रिक ब्रैंडिस फॉरेस्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बन के आया और उन्होंने आइडिया दिया कि हमें साइंस ऑफ कंजर्वेशन में विश्वास रखना होगा और ये साइंस ऑफ कंजर्वेशन को हम पॉसिबल तभी कर पाएंगे जब कोई लीगल सैंक्शंस हो। दो शब्द लिखे हैं मैंने, मतलब देखो एनसीईआरटी में सारी चीजें लिखी, मैं जो पढ़ाता हूँ कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कहीं डायरेक्ट एनसीईआरटी से मेरे कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट सीबीएसई मेरे कॉन्टेक्ट होंगे और फिर वही पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में आएगा। एग्जाम में वही आता है जो एनसीईआरटी में लिखा होता है, और जो एनसीईआरटी में लिखा होता है मैं उसे आपको सरल करके बताता हूँ। तो डेट्रिक ब्रैंडिस इंडिया आए, इंडिया आने के बाद उन्होंने क्या बोला कि लकड़ी की व्यवस्था अगर करना है ना तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, साइंस ऑफ कंजर्वेशन में विश्वास करना पड़ेगा। मतलब आपको लकड़ी को साइंटिफिक तरीके से क्या करना पड़ेगा, पालना पड़ेगा, पोसना पड़ेगा, उसे वैसे कंजर्व करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये कंजर्वेशन जो करोगे ना तो भय भी ना हो ना प्रीत, एक तरह से सिंपल सी चीज है क्या कि जब तक डर नहीं होगा लोग कंजर्व नहीं करेंगे। तो आपको डर क्रिएट करना पड़ेगा, और डर कैसे क्रिएट होगा, लीगल सैंक्शन लगाओ। जैसे क्या होता है लेट आने पे अगर आपको कुछ नहीं हो रहा है ठीक है, तो लोग क्या है कोई टाइम पे जाएगा ही नहीं, हमेशा लेट जाएंगे, लेकिन लेट आने पे पेनल्टी है, पनिशमेंट है, तब आदमी डर के जाता है, लीगल सैंक्शन से। तो वही चीज डेट्रिक ब्रैंडिस ने भी बताई क्या कि टिम्बर प्रोडक्शन थ्रू कंजर्वेशन, आप साइंस ऑफ कंजर्वेशन कैसे करेंगे, तो उसमें उन्होंने बताया कि हम क्या करेंगे, टिम्बर का प्रोडक्शन करेंगे थ्रू कंजर्वेशन, मतलब पेड़ों को हम क्या करेंगे साइंटिफिकली प्लांट करेंगे, बड़े करेंगे और फिर उनको हार्वेस्ट करेंगे। तो जिस तरह से आप गेहूं की खेती करते हो वैसे जंगलों में लकड़ी की भी खेती की जाए ठीक है। तो फेलिंग ऑफ द ट्रीज एंड ग्राजिंग टू बी रिस्ट्रिक्टेड, उन्होंने बोला कि कंजर्वेशन के लिए हमें क्या है कि कोई भी यूं ही पेड़ ना काटे, पेड़ काटने के ऊपर लॉ, मतलब आज से अगर आप जिस देखोगे 200 साल पहले तो ऐसा सिस्टम हुआ करता था कि पेड़ काटना इज समथिंग वेरी नॉर्मल, क्यों, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये जंगल है, जंगल पे हमारा जीवन है ठीक है, वन्य प्राणी और जंगल के रिसोर्सेस सब अपना ही समझते थे लोग। तो पेड़, मतलब आज से 200 साल पहले कोई ऐसी बात कर दे कि पेड़ काटने पे रोक लगाना होगी तो लोग उसकी मार मार के पिटाई बना दे एकदम ठीक है। तो यहां पे आपको वो चीज ध्यान रखना होगी क्या कि उस टाइम पीरियड का कंटेक्स्ट समझो जब डेट्रिक ब्रैंडिस आया। डेट्रिक ब्रैंडिस ने क्या बोला कि नहीं, अगर ब्रिटिश रॉयल नेवी रेलवेज के लिए आपको टिम्बर की व्यवस्था करना है तो आपको क्या करना होगा, साइंस ऑफ कंजर्वेशन इंट्रोड्यूस करना होगा, जिसके चलते टिम्बर प्रोडक्शन जो हो रहा है ठीक है, टिम्बर प्रोडक्शन जो होना है वो कंजर्वेशन के थ्रू होना चाहिए और हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे किस चीज पे कि यूं ही पेड़ नहीं काट सकते आप, ग्रेजिंग यूं ही नहीं करवा सकते कि जानवरों को बस लेके घुस गए जंगलों में, वो छोटे छोटे सैपलिंग्स वगैरह को खा जाते थे, तो उस चीज को भी रोकना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये पार्ट प्रेजेंट किया गया, ये पार्ट प्रेजेंट किया गया, रूल्स अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड पनिशमेंट टू दोज हु वायलेट्स देम, और लीगल सैंक्शन की जो बात की गई, तुमने बोला कि हम पेड़ काटना बंद करेंगे, ग्रेजिंग को बंद करेंगे, लोग अपने जानवरों को लेकर जंगलों में यूं ही नहीं घुस सकते, उसे बंद करेंगे, कैसे बंद करोगे, तुमने लीगल सैंक्शन क्या लाए कि रूल्स अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, और जो इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज को इन रूल्स के अलावा उन रूल्स को तोड़ के फॉरेस्ट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा तो दे विल बी पनिश्ड ठीक है, जो लॉ वायलेट करेंगे उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये पूरी जबरदस्त व्यवस्था जो है आपको यहां पे देखने को मिल रही थी, किसके द्वारा, डेट्रिक ब्रैंडिस के द्वारा ये व्यवस्था स्थापित की गई थी। फाइन, तो ब्रैंडिस सेट अप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864 एंड हेल्प फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। तो डेट्रिक ब्रैंडिस ने क्या किया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना IFS ऑफिसर बनेंगे, एक फॉरेन सर्विस अलग होता है, फॉरेस्ट सर्विस मतलब क्या है कि आपको देखने को मिलेगा भारतीय वन सेवा जो होती है तो इसमें फॉरेस्ट ऑफिसर्स बनते हैं, तो वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बैक इन 1864 डेट्रिक ब्रैंडिस के द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी, और उसी के चलते क्या है एक लॉ बनाया गया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 का। ये इयर्स ध्यान रखना हर पर्सपेक्टिव से, जो कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी, साथ ही साथ अपन नाइन्थ में भी हो तो भी, क्या कि इन इयर्स से आपको एक कहानी, एक मतलब एक क्रोनोलॉजी समझ में आएगी कि डेट्रिक ब्रैंडिस इंडिया आए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एस्टैब्लिश करी 64 में, 65 में लॉ बनाया गया। अब ये जो 65 में लॉ बनाया गया ना, कौन सा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाला जो लॉ था इस लॉ को दो बार संशोधित किया गया। संशोधित करना मतलब क्या है, अमेंड करना, मतलब इस लॉ में दो बार बदलाव लाया गया। क्या बदलाव लाया गया दो बार, तो दिस लॉ वॉज अमेंडेड ट्वाइस इन 1878 एंड इन 1927, दो बार चेंजेस किए गए, मतलब दो बार चेंजेस किए गए। लॉ आ कब गया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आ गया था 1865 में,
पॉइंट ये आएगा आपके मन में, ठीक है, स्वाभाविक और आना चाहिए कि क्या अमेंडमेंट किया गया, इसमें क्या बदलाव लाए। तो 1865 में एक ब्रॉड आउटलाइन बना दी थी कि हम इस तरह से फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड दैट वाज मेंशनड इन द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो इट वाज लीगली सैंक्शनड, रूल सेट कर दिए थे और जो रूल वायलेट करेगा उसे पनिश किया जाएगा, है कि नहीं। अब इन रूल्स में क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस होते रहे। तो जैसे 1878 में क्या हुआ, इसमें संशोधन हुआ, तो फॉरेस्ट वर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। तो 1865 का जो लॉ था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो था, उसमें अमेंडमेंट किया 1878 में, और उस अमेंडमेंट के हिसाब से क्या किया गया, उस अमेंडमेंट के हिसाब से फॉरेस्ट वर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, तीन कैटेगरी में फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। ठीक है, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। तो ये चीज ध्यान रखना है, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट, तीन कैटेगरी में फॉरेस्ट को बांट दिया गया। तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या थे, तो बेस्ट फॉरेस्ट, विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दीज फॉरेस्ट इवन फॉर देयर ओन यूज। ठीक है, तो यहां पे क्या, ये रिजर्व फॉरेस्ट जो रहे, तो इन रिजर्व फॉरेस्ट को बेस्ट फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाला गया। यहां जो विलेजर्स होंगे, वो विलेजर्स इन जंगलों से कुछ अपने जरूरत के लिए भी नहीं निकाल सकते, मतलब एक तरह से वो एरिया जिसमें सबसे अच्छी लकड़ी ग्रो हो रही है, वो ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, वो रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया, कि इससे सिर्फ गवर्नमेंट ही लकड़ियां निकाल पाएगी, लोगों को जाने नहीं देना अंदर। ठीक है, तो वो तो रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में आ गया। उसके बाद में जो प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट बनाए गए, ठीक है, अंडर द अमेंडमेंट ऑफ 1878, समझ रहे हो ना, मतलब वो लॉ जो था, तो लॉ में चेंजेस करके। तो 1878 में क्या होता है, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट जो बनाए गए, तो बट इन केस ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट परमिशन इज ग्रांटेड ऑन पर्टिकुलर इश्यूज। प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट में क्या है कि थोड़े से कुछ पर्टिकुलर इश्यूज पे, जैसे मान लो कोई मेडिसिनल हर्ब्स लेने के लिए अंदर जाना है, तो उस चीज के लिए अलाउ कर दिया। ठीक है, तो इन केस ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट परमिशन इज ग्रांटेड ऑन पर्टिकुलर इश्यूज। एग्जाम्पल गिवन, जैसे वुड कैन बी कलेक्टेड फॉर फ्यूल और हाउस बिल्डिंग। विलेज फॉरेस्ट जो है, तो लोग अपनी जरूरतों के लिए इन जंगलों से सामान निकाल सकते थे। अब ये कैसे क्लासिफाई किया जाता होगा, तो जो सबसे अच्छी क्वालिटी का जंगल होता था, तो उसको रिजर्व कर देते थे, बाकी जो थोड़ा कम और उससे, मतलब ऐसे बोलते ना, जहां ज्यादा रिसोर्सेज ना हो, उनको प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाल देते थे। दो बार अमेंडमेंट हुए थे, 1878 और साथ ही साथ क्या, 1927 में। 1927 में जो अमेंडमेंट हुए थे, तो सिमिलर चेंजेस वर स्ट्रेंथन, ठीक है, अंडर द अमेंडमेंट ऑफ 1972 एक्ट। 1972 एक्ट में भी क्या हुआ, उस अमेंडमेंट में भी ये जो बदलाव लाए गए थे, इन्हीं बदलावों को और मजबूत किया गया। ठीक है, इन्हीं चेंजेस को थोड़ा और मजबूत किया गया। क्लियर हुआ? तो दिस इज द होल स्टोरी, दिस इज द होल स्टोरी अबाउट डेट्रिक ब्रैंडिस। डेट्रिक ब्रैंडिस इंडिया आए, इंडिया आने के बाद उन्होंने देखा कि साइंस ऑफ कंजर्वेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा विद लीगल सैंक्शंस, एंड अकॉर्डिंगली ही सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आता है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर क्या क्या होता है, किसी भी तरह से सवाल आ जाए कि व्हाट आर रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, ठीक है, तो व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस मेड बाय डेट्रिक ब्रैंडिस इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो वो चीज ध्यान रहेगी, सवाल बनेगा। अब डेट्रिक ब्रैंडिस आ गए, आने के बाद उन्होंने क्या किया, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास किया, उसके साथ साथ और क्या कंट्रीब्यूशन थे, देखो, तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, ठीक है, तो देहरादून में आपको ये इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा, कौन सा, द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सेटअप किया गया 1906 में। तो आप फॉरेस्ट सर्विसेज है, फॉरेस्ट के ऊपर लॉ है, तो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट वगैरह होना चाहिए, जहां रिसर्च हो, जहां लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, सब कुछ। तो देहरादून में क्या, ये इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसको सेटअप किया गया। उसी के साथ साथ क्या है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो है, यहां पे पढ़ाई जाती थी। अब पॉइंट दो तीन निकल के आ रहे, देखो, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में 1906 में एस्टैब्लिश किया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो स्टार्ट की थी, तो उसका लोगो ये हो गया, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है, तो वो एक्ट है जो कि सारी वर्किंग कंडीशंस वगैरह उनको गवर्न करेगा। क्लियर? अब आगे अगर एक और कदम बढ़ते हैं, तो अब आगे एक और कदम बढ़ने पे हमें क्या समझ में आ रहा है, कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो है वो यहां सिखाई जाती थी, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री यहां सिखाई जाती थी। तो द पॉइंट इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री से आपको क्या समझ में आता है। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की अगर हम बात करें, तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की अगर हम बात करें, तो देखो, सिंपल सी चीज है, यहां पूरा साइंटिफिक फॉरेस्ट्री मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, ठीक है। द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री टॉपिक है हमारा, तो राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री में ही आपको बताया गया है कि कमर्शियल फॉरेस्ट्री यानी क्या है, कि आप जंगलों को कमर्शियल पर्पज से देख रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से आप क्या करोगे, कंजर्वेशन करोगे। ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है, ये सवाल है। हु वॉज डेट्रिक ब्रैंडिस, ठीक है, व्हाट डिड ही इंट्रोड्यूस्ड अंडर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, किसी भी तरह से सवाल बने तो अब वो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री समझते चलो। ठीक, देखो क्या है, तो बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेट्रिक ब्रैंडिस, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो डेट्रिक ब्रैंडिस को ही फादर ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा जाता है।
उन्होंने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में क्या किया, मतलब ऐसे साइंस की लैब में जंगल बनाएंगे नहीं, ठीक है, उन्होंने बात करी कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है ना उन नेचुरल फॉरेस्ट को काट दो। अब बोलोगे ऐसे कैसे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की, पेड़ काटने की बात कर दी, पूरी बात सुनो अभी, ठीक है, पहले कंक्लूजन पे नहीं कूदना है। रेडरिक ब्रांडिस ने ये आइडिया दिया कि जितने नेचुरल फॉरेस्ट है, ठीक है, जहां पे बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज है, मतलब वहां पे आप क्या देख रहे हैं, पतली पतली बेलाएं हैं, बेलाओं से लगा के बड़े बड़े क्या है वृक्ष है, सब कुछ है, तो वो सब कुछ की जरूरत नहीं है। डेटर ब्रांडिस ने क्या कहा कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है नेचुरल फॉरेस्ट को काट दिया जाए, ठीक है। नाउ इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्री वॉज प्लांटेड इन स्ट्रेट रोज, दिस इज कॉल्ड प्लांटेशन। तो वो पेड़ों को काट के एक जैसे पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है, तो नेचुरल फॉरेस्ट को काट के एक जैसे पेड़ लगाए जाएंगे, और जो एक जैसे पेड़ लगाए जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो साइंटिफिकली सिमिलर टाइप ऑफ ट्रीज रहेंगे, जिनको एक रो में लगाएंगे तो काटने में दिक्कत नहीं जाए, एक साथ बड़े होंगे, एक साथ काटा जा सकता है, समझ लो। तो इसको उन्होंने साइंटिफिक नाम दे दिया, बस रहेंगे जंगल ही, लेकिन उन्होंने देख लिया कि जंगल हम जैसे चाहेंगे, हमारे कमर्शियल पर्पस के हिसाब से जैसे जंगल चाहेंगे वो जंगल कहलाएंगे, तो वही साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कमर्शियल फॉरेस्ट्री कहलाए, समझ में आया। तो नाउ इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्री वॉज प्लांटेड इन स्ट्रेट रोज, दिस इज कॉल्ड प्लांटेशन, ठीक है। तो फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्वेड द फॉरेस्ट एंड मेड वर्किंग प्लान ऑन द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ये जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनाई गई थी, तो सर्विस में लोगों को क्या बैठे बैठे सैलरी थोड़ी ना देना था, लगाए इन लोगों को काम पे, जाओ सर्वे करो। तो फॉरेस्ट ऑफिशियल जो इन्होंने सर्वे किया कि कहां किस प्रकार के जंगल है, ठीक है, उनसे बोला गया कि वर्किंग प्लान ड्रॉ आउट करो कि किस तरह से हम जंगलों को काटेंगे, कौन से जंगल किस जगह में किस तरह के पेड़ फिर हम लगाएंगे, सिमिलर टाइप ऑफ ट्रीज इन रोज, ठीक है। तो दे प्लान्ड हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरिया टू कट एवरी ईयर। तो उन्होंने कितना जंगल काटना है, कितना जंगल जो है नया लगाना है, नया लगाने के बाद उसकी कटाई कैसे होगी, द एरिया कट वॉज देन टू बी रिप्लांटेड, ठीक है, वही वाली बात है, पेड़ काटते चलो उसको रिप्लांट करते चलो, सो दैट इट वॉज रेडी टू कट अगेन आफ्टर अ पीरियड, ताकि 10-20 साल बाद वो पेड़ वापस बन जाए तो उनको फिर काटा जा सके। तो ये पूरी प्लानिंग की गई, फाइन, ये पूरी प्लानिंग की गई किसके अंडर में, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के अंडर में, समझ में आया ना। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, डेट्रिक ब्रांडिस, द आइडिया ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, व्हाट वाज बीइंग परफॉर्म्ड, ये सारी चीजें हमने यहां कवर कर ली है, क्लियर। आगे अगर बढ़े तो देखो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का यहाँ पे वो बहुत अच्छी तरह से डिपिक्शन दिया गया है, ठीक है। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में इस तरह से क्या, एक जैसे पेड़ रोज में लगाए जाते हैं, तो अद्योदर प्लांटेशन इन कंगड़ा 1933 फ्रॉम द इंडियन फॉरेस्ट रिकॉर्ड, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट रिकॉर्ड में आपको मतलब इंडियन फॉरेस्ट रिकॉर्ड जो हमारे पास रखा हुआ, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा देवदर प्लांटेशन इन कंगड़ा जो है वो यहाँ पे दिया गया, ठीक है। वन एसएल ऑफ मैनेज पॉपुलर, ठीक है, पॉपुलर फॉरेस्ट इन टस्कैनी इटली। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट वॉज समथिंग विच वॉज ऑलरेडी बीइंग प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, यूरोप में पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे, वहां का भी एक पिक्चर दिखाया गया है बढ़िया सा सुंदर सा, क्लियर है। ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हो गई है। अब बात करते हैं किस चीज की, कि ये तो ऑफिसर्स के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सारे कदम उठाए जा रहे थे, इसका परिणाम हमारे लोगों के ऊपर, हम पर क्या पड़ा, वो भी तो एक पॉइंट है ना, वो जानना समझना जरूरी है। तो अगर उस चीज को हम समझे यहाँ पे, तो उस चीज को इस पूरे पार्ट में, मतलब जो द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री आपका ब्रॉड टॉपिक है, उसके अंदर सब टॉपिक जैसे अगर आप देखोगे तो हाउ आर दी लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। तो आम जनता जनार्दन जो थी ना, तो ये जो पूरा इन्हें बदलाव करा, उलट पलट करके रख दिया कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री करेंगे, उसका आम जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये जो आपने रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट बना दिए, तो आम जनता किस तरह से अफेक्ट हुई थी, तो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो क्या है, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग व्हाट अ गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक। अब जैसे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की बात की गई है, कंजर्वेशन की बात की जा रही है, क्लियर हो रहा है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव था कि अगर अपने को रेलवे के लिए और शिप के लिए लकड़ी चाहिए तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वगैरह करना पड़ेगी, अपने को उस तरह से काम करना पड़ेगा। ये किसका पर्सपेक्टिव है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है। लेकिन अगर आप जैसे देखोगे ब्रिटिश गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है, आम जनता जो थी, जो गांव वाले लोग थे, उन लोगों का क्या पर्सपेक्टिव रहा होगा। तो विलेजर्स का यह मानना था कि एक अच्छा फॉरेस्ट क्या होगा, जहां पे मिक्सचर ऑफ स्पीसीज हो। हमें कोई नाव और रेलवे के स्लीपर थोड़ी ना बनाना है, हमें तो हमारी पूरी नीड्स पूरी करना है। तो उन्हें मजबूत लकड़ी भी चाहिए, कमजोर लकड़ी भी चाहिए, उन्हें जड़ी बूटी के पेड़ पौधे भी चाहिए, उन्हें फल वाले भी चाहिए, उन्हें फूल वाले भी पौधे चाहिए। तो एक विलेजर्स के पर्सपेक्टिव से अच्छे फॉरेस्ट क्या होंगे, जो मिक्सचर हो जहां पे अलग अलग स्पीशीज का, ठीक है, टू सेटिस्फाई डिफरेंट नीड्स, फ्यूल, फॉडर, लीव्स अपनी। उन्हें तेंदू पत्ता भी चाहिए तो पत्ते वाले पेड़ भी चाहिए, उन्हें फल चाहिए तो फल वाले पेड़ भी चाहिए, ठीक है। तो विलेजर्स का पर्सपेक्टिव ये होगा कि एक अच्छा फॉरेस्ट वो होगा जो मिक्सचर ऑफ स्पीशीज होगा। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था, डेट्रिक ब्रांडिस के जो फॉलोवर्स थे सारे के सारे, ठीक है, उनका क्या मानना था, दे वांटेड अ फॉरेस्ट सुटेबल फॉर बिल्डिंग
और रेलवे, उन्हें ऐसा चाहिए था कि मजबूत टिम्बर जहाज निकल के आए। दोनों के ओपिनियंस क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो दे नीडेड ट्रीज विथ हार्डवुड टॉल एंड स्ट्रेट, एग्जाम्पल टीक एंड साल। तो वो जगह जगह क्या है, टीक और सागवान का पेड़ जिसे कहते हैं ना, उन्हें तो ऐसा है कि जंगलों में बस टीक और साल, ठीक है, इन्हीं के पेड़ हो, इन्हीं के पेड़ हो। लेकिन फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे तो उनके लिए तो वैरायटी ऑफ स्पीशीज चाहिए थी उन्हें। तो यहां पे विडंबना आ गई, चलेगी किसकी, दिखती बात है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चलेगी, इनके पास पावर था। फाइन, तो हाउ आर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड, यू कैन सी ओवर हियर ओनली कि द नीड ऑफ द पीपल वर बीइंग इग्नोर्ड एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टुक कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। They just needed trees with hardwood, tall and straight trees, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, अपने railways के लिए, building material के लिए timber निकाल सके वहां से। समझ में आया? तो क्या होता है, देखो, तो dependence of people on forest area, तो people were highly dependent on the forest area, आम जनता जनार्दन जो थी तो वो बहुत ज्यादा निर्भर थी जंगलों के ऊपर, कि जंगलों के ऊपर हम डिपेंडेंट इस तरह से क्योंकि जंगलों से हमारी जरूरतें पूरी हो रही है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स, ट्यूबर्स मतलब क्या होता है, जिनकी रूट्स खाने लायक रहती है, ऐसे कुछ कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे सवाल ऐसा बनता है कि हाउ द फॉरेस्ट पीपल वर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट, हाउ द फॉरेस्ट पीपल वर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, व्हाट वर द नीड्स, व्हाट वर द बेनिफिट्स व्हिच द फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट एरियाज, तो ये ध्यान रखना कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को फूड की तरह इस्तेमाल करते थे वो लोग, फ्रूट्स, ट्यूबर्स, हर्ब की तरह, जैसे मेडिसिन वगैरह मिल जाती थी, फूड, वुड फॉर एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, जैसे क्या है कि उन्हें मान लो कि खेती करने के लिए क्या बनाना है, बखर बनाना है, हल बनाना है, ये सारी चीजें, तो सब उन्हें कहां से मिलेगा, वो सारा सब कुछ उन्हें लकड़ी से ही तो मिलता है, किसे, तो वो सारा सब कुछ उन्हें लकड़ी से ही मिलता था जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज होती थी, जैसे योग, ठीक है, प्लो, बैम्बू इज यूज टू फेंस बास्केट्स एक्सेट्रा। तो आप क्या देख रहे हैं कि उनकी सारी जरूरतें जो है फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज की, ऑल देयर नीड्स वर बीइंग फुलफिल्ड फ्रॉम, ऑल देयर नीड्स वर बीइंग फुलफिल्ड फ्रॉम फॉरेस्ट ओनली। They obtained water bottle, disposable plates and cups, ropes, oil, etc. from the forest. ठीक है, तो वो ये सारी चीजें, जैसे आप बोलोगे water bottle कहाँ मिलने लगी जंगल में, तो इसमें समझा रहा हूँ, dried, scooped out gourd, तो ऐसे जो ये pumpkin का वो है, लेकिन वो pumpkin का सुखा के उनने क्या करा, अंदर का material पूरा निकाल लिया, तो उसको एक pot की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लकड़ी जंगल से ही मिलती है, जंगल से लकड़ी मिलेगी, उससे ये हल वगैरह बनेंगे, wooden agricultural equipments, yokes वगैरह, ठीक है, medicinal herbs वगैरह। उसके बाद में जैसे देखोगे तो आई डोंट नो कितने लोगों ने, जैसे साउथ इंडिया में आज भी ये प्रैक्टिस है क्या, कि डिस्पोजेबल प्लेट्स जो है लीव्स वगैरह की बनती है, फिर उसके बाद में क्या, रोप वगैरह इस तरह से बना ली जाती है, ठीक है, बरगद के पेड़ से जैसे जो निकलती है लटे, तो उनसे रस्सी बना ली जाती है, फिर उसके बाद में महुआ ट्री होता है, तो महुआ ट्री से क्या है, जो महुआ सीड रहता है उससे लिकर बनती है, उससे ऑयल बनता है, बहुत सारी चीजें। तो दे ऑब्टेन वाटर बॉटल, डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप्स, रोप्स, ऑयल एक्सेट्रा फ्रॉम फॉरेस्ट, बट द फॉरेस्ट एक्ट मेंट सीवियर हार्डशिप फॉर विलेजर्स अक्रॉस दी कंट्री। लेकिन जो फॉरेस्ट एक्ट पास किया गया था 1865 में, तो वो एक्ट एक तरह से क्या था, इन सभी फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज के ऊपर एक तरह का प्रहार था। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट के चलते अब क्या है, वो सारे विलेजर्स जंगलों में नहीं जा सकते, अपनी इन सारी जरूरतों को बेफिक्र होकर पूरा नहीं कर सकते हैं, उन्हें ध्यान रखना होगा कि रिजर्व फॉरेस्ट में चलेगा तो पकड़ के जेल में डाल देंगे हमें, है ना। तो ये सारी समस्याएं हो रही थी, तो कटिंग वुड, ग्रेजिंग देयर कैटल्स, collecting fruits and roots, hunting and fishing became illegal. And due to the forest laws, जो forest laws वगैरह आए, forest act जो पास किया गया, तो अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, अब वो एक तरह से क्या हो गए, बंद गए। कैसे बंद गए, क्योंकि अब लॉ आ गए ना, पहले कुछ लॉ जैसी चीजें नहीं थी, उनको लगता था ये जंगल मेरा, ये पेड़ मेरा है, मैं पेड़ के जाके गले लगूं, उसको काटूं, उसके ऊपर चढ़ूं, उसके ऊपर से कूदूं, हर चीज की मुझे आजादी है। लेकिन यहाँ केस बदल गया पूरा, यहाँ सिचुएशन बदल गई है। तो ड्यू टू दिस People were forced to steal wood and other items from the forest. अब जैसे क्या है कि खाना बहुत महंगा हो गया, तो आदमी के पास पैसा नहीं है, लेकिन अब जीने के लिए खाना तो जरूरी है ना। वही केस यहाँ पे भी कि आपने लॉ बना दिया, आपने restrictions लगा दी, लेकिन वो जो forest dependent communities थी, उन्हें तो इतना समझ में आ रहा था बस कि वो forest के ऊपर dependent है, उन्हें जीने के लिए forest तो जरूरी है ही है। Clear हुआ? तो उस केस में due to this people were Forced to steal food, ठीक है, तो अब जरूरतें पूरी करना है, आप करने नहीं दे रहे हो, तो फिर आदमी चोरी करने लगा, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज थी, they were forced to steal wood and other items from the forest, ठीक है। तो अगर कर गए तो कर्तव्य है, और चूक गए तो मौत है। कैसे, कि चोरी करने जाते थे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, चोरी कर लेते थे, सामान निकाल लेते जंगलों से, लेकिन अगर पकड़े जाते थे, ठीक है, तो अगर पकड़े जाते थे तो देन दे फेस मेनी प्रॉब्लम्स। अगर पकड़े गए तब उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। क्या, तो पकड़े गए तो जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स रहते थे, मैंने बताया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एस्टैब्लिश कर दी थी डेटरिक ब्रांडिस ने,
तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का काम क्या, यही जंगल देखो, घूमो इधर उधर, कोई अगर जंगल में घुस गया तो उसको पकड़ो। अब उसको पकड़ के फिर क्या है, अब ऐसा तो नहीं है कि उसको पकड़ के आप उसकी किडनी निकाल लोगे, आप उससे क्या मांगते थे, ब्राइब मांगते थे कि जेल में डाल देंगे नहीं तो छोड़ने के पैसे दो, ठीक है। हरासमेंट होता था जैसे अधिकतर महिलाएं, अब देखो यहां ट्राई टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द इशू, कि फ्यूल वुड जंगलों से मिलता था, जंगलों से फ्यूल वुड मिलता था मतलब क्या कि घर चूल्हा जलाने की लकड़ी, अब चूल्हा जलाने का काम महिलाओं का, महिलाओं को जाना पड़ता था जंगलों में, अगर ऑफिशियल्स उन्हें पकड़ लेते थे महिलाओं को तो महिलाओं से या तो ब्राइब्स मांगते थे, ठीक है, देवर बिंग हराज्ड, ठीक, तो आपको क्या देखने को मिलता था, हरासमेंट ऑफ वुमेन देखने को मिलता था, उनसे फ्री में खाना बुलवाते थे कि लाओ अब तुम हमारे लिए खाना बना के लाओ, यही खाना बनाओ इस टाइप से, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सफर करना पड़ी। अगर सवाल यहां पे आए वापस कि हाउ आर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड, तो यू विल क्लियरली गेट अ ब्रॉड पिक्चर कि कैसे आम जनता जनार्दन जो थी उनका जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया पूरी तरह से विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज फॉरेस्ट लॉज। ये जो फॉरेस्ट लॉज वगैरह इंट्रोड्यूस किए तो इनके इंट्रोडक्शन से आम जनता जनार्दन का जीवन कैसे अस्त व्यस्त हो गया वो पूरी कहानी यहाँ पे समझाई गई है आपको, ठीक है, वो पूरी कहानी आपको यहाँ पे समझाई गई है अच्छे से, क्लियर हो गया। तो ये मैंने सारे इक्विपमेंट्स बताए, इसके बाद में जिसे देखेंगे तो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज फॉरेस्ट के ऊपर कैसे डिपेंडेंट होती थी, तो ये तेंदू लीव्स, तेंदू के जो पत्ते होते हैं ना, तो तेंदू के पत्तों का क्या इस्तेमाल होता है पता है, बीड़ी बनती है। बीड़ी क्या होता है, तो मतलब आप मतलब इतना तो सब समझदार हुई, तो ड्राइंग तेंदू लीव्स, तो द सेल ऑफ तेंदू लीव इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर मेनी पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट। वो तो तेंदू के पत्तों को ऐसे सुखा सुखा के बेचते हैं, ठीक है। ईच बंडल कंटेन अप्रोक्सीमेटली 50 लीव्स एंड इफ अ पर्सन वर्क्स वेरी हार्ड देन ही कैन परहैप्स कलेक्ट एज मेनी एज 100 बंडल्स, ठीक है, 100 बंडल्स तक कलेक्ट कर सकते हैं। एक बंडल में से 50-50 लीफ इकट्ठी करते और इनको बेचा जाता था, तो जो बीड़ी मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं तो वो कंपनियां जो है तो इन तेंदू के पत्तों को खरीदती है, उसमें फिर टबैको लगा के उसको बीड़ी बना दिया जाता था। कलेक्टिंग महुआ, अब जैसे महुआ आप देखोगे तो महुआ क्या है, एक तरह का एक एडेबल फ्रूट टाइप रहता है, किशमिश जो रहता है ना, किशमिश का बहुत ज्यादा देसी भाई एक टाइप से, ठीक है, तो किशमिश जैसा रहता है छोटा सा, लेकिन उसका यूज बहुत सारे हैं, तो उससे लिकर बनता है, ठीक है, उससे ऑयल निकलता है। तो ये महुआ जो है, तो कलेक्टिंग महुआ मधुका इंडिका फ्रॉम दी डे बिफोर, एक स्टूडेंट ने पूछा था सर कि ये इनके साइंटिफिक नेम वगैरह भी ध्यान रखना पड़ते हैं क्या, क्योंकि देखो आपका बोर्ड क्लास नहीं है, स्कूल में टीचर जो है तो टीचर ने अगर कोई चीज पढ़ाई है बताइए हाईलाइट करके तो पूछ भी सकते हैं आपसे, ठीक है, वो चीज रहती है। तो विलेजर्स वेक अप बिफोर डॉन एंड गो टू दी फॉरेस्ट टू कलेक्ट दी महुआ फ्लावर्स विच हैव फॉलन ऑन दी ग्राउंड ऑन दी फॉरेस्ट फ्लोर। महुआ ट्रीज आर प्रीशियस, महुआ फ्लावर्स कैन बी ईटन और यूज टू मेक एल्कोहल, दी सीड कैन बी यूज टू मेक ऑयल। तो मल्टीपल यूजेस थे महुआ के, तो इस तरह से महुआ के बीज इकट्ठे करने जाते थे जो रात में गिर जाते थे हवा से। तो ये सारा जरूरतें पूरी होती थी फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी, मतलब जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज रहती, फॉरेस्ट सोसाइटी रहती थी उसकी, लेकिन कैसे कॉलोनलिज्म के चलते वो अफेक्ट हुए हैं, ठीक है, उनकी लाइफ कैसे अफेक्ट हुई वो बताया गया। अगला जैसे अगर आप देखोगे तो फॉरेस्ट सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट कल्टिवेटर्स का भी होता था, ठीक है, कल्टिवेशन जो होता है मतलब खेती जो करते थे, क्या वो लोग भी इससे प्रभावित हुए, बिल्कुल हुए, क्योंकि कुछ लोग खेती ही किस पे करते थे, कुछ फॉरेस्ट सोसाइटी का पार्ट ऐसा भी होता है जो खेती ही जंगलों में करते थे। अब जब जंगलों में लॉ बना दिया आपने तो उनको वो खेती कैसे करेंगे बताओ, है ना, तो वो वाला एस्पेक्ट मैं समझाता हूं आपको। देखो तो हाउ डिड फॉरेस्ट रूल अफेक्ट कल्टीवेशन, फॉरेस्ट रूल ने कल्टीवेशन को कैसे अफेक्ट किया, दिस इज द क्वेश्चन, फॉरेस्ट रूल ने कल्टीवेशन को कैसे अफेक्ट किया। तो द मेजर इंपैक्ट ऑफ यूरोपियन कॉलोनिज्म वॉज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बहुत अच्छे से समझिएगा आप यहाँ पे। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन सिंपल सा ये कहता है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होते हैं, जैसे अगर समझाऊं मैं आपको, ठीक है, इसे स्वीडन एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, जहां पर जो किसान होता है वो एक जगह पर रहकर खेती नहीं करता है, वो क्या करता है अपनी खेत को बदलता रहता है। क्यों करता है ऐसा, सारी चीजें समझाऊंगा, लेकिन पहले टॉपिक कनेक्ट कर लो, एसेंस समझ लो। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हमने समझा कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है, डेट्रिक ब्रैंडिस पूरी कहानी। अब ये जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, ये जो कॉलोनियल लॉज बनाया गया, इसका इंपैक्ट लोगों की लाइफ पे कैसे पड़ा, तो हाउ द लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज वॉज अफेक्टेड, वो हमने देखा भी पिछली कुछ स्लाइड्स पे। अब फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी में एक कम्युनिटी ये भी रहेगी कि जो कल्टीवेटर्स हैं, तो कल्टीवेटर्स क्या परफॉर्म करते हैं, कल्टीवेशन खेती करते हैं, तो उन कल्टीवेटर्स का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, वही कॉलोनियलिज्म में कॉलोनियल लॉज से, ये हमारा एसेंस है, ठीक है। तो कल्टीवेटर्स का जीवन कैसे प्रभावित हुआ देखो, तो द मेजर इंपैक्ट ऑफ यूरोपियन कॉलोनियलिज्म वाज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब आपके मन में सवाल होंगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, हाउ इट वॉज अफेक्टेड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, तो इन दोनों चीजों का, इन दोनों सवालों का जवाब हम ढूंढते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है और लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ कॉलोनियल पीरियड में शिफ्टिंग कल्टीवेशन
कैसे अफेक्ट हुआ, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स कैसे अफेक्ट हुए, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है सबसे पहले समझो, देखो तो इट इज ऑल्सो नोन एज स्वीडन एग्रीकल्चर, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये एक तरह का ट्रेडिशनल फार्मिंग है जो कि वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जैसे एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका यहां परफॉर्म किया जाता है, और इस स्वीडन एग्रीकल्चर को या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को मेनली ट्राइबल कम्युनिटीज प्रैक्टिस करती है। ट्राइबल कम्युनिटीज क्यों प्रैक्टिस करती है, कैसे, क्या, ये समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो उसके पहले ये समझ लो, और नाम ही नाम है बहुत सारे। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जैसे आप देखेंगे तो इट इज नोन एज लादिंग इन साउथ ईस्ट एशिया, मिल्पा इन सेंट्रल अफ्रीका अमेरिका, मतलब सेंट्रल अमेरिका में से मिल्पा कहा जाता है, ठीक है। चेतमेन और तवे, ठीक है, चेतमेन और तवे इन अफ्रीका, एंड चाइना एंड चीना इन श्रीलंका, चीना इन श्रीलंका। इट इज ऑल्सो नोन बाय मेनी लोकल नेम्स सच एज दया, पेंदा, पोडू, निवाद, जुम, बेवार, ठीक है, खंदन एंड कुमरी इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग, जैसे उड़ीसा के ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। झारखंड में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग नाम से कहेंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि काम एक, नाम अनेक, नाम अनेक इन द सेंस कि अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस पर एक बार वो रखना, मतलब एक बोलते ना कि गो थ्रू दीज नेम्स वंस, ताकि क्या हो कि अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछा जाए तो आपको वो ध्यान रहे। क्लियर है? अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है क्या सर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है वो समझाता हूं मैं आपको। देखो यहां सब कुछ मैंने चार्ट बना दिया है, लेकिन चार्ट बनाने से पहले मैं आपको भेलपुरी बना के देता हूं, ठीक है। क्या है मेरा मतलब भेलपुरी से, कि डायग्राम से समझा देता हूं। जैसे ये जंगल है पूरा, ठीक है, जंगल में है पेड़, अब जंगल में है पेड़, ठीक है, ये जंगल, ये है जंगल, इधर भी एक्सटेंडेड होगा, पूरा जंगल ही जंगल है वो तो सारा, ठीक। अब जंगल में शेर, चीता, भालू सब हो सकता है, लेकिन अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग लेट अस टेक ओनली ट्रीज इन फॉरेस्ट। अब क्या होगा कि ये एक फैमिली है, ट्राइबल फैमिली, ठीक है, तो पापा मम्मी और बच्चे, तो अब क्या होगा कि इन्हें जब खेती कर, इन्हें, इनका जीवन यापन क्या होगा, ये कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं करते हैं, ठीक है, इनके पास में कोई सर्विस सेक्टर का सर्विस प्रोवाइड करने का मौका नहीं है, तो उस समय पे ट्रेडिशनल ट्राइबल सोसाइटी, आज भी जो ट्रेडिशनल ट्राइबल सोसाइटी है, उन्हें अपने जीवन यापन के लिए एकमात्र चीज क्या पता है कि खाना जरूरी है। खाना कैसे आएगा, खेती से। तो ये लोग क्या करते थे, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को परफॉर्म करते थे। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मतलब क्या है कि ये जंगल के पूरे पेड़ काट देंगे, जंगल के एक हिस्से के पूरे पेड़ काट दिए, ठीक है, एक हिस्से के पूरे पेड़ काटने के बाद में अब क्या होगा, यहाँ पेड़ तो काट दिए, तो पेड़ काट के जगह, मतलब ऐसे काट के पटक दिए ना पेड़, तो अब इसमें आग लगा दी जाएगी, आग लगाने के बाद में क्या राख बन जाएगी, तो राख पूरी मिट्टी में मिल जाएगी, वो तो राख, तो ठीक है, अब वो खेत आपका प्लेन हो गया है खाली, तो अब इस खेत में क्या किया जाता था, इस खेत में फिर क्रॉप्स लगाई जाती थी। अब ना कोई आप एडिशनल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, ट्राइबल कम्युनिटी, उन्हें क्या पता कि कौन सी दवाई डालना है, क्या डालना है, तो ना कोई एडिशनल फर्टिलाइजर, ना कोई पेस्टिसाइड, ना कोई मैन्योर, बस वो राख को ही किसकी तरह यूज किया गया, फर्टिलाइजर की तरह यूज किया गया, और वहीं पे खेती की बीज भी वही जो उनके पास बचे कुचे रखे रहते हैं, और हार्वेस्ट कर लेंगे, तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन उनकी जरूरतें पूरी हो जाएगी, ठीक है। दो चार पांच साल तक खेती करेंगे, फिर क्या होगा कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, तो फर्टिलिटी कम होने लगेगी, तो फिर वो क्या करते हैं, इस जगह को खाली छोड़ के, इस जगह को खाली छोड़ के बोलते हैं तब, ठीक है, कि अब हम आएंगे थोड़े सालों बाद, जब तक के लिए आप क्या करो, जब तक के लिए आप फिर से पेड़ ग्रो कर लो, तो वो इस जगह को खाली छोड़ देते, तो यहाँ पेड़ फिर ग्रो होने लगते हैं, और खाना थोड़ी ना बंद करते हैं, तो फिर दूसरे पैच ऑफ लैंड पे चले जाते हैं। अब दूसरे पैच ऑफ लैंड पे फिर यहाँ पे भी वही पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ काटने के बाद में फिर क्या होता है, पूरे एरिया में क्या लगाए जाते हैं, पूरे एरिया में पेड़ काटने के बाद में खेती की जाती है, खेती करते दो चार पांच साल, जब तक सॉइल की फर्टिलिटी रहती है, फर्टिलिटी खत्म हुई कि अगले लैंड पे चले जाएंगे, ठीक है, इसको फिर खाली छोड़ देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वापिस जंगल बनने लगेगा, घूम फिर के वापिस आ जाएंगे जब इसकी भी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो दे कीप ऑन शिफ्टिंग देयर कल्टीवेशन लैंड, द एग्रीकल्चर इज परफॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग देयर एग्रीकल्चरल लैंड, देयरफॉर इट इज नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, समझे। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन परफॉर्म किया जाता था ट्राइबल्स के द्वारा, आज भी किया जाता है। अब आप खुद लॉजिक लगाओ दो मिनट के लिए, क्या लॉजिक लगाना है आपको खुद, कि जब लॉस, कॉलोनियल लॉस बनाए गए होंगे, तो उन कॉलोनियल लॉस का इस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ा होगा, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो कॉलोनियल लॉस का शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ा होगा, हाउ डिड द फॉरेस्ट रूल अफेक्टेड कल्टीवेशन, नेगेटिवली ही अफेक्ट किया होगा फॉर श्योर। तो वही चीज समझा रहे हैं, देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या, अगर क्वेश्चन आता है तो पार्ट ऑफ फॉरेस्ट इज कट देन बर्नड, सीड्स आर सोन इन द एशेस आफ्टर द फर्स्ट मॉनसून रेन्स, फिर क्या होगा, क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड अक्टूबर नवंबर, एंड सच एक्टिविटीज परफॉर्म फॉर अ कपल ऑफ इयर्स ऑन द सेम प्लॉट, और जब उस प्लॉट की फर्टिलिटी कम होने लगती है, देन द प्लॉट इज लेफ्ट
फॉर 10 to 12 to 18 ईयर्स. क्यों? क्योंकि इतने सालों में फिर से वो जंगल बन जाएंगे. ठीक है, एंड न्यू प्लॉट इज क्लियर फॉर फार्मिंग, और न्यू प्लॉट पे फार्मिंग करेंगे, और जब तक वो पुराने फॉर्म मतलब प्लॉट पे क्या होगा, फिर से जंगल बन जाएंगे. तो ऐसे शिफ्ट होते रहते थे और यही प्रोसेस को रिपीट किया जाता था. इसे क्या कहा जा रहा है? शिफ्टिंग कल्टिवेशन कहा जा रहा है. ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स ऑन दीज प्लॉट, जैसे मिलेट्स हो गया, मैनियक हो गया, मेज हो गया, बीन्स हो गया, ठीक है, वो सारी फसलें ग्रो की जाती थी जिससे आदिवासी जनजातियों का क्या हो, पेट पल सके और खुश थे, पर्याप्त था कि हाँ चलो अपने जंगल अपनी खेती यहीं रहेंगे, बढ़िया करेंगे. लेकिन जब फॉरेस्ट लॉज आए होंगे तो फॉर श्योर ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इसे बंद किया होगा, मना किया होगा. फॉरेस्ट कॉलोनियल लॉज जो होंगे तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन के टुवर्ड्स नेगेटिव रहे होंगे. अब आपके मन में सवाल आया कि क्यों क्या, तो वो सब समझाता हूं. ठीक है, उसके पहले ये समझ लो, शिफ्टिंग कल्टिवेशन देखा, मेज और बीन्स मतलब ये सारी क्रॉप्स, मिलेट्स, मैनियोक, ये सारी क्रॉप्स ग्रो की जाती थी. पॉइंट अब ये आ रहा है कि हाउ इट वॉज अफेक्टेड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड. तो यूरोपियन फॉरेस्टर्स रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल. यूरोपियन जो फॉरेस्टर्स थे, यूरोपियन वो जो हमने देखा ना इंडियन सिविल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आ गई थी, तो जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स रहे होंगे, ठीक है, उन लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो प्रैक्टिस है ना शिफ्टिंग कल्टिवेशन की, ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन की प्रैक्टिस बड़ी हार्मफुल है. कैसे हार्मफुल हो गई? क्यों? क्योंकि उन्होंने आर्ग्यूमेंट ये दिया कि लैंड कल्टिवेटेड एवरी फ्यू इयर्स कुड नॉट ग्रो ट्री फॉर रेलवे टिम्बर. वो ये बोलते थे कि हर 5 साल में क्या करें, नए जंगल काटते चले जाएंगे और फिर उस पर फिर से जंगल खड़ा होगा. तो वो रेलवे टिम्बर के लिए जो हमें मोटा लंबा बहुत ज्यादा और मजबूत पेड़ चाहिए रहेगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो वो तो अपना स्वार्थ देख रहे थे. तो फॉरेस्ट कल्टिवेटर्स जो थे, तो फॉरेस्ट कल्टिवेटर्स को उन्होंने कहा कि भाई साहब ये तुम जो प्रैक्टिस परफॉर्म कर रहे हो उसको रोक दो, इट इज हार्मफुल. हार्मफुल किस कॉन्टेक्स्ट में? तुमने बोला कि हमारे को रेलवे के लिए टिम्बर नहीं मिलेगा. ठीक है, तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर लाइक, तो हम क्या करें, मतलब हम हमारा पेट कैसे पालेंगे फिर, तुम्हें लकड़ी की पड़ी, हमें हमारे पेट की भी तो सोचें. लेकिन अब वो उनके पास पावर थी. फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या दिया उन्होंने, बोला कि ये जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स है ना, ये आग लगाते हैं जंगलों में आग लगाते हैं, तो क्या है, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट एडेड डेंजर्स ऑफ द फ्लेम्स स्प्रेडिंग एंड बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर. उन्होंने कहा कि ये आग और आग की चिंगारी ये कहीं दूसरे जंगलों में फैल गई तो पूरा का पूरा क्या है, जंगल जल जाएगा. जंगल जलेगा तो फिर वो वैल्यूएबल टिम्बर जो है ना, वो हमें नहीं मिल पाएगा. उनके प्राण वो टिम्बर में अटके थे. ठीक है, तो इस तरह से क्या है, यूरोपियन फॉरेस्टर्स जो है, तो अपने अपने आर्ग्यूमेंट देते चले गए. एक और आर्ग्यूमेंट देखो स्वार्थी लोगों का क्या था, कि यूरोपियन फॉरेस्टर्स ये कहते थे कि इट वॉज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एंड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम देम. शिफ्टिंग कल्टिवेटर जो है, तो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स के साथ उन्होंने देखा कि यार अगर ये सेटल्ड कल्टिवेटर्स होते तो हमें पता है कि इसका खेत यही है, यहां से कहीं नहीं जाएगा, टैक्स लेते आराम से बार बार. लेकिन शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स क्या है कि आप उन्हें पता करोगे कि अच्छा यहाँ पे ये खेती कर रहे हैं, 2 साल बाद जाओगे तो उन्होंने खेती शिफ्ट कर दिया अपना, अब टैक्स कैसे लगाओगे उनके ऊपर. ठीक है, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ये भी लगता था कि अपना रेवेन्यू कम हो रहा है. समझ में आया ना? तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि हाउ दी शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स वर अफेक्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. तो जो कॉलोनियल ऑफिसर्स थे उन्होंने आर्ग्यूमेंट सिंपल सा दिया क्या, कि ये प्रैक्टिस हार्मफुल है. हार्मफुल क्यों है उन्होंने ये भी बताया. ठीक है, तो अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि व्हाई द यूरोपियन फॉरेस्टर या फिर कॉलोनियल ऑफिसर्स रिगार्डेड द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन एज हार्मफुल. सो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स, सिंपल से आर्ग्यूमेंट्स, कि इस कारण से शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स जो है वो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स जो थे तो उन्हें ये प्रैक्टिस हार्मफुल लगती थी. मतलब शिफ्टिंग कल्टिवेशन की प्रैक्टिस यूरोपियन फॉरेस्टर्स को हार्मफुल लगती थी. देयरफॉर गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन शिफ्टिंग कल्टिवेशन. और इसी के चलते क्या है, गवर्नमेंट ने बोला कि हमें पसंद नहीं है. ठीक है, हमने हमारा आर्ग्यूमेंट दे दिया और हम शिफ्टिंग कल्टिवेशन को बैन कर रहे हैं. ठीक है, देन द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स लाइक, तो मैं क्या जॉब छोड़ दूं. ठीक है, मतलब आप शिफ्टिंग कल्टिवेशन को बैन कर दोगे, हमें तो वही आता था, तो हम क्या जॉब छोड़ दें कि हम पेट कैसा पालेंगे हमारा. ठीक है, दैट वाज द इशू कि हम हमारा पेट कैसा पालेंगे. तो मेनी कम्युनिटीज वर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स इन फॉरेस्ट. अब जब शिफ्टिंग कल्टिवेशन को बैन कर दिया तो आप जंगल में क्या कर रहे हो, तो जंगल से बाहर निकाल दिया गया बहुत सारी कम्युनिटीज को. जंगल से बाहर निकाल दिया गया बहुत सारे लोगों को, फोर्सिबली अपना ऑक्यूपेशन बदलना पड़ा. उन्होंने बोल दिया कि अब तो जॉब छोड़ना ही पड़ेगी. ठीक है, तो बहुत सारे शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स ने अपना जॉब बदल लिया. वाइल सम रेजिस्टेड थ्रू लार्ज एंड स्मॉल रेबिलियन. लेकिन कहीं कहीं आपको रेबिलियन भी देखने को मिला, लोग विद्रोहों में भी उठे कि तुम क्या सोचते हो कि दबाओगे तो दब जाएंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग विद्रोहों में भी खड़े होते हैं, कुछ लोग रेजिस्ट भी करते हैं लार्ज एंड स्मॉल रेबिलियंस की मदद से, वो लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं. क्लियर हुआ? So this is the story. Clear हुआ? कि क्या, how the, ये जो सवाल है, how did the forest rule affected the cultivation, ये केस हो गया. अब आपने क्या क्या देख लिया कि in general how the life of the people was affected with the colonial laws, shifting cultivators की life कैसे affect हुई, shifting cultivation क्या है,
उसी के साथ साथ अगर एक और पार्ट देखें, एक और पार्ट जैसे आप देखें वो कौन सा है, ये वाला हु कुड हंट। अब हम हंटिंग की बात करेंगे कि हु कुड हंट, तो हु कुड हंट से तात्पर्य मतलब टॉपिक पे लिटरल मीनिंग पे मत जाना कि हंटिंग कौन कर सकता है। अब आपको ये भी देखना है कि जो कॉलोनियल लॉज आए ना, तो इन कॉलोनियल लॉज का हंटिंग पॉपुलेशन जो थी, जो हंटर्स जो थे, ठीक है, उन लोगों के ऊपर भी क्या इंपैक्ट पड़ा होगा। बिल्कुल, क्योंकि जब आप जंगल में एंट्री को रोक रहे हो, जंगल में एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो उसके बाद उसका सीधा सा परिणाम यही रहा होगा। क्या सीधा सा परिणाम रहा होगा कि जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी में जो हंटर्स वगैरह थे, ठीक है, देयर लाइफ वर गोइंग टू बी अफेक्टेड नेगेटिवली। ठीक है, उनकी लाइफ जो है तो नेगेटिवली अफेक्ट होगी ही होगी। तो न्यू फॉरेस्ट लॉज अफेक्टेड द लाइफ ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब क्या, जो जंगल जंगल घूमते थे ना, तो ऐसे फॉरेस्ट ड्वेलर्स की लाइफ को भी अफेक्ट किया। क्यों? क्योंकि पीपल लिविंग इन और नियर फॉरेस्ट दे सर्वाइव बाय हंटिंग डियर, पार्ट्रिज एंड वैरायटी ऑफ स्मॉल एनिमल्स। तो जो हंटर्स रहते हैं वो सर्वाइव कैसे करते हैं, तो वो हिरण मार रहे हैं, ठीक है, पार्ट्रिज मतलब ये बटेर होती है, छोटा सा एक पक्षी जैसा होता है, तो उसको भी लोग हंट करते हैं हंटर्स, ठीक है। बट अंडर न्यू फॉरेस्ट लॉज देयर कस्टमरी प्रैक्टिस वॉज प्रोहिबिटेड। और ये जो हंटर्स थे ना, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो जंगलों के आसपास रहते थे, जंगलों में अंदर रहते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि पैदा हुए तब से वो ये देख रहे हैं कि हम हमारी भूख जो है तो जानवरों को हंट करके ही पूरी होगी, जंगलों से ही हम फल खाएंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो उनके कस्टमरी प्रैक्टिस थे, ठीक है, जो उन्हें ऐसा लगता था ये तो हमारा कल्चर का पार्ट है हंटिंग, लेकिन इन कस्टमरी प्रैक्टिसेस को अब क्या हो गया, ये जो न्यू फॉरेस्ट लॉज बनाए गए थे, इन फॉरेस्ट लॉज में रोक दिया गया, ठीक है। तो बट अंडर न्यू फॉरेस्ट लॉज देयर कस्टमरी प्रैक्टिस वॉज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब क्या है, कि उस प्रैक्टिस को रोक दिया गया। तो इफ दे कॉट हंटिंग दे वर पनिश्ड फॉर पोचिंग। तो अगर मान लो अब जब हंटिंग बैन कर दिए और वो हंटिंग करते हुए पकड़े गए, तो फिर उन्हें क्या किया जाता था, पनिश किया जाता था। तो दैट वॉज द वर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। तो नए फॉरेस्ट लॉज से हु कुड हंट टॉपिक को भूल के दो मिनट के लिए अगर आपसे सवाल ऐसा पूछ लूं मैं कि हाउ द लाइव्स ऑफ हंटर्स वर अफेक्टेड विद द न्यू कॉलोनियल लॉज, तो आप ये बता सकते हैं सिंपल सी चीज, क्या, कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो जंगलों में या जंगलों के आसपास रहते थे, तो देवर मेनली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट कम्युनिटी, फॉरेस्ट मतलब देवर मेनली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज, और उन फॉरेस्ट रिसोर्सेज के चलते ही वो सर्वाइव कर पाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब आपको देखने को मिल रहा है कि वैरायटी ऑफ स्मॉल स्पीशी मतलब जो स्मॉल एनिमल्स वगैरह को हंट करके अपना जीवन यापन करते थे, अब वो नहीं कर पाएंगे, अब वो उनकी कस्टमरी प्रैक्टिसेस को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि नए फॉरेस्ट लॉज आ गए, और अगर वो पकड़े गए हंटिंग करते हुए तो उन्हें पनिश किया जाता था फॉर पोचिंग, उन्हें उनके ऊपर आरोप लगा दिया जाता था कि क्या कर रहे हैं, ये इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये तो एक साइड था, ये एक साइड था किस चीज का, ये एक साइड था कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स की लाइफ कैसे अफेक्ट हुई है। लेकिन हु कुड हंट के हिसाब से ये है कि हंटिंग आप एक तरफ बैन तो कर रहे थे किन लोगों के लिए, जिनका जीवन यापन हंटिंग से होता था, लेकिन दूसरी तरफ आप हंटिंग को प्रमोट भी कर रहे थे, ठीक है। तो देयर वॉज ऑल्सो एन अनदर साइड ऑफ हंटिंग, एंड व्हाट वाज दैट अनदर साइड ऑफ हंटिंग, तो यहां पे वो अनदर साइड ऑफ हंटिंग आपको देखने को मिलेगा। देखो क्या है, तो इधर देखिएगा यहां से, ठीक है, ये तो बताएगा कि हंटर्स जो है तो लिटिल फिशरमैन चिल्ड्रन अकंपनी देयर पेरेंट्स टू द फॉरेस्ट एंड लर्न अर्ली हाउ टू फिश, कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड कल्टिवेट द बैम्बू ट्रैप विच द बॉय इज होल्डिंग ऑन शोल्डर, ये वाला, ठीक है, तो विच द बॉय इज होल्डिंग इन हिज राइट हैंड में जो बैम्बू ट्रैप है ये वाला, ठीक है, is kept at the mouth of the stream and the fish flows into it, और ये मछली पकड़ दी उसने। तो इस तरह से वो हंटिंग सिखाया जाता बच्चों को, वो बताया, ठीक है, हंटिंग बाय ट्राइब्स, तो जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज भी जो है हंटिंग वगैरह पे डिपेंडेंट रहती थी। तो ये तो मैंने आपको पूरा एस्पेक्ट समझा दिया। दूसरा एस्पेक्ट अगर देखोगे तो देयर वाज आल्सो एन अनदर साइड ऑफ हंटिंग, एंड व्हाट वाज दैट अनदर साइड ऑफ हंटिंग, तो अनदर साइड ऑफ हंटिंग ये था कि एक तरफ वो लोग जिनका जीवन यापन ही हंटिंग से हो रहा है उन्हें आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ लेकिन वो लोग जो हंटिंग शौक के लिए कर रहे हैं उन्हें आप प्रमोट कर रहे हो। देखो क्या, तो वाइल ट्राइबल्स वर डिप्राइव्ड ऑफ कस्टमरी राइट्स एट द सेम टाइम हंटिंग ऑफ बिग एनिमल बिकेम अ स्पोर्ट, बिग गेम बिकेम अ स्पोर्ट, खेल बन गया हंटिंग। कैसे? जैसे ब्रिटिशर्स ने यह भी देखा, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे दे कंसिडर्ड फॉरेस्ट एज फुल ऑफ विल्डरनेस, ठीक है, उन्होंने उसको क्या फुल ऑफ विल्डरनेस वाइल्ड लाइफ से भरा पड़ा अनप्रोडक्टिव ऐसा कंसिडर किया है, और उन्होंने ये देखा कि यार जंगलों से कभी भी शेर चीते भालू निकल के आ जाते और हमला कर देते हमारे ऊपर। तो इसके चलते क्या है कि कॉलोनियल ऑफिसर्स ने हंटिंग को एक तरह का स्पोर्ट बनाया फॉर बिग एनिमल, ठीक है, आपको शेर मार के तो खाएगा नहीं, लेकिन शेर को नहीं मारोगे तो शेर तुम्हें खा जाएगा। तो इस सोच के साथ में
जो कॉलोनियल ऑफिसर्स थे उन लोगों ने हंटिंग फॉर बिग एनिमल्स जो है उसको एक स्पोर्ट की तरह प्रमोट किया. हंटिंग ऑफ टाइगर एंड अदर बिग एनिमल्स एंड कल्चर रिलेटेड टू इट वॉज ग्लोरिफाइड. ठीक है, तो ऐसा देखा होगा ना आपने, बढ़िया बाघ मार देते, ऐसा पैर रख के खड़ा होते, फिर फोटो खिंचवाते. तो उस चीज को उन्होंने क्या किया, उस चीज को उन्होंने बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया कि हाँ ये सही है, ये सही है. ठीक है, तो बट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड हंटिंग रीच टू सच एक्सटेंट दैट वेरियस स्पीशीज बिकेम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट. अब ये पॉइंट समझना. ठीक है, हंटिंग को एक स्पोर्ट की तरह चालू किया और कॉलोनियल पीरियड के टाइम पीरियड में उन्होंने ये देखा कि जंगल जो है, तो जंगल जो फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट आर फुल ऑफ विल्डरनेस, हमें यहां से वाइल्ड लाइफ हटाना है ताकि लोग सेफ महसूस करें. मतलब आर्ग्यूमेंट तो इतने तगड़े देते थे आहा टाइप का. ठीक है, तो क्या देखने को मिल रहा है आपको, आपको देखने को मिल रहा है कि कॉलोनियल टाइम पीरियड में उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि हंटिंग ऑफ टाइगर और दूसरे बिग एनिमल जो है तो इसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता था, प्राइड भी महसूस करवाते थे, और दूसरा ये बोलते थे कि ये जंगली जानवर, इनका होना जरूरी नहीं है. और कॉलोनियल पीरियड के टाइम में इतनी ज्यादा हंटिंग हुई, हंटिंग उस एक्सटेंट तक पहुंच गई कि बहुत सारे बेचारे जानवर जो एक्सटिंक्ट हो गए. ठीक है, तो एट दैट टाइम पीरियड जो एनिमल्स थे कॉलोनियल पीरियड में, देवर लाइक कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों मार रहे हो. तो बहुत सारे जानवरों की मृत्यु हुई, बहुत सारे जानवरों की मृत्यु हुई. क्लियर हुआ, बहुत सारे जानवरों की मृत्यु हुई, मृत्यु हुई. तो ब्रिटिश सॉ लार्ज एनिमल एज ए साइन ऑफ वाइल्ड प्रिमिटिव एंड सैवेज सोसाइटी, देयरफॉर दे बिलीव दैट किलिंग वाइल्ड एनिमल दे वुड सिविलाइज इंडिया. उन्होंने क्या बोला कि ये जंगली जानवरों को मार के हम इंडिया को सिविलाइज कर देंगे, इंडिया में जो हमले होते रहते हैं जानवरों के उनसे लोगों को बचा लेंगे. एंड देयरफॉर पीपल वर अवॉर्डेड फॉर किलिंग टाइगर्स वुल्व्स एंड अदर लार्ज एनिमल्स. तो इसीलिए क्या कर दिया उन्होंने, बाउंटी प्रोग्राम चलाते थे. बाउंटी प्रोग्राम मतलब क्या है, देखो ये एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं आपको, एक मतलब आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाके बता रहा हूं कि यूरोपियंस कितने बोड़ बुद्धि थे. कि वियतनाम में पता है एक बार चूहों की बीमारियों ने परेशान कर दिया था, और वियतनाम में इनकी कॉलोनी थी. किनकी कॉलोनी, फ्रेंच कॉलोनी, यूरोपियन ही थे. ठीक, हमारे यहाँ ब्रिटिश थे, उनके यहाँ फ्रेंच थे. तो उन लोगों ने पता है क्या प्रोग्राम चलाया, उन्होंने एक बाउंटी प्रोग्राम चलाया कि चूहे मार मार के लाओ. ठीक है, तो उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया चूहे मार मार के लाओ, और प्रूफ क्या मांगते थे कि चूहा अगर तुम मार रहे हो तो चूहे की पूंछ काट कर दिखाना हमें, कि चूहे की पूंछ काट कर लाए और दिखाओ. ठीक है, तो बताओ इस तरह की स्थिति है, इस तरह के काम चल रहे हैं. ठीक, तो वही यहां पे भी हो गया, उन्होंने जानवरों को खत्म करना था तो उन्होंने बाउंटी प्रोग्राम चला दिया इस तरह से कि आप टाइगर को मारो आपको प्राइज मिलेगा, आप वुल्फ्स को, भेड़ियों को मारो आपको प्राइज मिलेगा. ठीक है, दूसरे बड़े बड़े एनिमल्स को मारो आपको प्राइज मिलेगा. तो अब लोग जो थे भारत में बेरोजगार थे, फॉरेस्ट लॉज वगैरह ले आए थे, जंगलों में जाके वो खेती भी नहीं कर सकते, उन्होंने बोला चलो भैया जानवर ही मारे. तो लोगों ने भी फिर जानवरों को अंधाधुंध मारा. इसके चलते बहुत सारे जानवर एक्सटिंक्ट हुए अगेन. तो एनिमल्स इन द कॉलोनियल पीरियड वर लाइक मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है. ठीक है, सम ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स माइट सरप्राइज यू. फैक्ट्स फिगर्स जो है वो आपको सरप्राइज कर सकते हैं. हियर आर द फिगर्स, देखो 1875 से 1925, 50 साल के अंदर अंदर 80,000 टाइगर्स, ठीक है, 1.5 लाख लेपर्ड इन्हें मार दिया गया था फॉर रिवॉर्ड. आप सोचो 80,000 टाइगर क्या होता है, 8,000 टाइगर बहुत होते हैं. 8,000 टाइगर देश में, 8,000 भी नहीं है आज, पता नहीं, आई गेस 8,000 नहीं है. 80,000 टाइगर 50 साल में मार दिए गए थे, 1.5 लाख लेपर्ड्स तेंदुए मार दिए गए थे. ठीक है, तो किलिंग टाइगर वॉज एसोसिएटेड विद स्पोर्टिंग ट्रॉफी. टाइगर मारना तो ऐसा था कि लोगों को ऐसा लगता था बहुत बड़ा, हमने क्या मतलब, वो ऐसे बोलते हैं ना बड़ा शेर मार दिया, तो खैर शेर यानी लॉयन होता है, लेकिन वो शेर मार दिया मुहावरा शायद ऐसे निकल के आएगा क्योंकि बिग कैट को अगर आप जैसे किल करोगे तो दैट वाज गिविंग यू अ सेंस ऑफ प्राइड. ठीक है, तो वहां पे क्या आता है, जैसे आप देखोगे तो महाराजा ऑफ सरगुजा जो थे उन्होंने, अब मतलब ये अलग ही फूल गए किस चक्कर में, ब्रिटिशर्स के चक्कर में. ब्रिटिशर्स बोलते थे ओ माय लॉर्ड, ठीक है, आपने इतने अच्छे टाइगर मारे, ये वो सारी चीजें. तो उसके चलते क्या, हमारे महाराजा ने 1757, ठीक है, 55, 56, 57 ही होता है, हाँ 1157 टाइगर्स को मारा, 2000 लेपर्ड्स को मारा अप टू 1957, आजादी के बाद तक मारते रहे, बताओ. ठीक है, फिर क्या है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज यूल जो थे तो ही हिमसेल्फ किल्ड 400 टाइगर्स. ठीक है, एक आधा टाइगर जिंदा रह जाता ना, मतलब ऐसा कि कभी अब, और मारते भी कैसे थे, खुद हाथी पे बैठ जाते थे, बंदूक से मार देते थे, बताओ उसमें पता नहीं क्या 30 मार खा बन जाते थे. तो ये फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना ज्यादा इतने इस स्केल पे किलिंग हुई है, हंटिंग हुई है. तो हु कुड हंट, में आपको समझ में आया ना कि जिनका जीवन यापन था, जो छोटी छोटी बटेर मारते थे उन्हें तो आपने हंटिंग से रोक दिया. ठीक है, देयर लाइवलीहुड वर बीइंग एंडेंजर्ड. लेकिन दूसरे एंड पे आप देखोगे तो हंटिंग ऑफ बिग एनिमल बिकेम अ स्पोर्ट एंड हंटिंग वॉज परफॉर्म ऑन सच ए स्केल दैट मेनी ऑफ द एनिमल्स बिकेम एक्सटिंक्ट. चीते को ऐसी इसी तरह से एक्सटिंक्ट करा उन्होंने.
ठीक है. लेटर एनवायरमेंटलिस्ट एंड कंजर्वेटर्स आर्ग्यूड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल दीज स्पीशीज. बाद में लेकिन फिर क्या होता है, एनवायरमेंटलिस्ट लोगों ने बोला कि इस स्पीड से मारोगे तो कुछ नहीं बचेगा, आप अपने आगे वाली जनरेशन को क्या दिखाओगे कि हम इंसान ही इंसान है दुनिया पे, और भी है दुनिया हम लोगों के अलावा भी है. ठीक है, तो उसके चलते फिर क्या बाद में कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह चलाए गए एनवायरमेंटलिस्ट जो थे उनके, उन्होंने हाईलाइट किया तो हंटिंग को रोक के. फिर जैसे आप देखोगे तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 वगैरह 1972 आई गेस. ठीक है, तो ये सारे फिर सारी चीजें आई है. क्लियर हुआ? जैसे आप देखो यहाँ पे कितने टाइगर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 टाइगर एक साथ फोटो में देखने को नहीं मिलते लेकिन इन्होंने मार दिए. तो लॉर्ड रीडिंग हंटिंग इन नेपाल. ठीक है, तो काउंट दी डेड टाइगर्स इन दी फोटो पहले ही कर लिया हमने. व्हेन ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिशियल्स एंड राजास वेंट हंटिंग दे वर अकंपनीड बाय होल रिटिन्यू. ठीक है, रिटिन्यू ऑफ सर्वेंट्स मतलब पूरा का पूरा एक टीम जो रहता था. यूजुअली द ट्रैकिंग वॉज डन बाय स्किल्ड विलेज हंटर एंड दी साहिब सिंपली फायर्ड द शॉट. मतलब हंटिंग भी कैसे होती थी कि साहब को ऊपर इधर हाथी पे बिठा देते थे. ठीक है, एक जो स्किल्ड पर्सन जो रहता था वो ट्रैकिंग करता था किधर बाघ है, कब गोली चलाना है क्या, और साहब बस बैठे बैठे गोली मारते थे और फिर आके ऐसी फोटो खिंचवा लेते कि मैंने मारे टाइगर. ठीक, तो इस तरह का कल्चर था और जिसके चलते बेचारी वाइल्ड लाइफ को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा. क्लियर हुआ? तो अगेन एक बार रिकॉल करवाता हूं मैं आपको, हमारा ब्रॉड टॉपिक वही है अभी क्या, कि द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री. तो कमर्शियल फॉरेस्ट्री डेट्रिक ब्रिटिश ने स्टार्ट तो करी, कॉलोनियल लॉस तो बनाए. ठीक है, तो उसके चलते लेकिन आप आम लोगों का जीवन कैसे इफेक्ट हुआ, कल्टिवेटर्स का जीवन कैसे इफेक्ट हुआ, हंटर्स का जीवन कैसे इफेक्ट हुआ, वो सारा आपने एस्पेक्ट कवर किया. ठीक है, इस टॉपिक के अंदर एक और जो सब टॉपिक है वो क्या है, न्यू ट्रेड्स न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज. तो क्या सर आप तो नेगेटिव नेगेटिव बात करते हो कि कॉलोनियलिज्म से बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट ही हुए, क्या कुछ पॉजिटिव भी हुआ था कॉलोनियल लॉज या फिर फॉरेस्ट लॉज से? तो थोड़ा सा आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि जो कॉलोनियल लॉज लाए गए थे तो उसके चलते कुछ न्यू ट्रेड्स न्यू एम्प्लॉयमेंट न्यू सर्विसेज भी जनरेट हुई थी. एक मतलब तुल्लुक सा थोड़ा सा पॉजिटिव साइड देख लो यहाँ पे, वो क्या है, तो कॉलोनियल कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट हैड अ पॉजिटिव इंपैक्ट आल्सो. ये जो कॉलोनियल कंट्रोल हुआ फॉरेस्ट के ऊपर उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी, एक छोटा सा पॉजिटिव साइड भी है, वो भी हमें देख लेना चाहिए. ठीक है, तो वो क्या है, तो सम अपॉर्चुनिटी ओपनड अप इन ट्रेड. ट्रेड में कुछ अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होती है. हाउ? ट्रेड में कैसे अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होती है, तो मेनी कम्युनिटीज लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है, अब क्या है, फॉरेस्ट लॉज वगैरह आ गए, तो फॉरेस्ट लॉज वगैरह आ गए तो उसके चलते क्या है कि फॉरेस्ट वगैरह को रिजर्व फॉरेस्ट कर दिए गए. रिजर्व फॉरेस्ट जैसे आपको क्या देखने को मिलता है कि वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जो है तो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को बाहर यूरोप वगैरह में बेचा जाता था, सारी चीजें की जाती थी. ठीक है, तो इसके चलते आपको क्या देखने को मिलता है, इसके चलते आपको देखने को मिलता है कि जो आप क्योंकि चीजें पहले क्या होता था, पहले जो ट्राइबल्स थे तो उन्हें पता कि अपना जीवन यापन करना है, इसके लिए अपन जंगल से ये प्रोडक्ट ला रहे हैं. लेकिन अब उन्हें ऐसे समझ में आने लगा कि नहीं नहीं हमें ही जरूरत नहीं है इन प्रोडक्ट्स की, तो दुनिया को जरूरत है और वो दुनिया वाले ले जा रहे हैं. तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज क्या करने लगे कि उन प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने लगे एक तरह से. जैसे आपने शहद का देखा होगा केस. ठीक है, तो शहद क्या होता है, ओरिजिनल हनी जो है, तो ओरिजिनल हनी किसके लिए, एक ट्राइबल कम्युनिटी के लिए ओरिजिनल हनी तो बहुत छोटी चीज है कि हाँ हमारे जंगलों में मधुमक्खी के छत्ते लगे वहां से तोड़ देंगे. लेकिन एक कोई शहर में इंसान रह रहा है, यूरोप में रह रहा है कहीं, तो उसे ओरिजिनल हनी कैसे मिलेगा, उसे ओरिजिनल हनी ऐसे ही मिलेगा, ट्राइबल कम्युनिटीज पहुंचाएगी वहां तक. ठीक है, तो मेनी कम्युनिटीज लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है, दिस अपॉर्चुनिटी वॉज एंजॉयड अक्रॉस द वर्ल्ड. तो जैसे यहाँ पे मुदुरुकु पीपल्स ऑफ ब्राजीलियन अमेजोन बताया गया इनके बारे में कि जैसे जैसे क्या होने लगा कि रबर की डिमांड जो है वर्ल्ड वाइड बढ़ी ना, तो अब ये ट्राइबल कम्युनिटीज जो है, जो जिनके लिए रबर कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन उन्होंने ये देखा कि वर्ल्ड वाइड क्या है कि जब ट्रेड स्टार्ट हुआ किस चीज में, रबर में, तो नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली उन्हें. तो ये आपको पॉजिटिव साइड देखना है बस, कि कॉलोनियल कंट्रोल के चलते जब क्या है कि कॉलोनाइजर्स ने, ठीक है, कॉलोनियल पावर्स ने फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो ट्राइबल कम्युनिटीज जो है बहुत सारी, दे लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन और वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना ट्रेड करना स्टार्ट कर चुके थे. ठीक है, तो जैसे मुदुरुकु पीपल ऑफ ब्राजीलियन अमेजॉन फॉरेस्ट का एक एग्जांपल दिया है कि विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर रबर, जैसे जैसे रबर की डिमांड बढ़ती चली गई, तो उसमें आपने क्या देखने को मिलता है कि ये जो मुदुरुकु पीपल है, दे शिफ्टेड फ्रॉम द कल्टिवेशन ऑफ मैनियोक टू द कल्टिवेशन ऑफ लैटेक्स फ्रॉम वाइल्ड रबर. ठीक है, तो जो पहले मैनियोक की खेती करते थे, कल्टिवेशन करते थे, उन्होंने बोला कि इसको छोड़ो, अपन क्या करते हैं वाइल्ड रबर जो है उसकी खेती करेंगे, उससे जो दूध निकलेगा, जो लैक्टेक्स निकलता है उसको बेचेंगे. क्यों? क्योंकि उसको खरीदने वाले बहुत लोग हैं. तो ये न्यू ट्रेड जनरेटेड न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज. समझ गए? तो कॉलोनियल कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट का एक पॉजिटिव साइड ये भी था कि मेनी ऑफ दी
अपॉर्चुनिटीज फॉर द ट्राइबल पॉपुलेशन और द फॉरेस्ट फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी, ठीक है, मेनी अपॉर्चुनिटीज ओपन अप फॉर दीज फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज, समझ गए? तो ग्रेजुअली दे बिकम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स, ग्रेजुअली दे बिकम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स. कौन? मतलब जैसे आप देख रहे हैं तो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी है ना, दे स्टार्टेड सप्लाइंग टू द ट्रेडर्स और ग्रेजुअली वो ट्रेडर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हो गए, तो उनका ऑक्यूपेशन ही बदल गया, एम्प्लॉयमेंट ही बदल गया. क्लियर हुआ? तो इस तरह से एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको देखने को मिलता है. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी क्या है, इन इंडिया ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट वॉज नॉट न्यू. फॉरेस्ट प्रोडक्ट में ट्रेड हमेशा से ही होता था. जैसे आप देखेंगे तो पहले बड़े बड़े राजा महाराजा जो होते थे, तो राजा महाराजा खुद शहद लेने जंगल में थोड़ी ना जाते थे, उन्हें तो जो जंगल की कम्युनिटी थी वही शहद लाकर देती थी. ठीक है, तो ट्रेड कोई नई चीज नहीं थी. फ्रॉम मेडिवल टाइम पीरियड आदिवासी यूज टू ट्रेड. ठीक है, जैसे हाइड्स हो गया, हॉर्न हो गया. हाइड्स मतलब क्या होता है? खाल. हाइड्स, हॉर्न, स्किल, कुकून, आइवरी, बैम्बू, स्पाइसेस, फाइबर, ग्रासेस, गम्स एंड रेजिन्स एक्सेट्रा, ये सारी कम्युनिटीज जो है तो मेडिवल टाइम पीरियड से ही क्या होता है, आदिवासी कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो मेन स्ट्रीम में लाला के देती थी. नोमेडिक कम्युनिटीज लाइक बंजारास, ठीक है, तो बंजारा कम्युनिटी जो है, आपने गाना सुना होगा ना, बंजारा बंजारा, तो बंजारा कम्युनिटी का मतलब जैसे आप देखोगे तो दे आर नोन फॉर देयर मूवमेंट. बंजारा कम्युनिटी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे घूमते रहते हैं. दे आर ऑन कंटिन्यूसली मूव. आपने देखो ना, ऊंट वाले आए, भेड़ बकरी वाले आए, भेड़ मतलब जो गार्डर वाले आते हैं, तो इस तरह से बंजारा कम्युनिटी इज कंटिन्यूसली ऑन मूव. और ये बंजारा कम्युनिटी यही करती है कि एक जंगल से कुछ सामान लिया, उसको कहीं दूसरी जगह गांव में, ठीक है, पहुंचाया, दूसरे गांव से सामान तीसरे गांव में पहुंचाया, तो दे एक्टेड एज ट्रेडर. ठीक है, लेकिन लेकिन आप जैसे देखोगे तो न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ओपन अप तो हुई है, लेकिन उसी के साथ साथ में नेगेटिवली अफेक्ट तो हुए ही थे कॉलोनियल टाइम पीरियड में. पॉजिटिव एस्पेक्ट तो दिखाया, लेकिन अगर जैसे आप देखोगे तो विद द कमिंग अप ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, तो जैसे व्हेन द ब्रिटिश केम इन इंडिया, ठीक है, दे स्टार्टेड रेगुलेशंस, ठीक है, रेगुलेशंस ओवर ट्रेड. तो बंजारा कम्युनिटी का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किया, ठीक है, वो टैक्स लगाना चालू कर दिए, सारी चीजें. ट्रेडिंग राइट्स वर गिवन टू द यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स. तो पहले हमारा ट्रेडिशनल कल्चर कैसा था कि जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज है वो प्रोडक्ट्स जो है लाके गांव में शहर में सप्लाई करते थे, ठीक है, क्योंकि उनका कल्चर वो था, देवर कंटिन्यूसली ऑन मूव. लेकिन जब यूरोपियंस आए तो उन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाना चालू कर दिए. अब ट्रेडिंग का काम किसका होगा? अब ट्रेडिंग का काम होगा यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स का. और ये जो यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स होती थी, तो ये यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स ये नहीं चाहती थी कि हमारा काम बंजारा लोग करें, वो चाहते थे कि हम खुद करें और हम खुद पैसा कमाएं. ठीक है, तो ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय द लोकल पीपल वर रिस्ट्रिक्टेड. मेनी पास्टोरलिस्ट एंड नोमेडिक कम्युनिटीज लाइक दी कोरवास, कराचा, येरेकुला, ठीक है, येरेकुला ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी लॉस्ट देयर लाइवलीहुड. अब जब आपने क्या कर दिया, ग्रेजिंग, हंटिंग, ठीक है, इस तरह से मूवमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, इन सारी चीजों को रिस्ट्रिक्ट किया, तो बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने अपनी एम्प्लॉयमेंट खो भी दी. ठीक है ना, बहुत सारी कम्युनिटीज ने अपना क्या देखने को मिल रहा है आपको, बहुत सारी कम्युनिटीज ने अपना लाइवलीहुड खो भी दिया. लेकिन फिर अगेन वाली बात है कि हम थोड़ा सा पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश कर रहे हैं. पॉजिटिव साइड ये भी था कि पहले नेगेटिव और समझ लो अच्छे से. तो ट्रेडिंग कम्युनिटीज जो थी, तो ट्रेडिंग कम्युनिटीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए ब्रिटिशर्स ने आते से. समझ में आया ना कि इंडिया में मूवमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का ट्रेड, ये बहुत क्या था, दिस वॉज समथिंग नॉट समथिंग न्यू. ठीक है, प्रोडक्ट्स में ट्रेड करना वॉज ऑलवेज देयर, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के साथ साथ में क्योंकि ट्रेड वो खुद करने आए थे, तो वही वाली बात है, फिर वो बोलते कि हम जॉब छोड़ दें, तो उन्होंने ट्रेड को अपने अंडर में कंट्रोल लिया, और जिसके चलते बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज, नोमैडिक कम्युनिटीज, नोमैड्स मतलब क्या है, अभी चैप्टर 5 पढ़ोगे आप, पैस्टोरलिज्म एंड नोमैडिज्म, ठीक है, नोमैड्स मतलब जो मूव करते रहते हैं, तो वो क्या हो गया, वो रिस्ट्रिक्ट हो गया. तो और साथ ही साथ क्या है, उन्हें क्रिमिनल ट्राइब का दर्जा दे दिया. क्रिमिनल ट्राइब मतलब क्या है, कि क्रिमिनल ट्राइब बोलने लगे किन लोगों को, जो ट्राइब्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, प्रोडक्ट्स को ट्रेड करते थे. क्यों? क्योंकि अब जंगलों से सामान ले जाना एक तरह से इलीगल था, तो क्रिमिनल ट्राइब का दर्जा दे दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा. दे वर फोर्स्ड टू वर्क इंस्टेड इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड प्लांटेशन अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन. पॉइंट ये भी समझना है यहाँ पे, क्या हो रहा है कि क्रिमिनल ट्राइब का दर्जा दे दिया, और अब आप वो ट्राइबल कम्युनिटीज अपने ट्रेडिशनल राइट्स को, नोमैडिज्म को प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी, और इसके चलते क्या है, those tribal communities were forced to work in factories, mines, plantation fields, government supervision के अंडर में रह के काम करना पड़ेगा. ये इस चीज के लिए उनको क्या किया गया, प्रेशराइज किया गया. अब जब इस चीज के लिए प्रेशराइज किया गया, तो दे अब आप बोलोगे प्रेशराइज क्या किया गया सर, पहले उनके पास काम नहीं था, जंगल जंगल भटकना पड़ता, अब तो उनको काम दे दिया गया, दे शुड बी हैप्पी नाउ. ठीक है, तो अब क्या प्रॉब्लम है? उस तरह से आपके मन में सवाल आ सकता है कि बधाई हो सर, मिठाई बांटना चाहिए, उनको काम मिल गया फैक्ट्रीज में, माइंस में, प्लांटेशन में. लेकिन ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि इनिशियली
जिन्हें आज आप क्रिमिनल ट्राइब कह रहे हो, जिन्हें आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो वो एकदम पंछी बनू उड़ता फिर मस्त गगन में टाइप के जीवन जीते थे, ठीक है। देवर नॉट अंडर दी सुपरविजन, देवर नॉट रिस्ट्रिक्टेड। अभी क्या है, लेकिन माइंस में, फैक्ट्रीज में उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाया जाता था। वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन इंप्रूव्ड वेलबींग ऑफ द पीपल। क्यों? क्योंकि देयर वेजेस वर लो एंड कंडीशंस फॉर वर्कर्स वॉज वेरी बैड। दे कुड नॉट रिटर्न बैक टू देयर होम इजिली। एग्जाम्पल गिवन में जैसे पीपल फ्रॉम असम, संथाल्स एंड ओरियांस फ्रॉम झारखंड, गोंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ वर रिक्रूटेड टू वर्क इन टी प्लांटेशंस एंड दे वर नॉट वेरी हैप्पी, ठीक है, दे वर नॉट वेरी विलिंग टू डू द वर्क। तो उस तरह से लेकिन क्या है, क्योंकि उनके उन्हें क्रिमिनल ट्राइब बताया जा रहा है, उनके ट्रेडिशनल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा था, तो दे वर लेफ्ट विथ नो ऑप्शंस। अब जब कोई ऑप्शंस थे ही नहीं तो दे वर फोर्स टू वर्क अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी उन्हें काम करना पड़ रहा था। तो ये जो न्यू ट्रेडर्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज थी, तो इसका पॉजिटिव साइड भी आपने देखा, ठीक है, और उसका नेगेटिव साइड भी आपने देखा कि न्यू ट्रेडर्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स और न्यू सर्विसेज जो थी, तो एट टाइम्स दे क्रिएटेड प्रॉब्लम्स आल्सो। क्लियर हुआ? तो ये वाला पार्ट हमारा यहां पे होता है कंप्लीट। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। देखो, तो हमने क्या देख लिया, डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या थे, डिफॉरेस्टेशन के कारण के साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि वो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री आती है, आम लोगों के जीवन को कैसे अफेक्ट करती है। आम लोगों के जीवन के साथ साथ वो आपको ये भी देखने को मिलता है क्लियरली कि हंटर्स के, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के लाइफ को कैसे इफेक्ट करती है। और उसी के साथ साथ आपने भी देख लिया कि इसका कुछ पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव भी था लेकिन उसका भी नेगेटिव था। क्लियर हुआ? स्टडी इन दिस पार्ट बस्तर की पूरी कहानी। एंड हियर वी गो, टॉपिक क्या है, रेबेलियन इन द फॉरेस्ट। रेबेलियन इन द फॉरेस्ट से क्या तात्पर्य है, तो अभी तक जितना पढ़ा है वो पूरी थ्योरी थी, अब दो एग्जाम्पल्स हैं। तो दो एग्जाम्पल्स में रेबेलियन इन द फॉरेस्ट में व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय द हेडिंग। देखो, मैंने आपको हमेशा समझाया है, एक बार फिर बताता हूं, क्या कि मात्र हेडिंग समझ लेने से आपका आधा काम समझ में आ जाता है। थ्योरी सब्जेक्ट्स में जो टॉपिक स्टार्ट होता है तो जो हेडिंग दी रहती है ना, उस हेडिंग को अगर आप समझ लोगे कि हेडिंग क्या कॉन्टेक्स्ट देना चाह रही है, तो वो कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया कि किस स्थिति को दर्शाना चाह रही है, तो आपको आधी चीजें समझ आ जाती है। तो रेबेलियन इन द फॉरेस्ट में यही बताया गया है कि जो अभी तक हमने देखा कि फॉरेस्ट सोसाइटी थी, फॉरेस्ट सोसाइटी कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड में, जब कॉलोनियल पावर्स आई तो कॉलोनियल पावर्स ने किसी ना किसी तरह से फॉरेस्ट सोसाइटीज को अफेक्ट किया। तो फॉरेस्ट सोसाइटीज ने क्या किया, या तो लोगों ने अपना जॉब बदल लिया, या तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया कि छोटे मोटे रेबेलियन करना स्टार्ट किए। तो रेबेलियन इन फॉरेस्ट में वही बताया गया कि ड्यूरिंग द कॉलोनियलिज्म फॉरेस्ट सोसाइटी एट टाइम्स रिएक्टेड इन रिवॉल्ट, एंड दैट इज द पार्ट, बागी हो गए। तो वो रेबेलियन इन फॉरेस्ट वो कंटेक्स्ट है हेडिंग का। तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द हेडिंग, तो व्हाट कैन बी द रीजन फॉर रेबेलियन। हेडिंग से समझ में आया कि हाँ, लोगों ने रिवॉल्ट भी किया, ठीक है। अब लोगों ने रिवॉल्ट क्यों किया, क्योंकि उन्हें पता था उनकी लाइवलीहुड, उनका जो कस्टमरी राइट्स थे वो सारे सब कुछ वायलेट हो रहे थे, उनके लाइवलीहुड, उनके कस्टमरी राइट्स, ये सारी चीजें वायलेट हो रही थी, इसी कारण लोगों ने हथियार उठाए। क्लियर? तो इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड फॉरेस्ट कम्युनिटीज रेबेल्ड अगेंस्ट दी चेंजेस दैट वर बीइंग इम्पोज्ड ऑन देम। तो आप इंडिया की बात कर लो या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात कर लो, बहुत सारे पार्ट में अलग अलग जगह आपको क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे पार्ट में अलग अलग जगह आपको देखने को मिलता है कि कम्युनिटीज जो है तो दे रेबेल्ड अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर्स। क्यों? क्योंकि कारण सिंपल से थी कि उनके ऊपर जो चेंजेस इंपोज किए जा रहे थे, उन्हें जिन चीजों से डिप्राइव किया जा रहा था, जिन जंगलों में वो पले बड़े, जिन नदियों में वो नहाए, जिन फलों को उन्होंने बेबाक तरीके से खाया कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड में, उन्हीं सारी चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे थे, एंड दैट वाज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बाय द फॉरेस्ट पीपल, एंड दैट्स व्हाई दे रिवॉल्टेड। तो रेबेलियन की दो कहानियां हैं हमारे पास में, ठीक है, एक इंडिया की है। तो इंडिया की कहानी को समझो पहले और फिर हम जावा की कहानी समझेंगे। तो इंडिया की कहानी में क्या है, एग्जांपल दिया, जैसे तो जैसे सिद्धू इन कानू इन संथाल परगनास, सिद्धू इन कानू जो संथाल परगनास में जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हथियार उठाए, चाहे हथियार के नाम पे आप क्या देख रहे कि उनके पास में डंडे तीर कमान थे, लेकिन उन्होंने साहस दिखाया कि माइटी ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट में आवाज उठाई। बिरसा मुंडा ऑफ छत्तीसगढ़ के बिरसा मुंडा जो थे, तो उन्होंने आवाज उठाई। बिरसा मुंडा ऑफ छत्तीसगढ़, इनकी कहानी आपने पढ़ी होगी, अलूरी सीताराम राजू, आरआरआर मूवी देखी है, अलूरी सीताराम राजू ऑफ आंध्र प्रदेश। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स वेयर द पीपल फ्रॉम द फॉरेस्ट सोसाइटी व्हेन दे वर सप्रेस्ड बाय द कॉलोनियलिज्म दे रेज्ड इन रिवॉल्ट, दे रेज्ड देयर वॉइस इन रिवॉल्ट, एंड दिस इज द एसेंस ऑफ द हेडिंग रेबेलियन इन फॉरेस्ट। ये एसेंस है कि रेबेलियन इन फॉरेस्ट क्या, ठीक है। So they all rebelled because of the suppression, injustice and atrocities over them.
A most important reason for their rebellion was interference in their forest culture and life. और ये सभी लोगों ने जब आवाज उठाई तो बहुत कॉमन रीजन जो रहा आवाज उठाने का, वो बहुत कॉमन रीजन आवाज उठाने का क्या रहा कि उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस हुआ, किनकी, फॉरेस्ट सोसाइटी के लोगों की लाइफ में इंटरफेरेंस हुआ, किस कारण से, कॉलोनियल रूल्स के चलते, ठीक है। तो जैसे यहां पे एग्जांपल में वो दिया गया, एंड वन सच रेबेलियन विच टुक प्लेस इन द किंगडम ऑफ बस्तर इन 1910। किंगडम ऑफ बस्तर, ये कौन सी किंगडम है, ठीक है। तो किंगडम ऑफ बस्तर मतलब क्या, उस समय पे आप क्या देखोगे, आजादी मिली नहीं थी उस समय पे, राजा रजवाड़े हुआ करते थे, तो वैसे ही आप क्या देखने को मिलता है आपको, जो आदिवासी किंगडम्स थी, जो ट्राइबल कम्युनिटीज के कबीले हुआ करते थे, तो वन सच किंगडम वॉज द किंगडम ऑफ बस्तर। 1910 का कहानी है, 1910 का मतलब 1910 का कंटेक्स्ट है। उस स्थिति में बस्तर के जो कह सकते हैं ट्राइब्स थे, उन्होंने आवाज उठाई अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, अगेंस्ट कॉलोनियल पीपल, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं। मैं कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया ना, तो अब सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो क्या, तो ये पीपल ऑफ बस्तर, अगर बस्तर के लोगों की बात करें तो बस्तर है कहां, छत्तीसगढ़ एक राज्य है इंडिया, इंडिया में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मतलब एकदम सेंट्रल में, उसके बाजू में छत्तीसगढ़, तो ये आपको छत्तीसगढ़ ऐसे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में अगर आप साउथ की तरफ जाओगे, छत्तीसगढ़ में अगर आप साउथ की तरफ जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा बस्तर, छत्तीसगढ़ में सदर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा बस्तर। तो अब ये जो बस्तर है, यहां पे आप क्या देख रहे हो कि बस्तर जो है पूरा का पूरा, इस बस्तर में क्या होता है, लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बॉर्डर्स आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र को बॉर्डर, बॉर्डरिंग एरिया से कवर करता है, जैसे महाराष्ट्र टच हो रहा है, आंध्र प्रदेश टच हो रहा है, ओडिशा टच, मतलब ओडिशा टच हो रहा है, आंध्र प्रदेश टच हो रहा है, ये उसकी लोकेशन है, ये बस्तर की लोकेशन है। ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर देखें तो सेंट्रल पार्ट जो है बस्तर का, इट इज अ प्लेटू, छत्तीसगढ़ प्लेन लाइज इन दी नॉर्थ, नॉर्थ में थोड़ा सा प्लेन एरिया है छत्तीसगढ़ प्लेन, एंड इट साउथ लाइज दी गोदावरी प्लेन, और साउथ में गोदावरी प्लेन, और एक रिवर जो है जो गोदावरी में ही जाके मिलती है इंद्रावती, वो ईस्ट से वेस्ट तक पूरे बस्तर को कवर करती है। तो ये बस्तर की कुछ स्थिति है ऐसी, ठीक है, ये बस्तर की पूरी स्थिति है, ऊपर आपको छत्तीसगढ़ प्लेन, नीचे गोदावरी प्लेन, बीच में प्लेटू रीजन है, इंद्रावती रिवर यहां से फ्लो होते हुए जाती है, ठीक है। तो इस तरह का आपको ज्योग्राफी बता दिया मैंने, अब देखो क्यों बता रहे हैं सर इतना, ठीक है, हमें तो नहीं जाना बस्तर, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा आपको क्या, कि एक्सप्लेन एक्सप्लेन द सिचुएशन, एक्सप्लेन द रिवॉल्ट इन बस्तर विद स्पेशल रेफरेंस टू इट्स ज्योग्राफिकल पोजीशन। अब क्या हो गया कि ज्योग्राफिकल पोजीशन पूछ ली, ज्योग्राफिकल लोकेशन पूछ ली, और आपको बताना कि बस्तर में क्यों रिवॉल्ट हुआ, समझ में आया, या फिर एक्सप्लेन द सोसाइटी एंड ज्योग्राफी ऑफ बस्तर, ऐसा क्वेश्चन बन गया। तो क्या लिखोगे सोसाइटी एंड ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी आपको समझ में आ गया कि बस्तर है कहां, कैसा है। सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में क्या देखो, पीपल ऑफ बस्तर की अगर बात करें तो कम्युनिटी सच एस मारिया एंड मुरिया गोंड्स, ठीक है, ध्रुवास, भारतास एंड हालवास, क्या है ये, तो ये कम्युनिटी है, जिसे गोंड कम्युनिटी, तो मारिया मुरिया गोंड्स, ठीक है, ध्रुवास, भारतास, हालवास, ये सारी कम्युनिटी है, ठीक है, ये अलग अलग कम्युनिटीज है, एंड दीज कम्युनिटीज लिव इन बस्तर, बस्तर में ये सारी कम्युनिटीज रहती है, ठीक है, बस्तर में सारी कम्युनिटीज रहती है, एंड दे शेयर कॉमन कस्टम्स एंड बिलीफ्स। अब क्योंकि सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो सारे हमारे वन्य मतलब कह सकते हैं गिरिवासी, यानी जो पहाड़ों पर रहते हैं, वनवासी मतलब जो जंगलों में रहते हैं, तो वनवासी भाई बहन जो है, तो दे शेयर कॉमन कस्टम एंड बिलीफ्स, कॉमन कस्टम, कॉमन बिलीफ्स, सांस्कृतिक रूप से एक जैसे ही सारे कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स और ये सारी चीजें थी, क्लियर हुआ। तो क्या रिचुअल्स थे, क्या कस्टम्स फॉलो करते थे सारी ट्राइबल कम्युनिटीज जो वहां रहती थी, वो सभी लगभग लगभग कॉमन रिचुअल्स फॉलो करते थे, जैसे दे यूज टू वर्शिप अर्थ, ठीक है, भूमि की पूजा करते थे, भूमि की पूजा क्यों, क्योंकि बिकॉज विलेज वॉज गिवन इट्स लैंड बाय अर्थ, मतलब देखो कितना लोग ऐसे कहते हैं, समझते हैं कि ट्राइबल सोसाइटीज आर प्रिमिटिव, पिछड़ा वर्ग है, लेकिन इफ वी क्लोजली लुक इनटू द वे दे लिव, उनकी दिनचर्या को देखोगे, उनके जीवन के जीने के तरीके को देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाउ हम्बल द ट्राइबल सोसाइटीज आर, नो डाउट दे आर नॉट सो एडवांस्ड एज द पीपल लिविंग इन द सिटीज आर, ठीक है, शहर में लोग जितने एडवांस्ड है और कह लो कनिंग है, उतने कनिंग नहीं होते, सीधे सरल सच्चे लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, लेकिन आप उनका जीने का तरीका देखो, हाउ सिंपल एंड हम्बल इट इज, क्या है, क्योंकि भूमि से सब कुछ मिला है हमें, अल्टीमेटली एवरीथिंग विच वी आर डूइंग, आज मैं खड़ा होकर पढ़ा पा रहा हूं तो क्योंकि नीचे जमीन है, ठीक है, हमारे अंदर वो पावर नहीं है कृषि वाली की हवा में रहकर सब कुछ काम कर लेंगे, तो क्योंकि भूमि से सब कुछ मिला है, तो दे यूज टू वर्शिप अर्थ, फाइन, लुक आफ्टर द अर्थ एंड मेक ऑफरिंग्स एट ईच एग्रीकल्चरल फेस्टिवल, हर एग्रीकल्चरल फेस्टिवल पे जब उसी भूमि से उन्हें उपज मिलती है, तो वो कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, उस तरह से क्या करते हैं, एक हिस्सा जो है तो वो
उसी अर्थ के लिए क्या कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, उसी धरती के लिए एक भेंट स्वरूप चढ़ा देते हैं। ठीक है, दे शो रिस्पेक्ट टू द स्पिरिट्स ऑफ रिवर, फॉरेस्ट, माउंटेन, क्योंकि उन्हीं के इर्द गिर्द पले बड़े हैं, वहीं पे अपना जीवन जिया है, तो नदी, पहाड़, जंगल, हर चीज में हर चीज को एक रेवरेंस शो किया जाता है, हर चीज के आगे नतमस्तक होकर अपना प्रणाम अर्पित करते हैं। तो इस तरह से कम्युनिटीज जो है वो कॉमनली रहती थी। ठीक है, ईच विलेज यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज इन देयर बाउंड्री, इन केस दे यूज द रिसोर्सेज फ्रॉम अदर्स बाउंड्री, दे पे अ स्मॉल फी कॉल्ड देवसारी, दंड और मन। देखो ये नाम कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, एट टाइम्स अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए तो उसमें थोड़ा सतर्क रहना। क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया तो उसमें थोड़ा सतर्क रहना कि इस तरह से अगर सवाल बनते हैं आपके, क्या कि जैसे मारिया, मुरिया, गौंड, ध्रुवास, भारता, सालबाज, ये क्या तो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। फिर अगर अब ये आ गया देवसारी, दंड, मन, ये क्या है, तो देवसारी, दंड, मन, ये एक तरह का टैक्स था। कब पे करते थे, तो जैसे अब सब विलेज जो है अलग अलग विलेजेस हैं, अलग अलग विलेजेस में अलग अलग कम्युनिटीज रह रही है, तो अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हो गया मान लो कभी किसी प्रकार का फल उनके क्षेत्र में नहीं है, तो दूसरे क्षेत्र से अगर वो फल लाते थे खाते थे, ठीक है, दूसरे क्षेत्र से अगर वो फल लाते थे खाते थे तो वो क्या करेंगे, एक तरह से टैक्स पे करेंगे कि हमने तुम्हारे एरिया से फल लिए, तो उस तरह से क्या देवसारी, दंड और मन के नाम से वो टैक्स दिया जाता था। ठीक है, एंगेजिंग वॉचमैन टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। अब दूसरी चीज क्या है, क्योंकि वो जंगल की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वो पेड़ की, पहाड़ की, नदी की पूजा कर रहे हैं, तो उसका प्रोटेक्शन भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, कोई आउटसाइडर्स उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। इस कारण से क्या है, जंगलों के लिए या फिर उन रिसोर्सेस के लिए वो खुद क्या करते थे, दे यूज टू एंगेज अ वॉचमैन, सब पैसे इकट्ठा करते थे, चंदा और वॉचमैन को ऐसे पैसा देते थे, और उस तरह से एक वॉचमैन लगाया जाता था ताकि वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, दैट नोबडी कैन इन्फ्लिक्ट डैमेजेस ऑन दोज फॉरेस्ट रिसोर्सेज, लकड़ियां ना काट के ले जाए, जानवर को ना परेशान कर दे कोई, ठीक है, हंटिंग ना हो अननेसेसरी। तो एनुअल हंट जो होता था, अब फिर क्या होता है, जैसे आज के समय में आप क्या देखते हैं, आज IPL हो रहा है, FIFA हो रहा है, तो ये क्या है, ये लोग एंटरटेनमेंट के लिए, आप कह सकते हो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सारी चीजें सब कुछ है, तो वैसे अब वहां पे क्या एंटरटेनमेंट, तो वहां पे हंट, एनुअल हंट ऑर्गेनाइज की जाती थी, एनुअल हंट ऑर्गेनाइज की जाती थी, वेयर द हेडमैन ऑफ विलेजेस इन अ परगना, परगना मतलब क्या है, क्लस्टर ऑफ विलेज जो है ना, तो वो सभी गांवों के जो हेडमैन रहते थे वो इकट्ठे होते थे, और फिर वो क्या करते थे, अगर कोई कॉमन इशू रहता था, कंसर्न रहता था, तो उसको डिस्कस कर लिया जाता था, फॉरेस्ट वगैरह के बारे में बातचीत कर ली जाती थी, इस तरह से जीवन यापन करते थे मस्त। ठीक है, तो ये सिस्टम चल रहा था, पूरा ये पूरा सिस्टम था, इस तरह से वो अपना जीवन यापन करते थे। फाइन, तो यहां अगर क्वेश्चन बनता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सोसाइटी एंड ज्योग्राफी ऑफ बस्तर, सोसाइटी ज्योग्राफी ऑफ बस्तर पे अगर आप एक शॉर्ट नोट लिखोगे, ये वो सारी चीजें, तो वो बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया गया। ठीक है, वो बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया गया, तो दी पीपल ऑफ बस्तर, ये पूरी कहानी है पीपल ऑफ बस्तर की। अब आगे अगर बढ़े तो दी फियर ऑफ दी पीपल, लेकिन ये जो बस्तर के लोग थे ना, उनको एक डर था। क्या डर था, समझना। तो अभी तक तो आपने फॉरेस्ट सोसाइटी देखी है, विलन अब आएगा पिक्चर का, क्या कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड में क्या इंपैक्ट हुआ और क्या डर था और वो सारी चीजें वो समझो। ठीक है, तो पीपल ऑफ बस्तर तो आपने समझ लिया, व्हाट वर दी रीजंस फॉर रेबेलियन इन बस्तर, बस्तर में आपको क्या देखने को मिलता है कि लोग रिवॉल्ट में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, पॉइंट यहां पे ये है कि व्हाट वर दी रीजंस फॉर रेबेलियन इन बस्तर, बस्तर में रिवॉल्ट का, रेबेलियन का रीजन क्या था। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रपोज टू रिजर्व 2/3 ऑफ फॉरेस्ट इन 1905 में कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है, तो आपको ध्यान हो, आप थोड़ा रिकॉल करो, अभी पीछे पढ़ा हमने फॉरेस्ट एक्ट जो है वो कब आ गया था, 1865, उसमें अमेंडमेंट हुए दो बार। ठीक है, तो अमेंडमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ये था अमेंडमेंट का कि उन्होंने फॉरेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिए, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ध्यान आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या था कि ऑब्जेक्टिव यहां पे सिंपल सा ये था कि फॉरेस्ट जो कह सकते हैं फॉरेस्ट पीपल जो थे, तो दे वर फियरफुल अबाउट दिस फैक्ट दैट कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने प्रपोज कर दिया है कि 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट एरिया जो है ना, 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट एरिया जो, उसको हम क्या कर देंगे, रिजर्व कर देंगे। अब जब रिजर्व कर देंगे तो वहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद हो जाएगा, हंटिंग बंद हो जाएगी, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस बंद हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर पीपल ऑफ बस्तर वर वरीड। ठीक है, पीपल ऑफ बस्तर जो थे तो देयरफॉर दे वर वरीड कि अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जीवन कैसे जिएंगे। ध्यान आया, तो ओनली सम विलेज वर अलाउड टू स्टे ऑन इन द रिजर्व फॉरेस्ट। वाई, ठीक है, आप यहां पे एक और पॉइंट समझ ला कि उन्होंने ब्रॉडली क्या कर दिया, उन्होंने ब्रॉडली ये कर दिया कि हम किसी को अंदर नहीं जाने देंगे, रिजर्व कर रहे हैं फॉरेस्ट को, तो उसको रिजर्व फॉरेस्ट जो कर देंगे तो उसमें आपके राइट्स नहीं रह जाएंगे, लेकिन कुछ ही लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा, जो कुछ ही लोग अंदर जाएंगे तो वो क्यों जाएंगे। ठीक है,
मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि उनके पिताजी का है क्या जंगल, वो कैसे चले जाएंगे अंदर, जब कोई नहीं जा रहा तो कोई नहीं जाना चाहेगा। तो लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स या फिर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि कुछ लोगों को अंदर इसलिए जाने देंगे सो दैट दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट पीपल टू वर्क सच एज कटिंग एंड एक्सपोर्टिंग ट्री प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट फ्रॉम फायर। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोला कि हमें हमारे लिए हमारे काम के लिए हमें लकड़ी तो काटना है, तुम्हें काटने देंगे लेकिन हम तो टिम्बर ले जाएंगे, तो हमारी जरूरत के लिए हमें जितने लोग चलेंगे लगेंगे उतनों को हम अंदर जाने देंगे। ठीक है, तो दीज विलेजेस केम टू बी नोन एज फॉरेस्ट विलेज। और ये जो विलेज थे ठीक है जहां पे लोगों को आसानी से अलाउ किया जाएगा आने जाने के लिए, तो उन्हें फॉरेस्ट विलेजेस कहा गया। मतलब कुछ लोगों को अंदर ही रहने दिया, उन्हें हटाया नहीं गया, उन्हें फॉरेस्ट विलेज कहा गया। बाकी ये प्लान बनाया कि बाकी सभी लोगों को जंगलों से बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, कहानी अपने बोलते ना क्लाइमेक्स पे पहुंचती है। कैसे क्लाइमेक्स पे पहुंचती है, तो लोग जो जंगल में रहे, जिन्होंने जंगल में मतलब बड़े हुए, जंगल में पानी पिया, जंगल में फल खाया, उन्हें जंगल से बाहर निकालने की बात कर रहे थे। सिर्फ कुछ ही लोग रहेंगे जो फॉरेस्ट विलेज के नाम से रहेंगे, उन लोगों को भी क्या ब्रिटिशर्स अपने स्वार्थ के लिए रहने दे रहे थे वहां पे। तो पीपल ऑफ अदर विलेज वर डिस्प्लेस विदाउट एनी नोटिस और कंपनसेशन एंड दिस लेड टू द वाइड स्प्रेड रेजेंटमेंट अमंग द पीपल। लोगों ने बोला कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है ऐसा नहीं होगा। तो पीपल वर ऑलरेडी नॉट हैप्पी ड्यू टू इंक्रीज्ड लैंड रेंट, डिमांड फॉर फ्री लेबर एंड गुड्स बाय कॉलोनियल ऑफिसर एंड फेमाइंस। ठीक है, तो देखो परेशानी पे परेशानी चढ़ते जा रही थी कि पहले ही लोगों को रेंट बढ़ा दिया गया था, फ्री लेबर में उनसे काम करवाया जाता था। ठीक है, गुड्स कॉलोनियल ऑफिसर्स जो उनसे डिमांड करते थे वही वाली बात, हरासमेंट होता था। तो लोग पहले ही भरे बैठे थे और ऊपर से उन्होंने क्या कर दिया कि ये रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करके बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल दिया जा रहा था बिना किसी नोटिस के। साथ ही साथ वहां फेमाइन भी आई, तो जैसे 1899 वाली फेमाइन, 1907 1908 की फेमाइन। तो अब लोगों ने बोल दिया कि द रेजेंटमेंट इज द ओनली वे, अब सिर्फ विद्रोह ही एकमात्र रास्ता रह गया है, अब हमें बागी होना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसी के चलते क्या होता है, इसी के चलते फिर लोग रेबेलियन में खड़े हो जाते हैं। पीपल स्टार्टेड रिवॉल्टिंग, कैसे लोग रिवॉल्ट करते हैं समझो यहां पे। तो डिस्कशन ओवर द इशू, हेडमैन एंड द प्रीस्ट ऑफ सेवरल विलेजेस एट पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, तो डिस्कशन ओवर द इशू कि कुछ तो करना पड़ेगा। अब वही वाली बात है, एनुअल हंट वगैरह ऑर्गेनाइज होती, सारे लोग इकट्ठे होते ही थे, तो जितने भी हेडमैन वगैरह इकट्ठे हुए वहां पे, तो उन्होंने इस मुद्दे पे डिस्कशन स्टार्ट किया, क्या हेडमैन और प्रीस्ट वगैरह की क्या किया जाना चाहिए, इनिशिएटिव जो लिया गया कि ऐसे, मतलब देखो होता यही है, क्या होता है कि जब कोई एक बड़ी क्रांति आना होती है ना, बड़ी क्रांति के लिए किसी एक आदमी को तो पहले कदम उठाना पड़ता है। फाइन, तो वैसे यहाँ पे क्या होता है कि कदम किसने उठाया, तो ध्रुवाज ऑफ कंगेर फॉरेस्ट। मैंने आपको क्या बताया कि वो जो पूरा बस्तर रीजन था उस पर अलग अलग फॉरेस्ट थे, अलग अलग विलेजेस थे, तो कंगेर फॉरेस्ट के जो ध्रुवा ट्राइब्स थे, ठीक है, तो ध्रुवाज ऑफ कंगेर फॉरेस्ट जो है, ठीक है, तो वेयर द रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस। रिजर्वेशन मतलब क्या है कि जहां पे फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व करना था, तो सबसे पहले फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व करने की बात की गई कंगेर फॉरेस्ट को, तो कंगेर फॉरेस्ट के जो ट्राइब्स थे ध्रुवाज, ठीक है, उन्होंने बोला कि हम क्या कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे ब्रिटिश साम्राज्य की। फिर क्या होता है, लीडरशिप, तो किसने लीड किया मूवमेंट, तो पीपल स्पीक ऑफ गुंडाधुर। गुंडाधुर ध्रुवा टाइप को बिलोंग करते थे, गुंडाधुर जो थे, ठीक है, तो फ्रॉम द विलेज नेथानार, ठीक है, नेथानार विलेज के ये जो लीडर थे, या फिर कह सकते हो आप क्या कि ये जो ट्राइबल इंडिविजुअल थे, तो लोग इनका नाम लेते हैं कि 1900 जैसे आप क्या देखेंगे ईयर कौन सा था, आई गेस आई स्किप्ड, तो वन सच रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन 1910 है ना, 1910 और 7, तो यहाँ पे 1905 नहीं, ये तो रिजर्वेशन की बात हो रही है, तो ये जो 1905 नहीं आई गेस 7 या 10 है, तो उस रिवॉल्ट में 1910 ही तो है, ठीक है, यही तो लिखा 1910 जो है, तो 1910 में गुंडाधुर जो थे, तो गुंडाधुर जो है, तो गुंडाधुर ने सबसे पहले क्या करी, आवाज उठाई। अब आवाज कैसे उठाई, तो देखो ट्राइबल पीपल है वहां पे, वो सिंपलिसिटी समझो, तो उन्हें जो मिला, ठीक है, उन्हें जो मिला, मैंगो बॉक्स, तो क्या है लकड़ी, जो आम के पेड़ से उन्होंने एक तरह से डंडे वंडे बनाए वो, ठीक है, लंप ऑफ अर्थ, तो ईंट मिट्टी के मतलब भाटे पत्थर, वो सारी चीजें लेके, चिलीज मिर्ची, ब्रिटिशर्स के हाथ में मिर्ची झोंक देंगे, ठीक है, एंड एरोज बिगेन सर्कुलेटिंग बिटवीन द विलेज, तो ये तैयारी हो रही थी, गाना बज रहा था विजय भवा, ठीक है, टाइप से, और इन्होंने क्या करने स्टार्ट कर दी, अपनी तैयारी शुरू कर दी। कैसी तैयारी स्टार्ट कर दी, तो देखो इन द एब्सेंस ऑफ रिसोर्सेज व्हाटएवर दे हैड, जो भी उनके पास था उन सारी चीजों को उन्होंने इकट्ठा किया, उन सारी चीजों को आपस में सर्कुलेट करना शुरू कर दिया, और अपने आप को तैयार करने लगे फॉर द रेवोल्यूशन। ठीक है, दे स्टार्टेड सर्कुलेटिंग ऑल दीज थिंग्स टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिबेल करने के लिए, इन सारी चीजों को सर्कुलेट करने लगे, इकट्ठा करने लगे। एवरी विलेज कंट्रीब्यूटेड समथिंग टू द रेबेलियन एक्सपेंसेस, हर गांव, जैसे कंगेर फॉरेस्ट से स्टार्ट हुआ, लेकिन बस्तर रीजन में जितने भी छोटे छोटे गांव थे, ट्राइबल विलेजेस थे,
सबने अपने अपने स्तर पर जो हो सकता था कोऑर्डिनेशन इंश्योर किया और बोला कि ब्रिटिशर्स की ईंट से ईंट बजाना है हमें, ठीक है। एंड फाइनली देयर वाज एन आउटब्रेक, ठीक है। फिर आपको अल्टीमेटली वहां पे एक आउटब्रेक देखने को मिलता है। बाजार्स वर लूटेड, द हाउसेस ऑफ ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स, स्कूल्स एंड पुलिस स्टेशंस वर बर्नड एंड रॉब्ड, द ग्रेन रीडिस्ट्रीब्यूटेड। तो अल्टीमेटली रेवोल्यूशन ब्रेकआउट हो जाता है, मारा पीटी होती है, ठीक है। बाजार्स वगैरह को लूट लिया जाता है, जो जितने भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स थे या फिर कह सकते हैं जो ब्रिटिश सिंबल्स थे उन पे हमला हो गया और लोगों ने एक तरह से क्या कर दिया, एक तरह से विद्रोह मचा दिया ट्राइबल कम्युनिटीज ने, ठीक है। तो विलियम वर्ड्स ऑब्जर्वेशन, तो एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया उस टाइम पीरियड में देखो। तो फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस केम स्ट्रीमिंग इनटू जगदलपुर पुलिस मर्चेंट्स फॉरेस्ट प्योन्स स्कूल मास्टर्स एंड इमिग्रेंट्स। मतलब ये सारे कौन लोग हैं जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड है। तो विलियम वर्ड्स ने यह ऑब्जर्व किया कि जगदलपुर जो एक सेफ प्लेस थी, उस जगदलपुर जगह में क्या सभी डायरेक्शन से लोग दौड़ते दौड़ते आ रहे थे, क्योंकि सबके पीछे कौन लगे थे, रिवॉल्टिंग ट्राइबल पॉपुलेशन लगी हुई थी, सब दौड़ते भागते गिरते पड़ते आ रहे थे अपनी जान बचाते हुए, ठीक है। अब आप एक स्वाभाविक सवाल यहां पे उठा सकते हैं कि सर ये तो एक साइड बता रहे हो आप कहानी का, दूसरा साइड क्या है कि ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले ब्रिटिशर्स भी थे, उनके पास तो पावर थी। तो व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा, करारा जवाब मिलेगा, ठीक है। तो उस टाइप से ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो ऑल वेल प्रिपेयर्ड। तो ये जब रिवॉल्ट हुआ इस तरह से, आपको जो बस्तर रीजन में 1910 में जो आपको रिवॉल्ट देखने को मिला, ठीक है, क्यों रिवॉल्ट देखने को मिला समझ में आ रहा है ना, रेबेलियन इन फॉरेस्ट, कहानी कनेक्ट कर पा रहे हो। तो जब रिजर्वेशन की बात करी तो जो वहां के विलेजर्स थे, जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। व्हाट वाज द रिस्पांस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, करारा जवाब मिलेगा। तो द सप्रेशन ऑफ द बस्तर रेबेलियन। तो वहां पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इस बस्तर रेबेलियन को सप्रेस किया। कैसे सप्रेस किया देखो, तो ब्रिटिश सेंट ट्रूप्स टू सप्रेस द रेबेलियन, उन्होंने और रीइंफोर्समेंट बुला ली। उतने ही पुलिस वाले जो बस्तर रीजन में थे उनको तो पीट पाट दिया था ट्राइबल्स ने, लेकिन फिर क्या उन्होंने और रीइंफोर्समेंट बुलाई, बाहर से और ट्रूप्स बुलाई, ब्रिटिश एम्पायर में बहुत सारी ट्रूप्स, ठीक है। तो ब्रिटिश सेंट ट्रूप्स टू सप्रेस द रेबेलियन, ब्रिटिश सराउंडेड देयर कैंप्स एंड फायर्ड अपॉन देम, तो उनको चारों तरफ से घेर लिया ट्राइबल पॉपुलेशन को। वो एक उनके पास वो रहता ना हॉन्किंग मशीन टाइप से, वो उसमें चिल्ला चिल्ला हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, ठीक है, भागने की कोशिश मत करना। तो वैसे ही है, तो ब्रिटिश सराउंडेड देयर कैंप्स एंड फायर्ड अपॉन देम, तो उनके ऊपर फिर ठाए ठाए करके गोलियां चली, ठीक है। पनिशिंग ऑल दोस हु पार्टिसिपेटेड इन रेबेलियन, जिन जिन लोगों ने रेबेलियन में पार्टिसिपेट किया उन लोगों को पनिश किया गया। मोस्ट विलेजर्स वर डेजर्टेड एज पीपल फ्लेड इन टू द जंगल, और अधिकतर फिर गांव जो है तो गांव पे जा जाके तो घेराबंदी करी, जैसे कंगेर फॉरेस्ट से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उसको घेरा होगा ब्रिटिश ट्रूप्स ने, तो फिर लोग क्या गांव छोड़ छोड़ के और जंगलों में अंदर की तरफ भागते चले गए, क्योंकि वो तो उन्हीं जंगलों में पले बड़े हैं ना। तो इस तरह से क्या हो गया, मोस्ट विलेजेस वर डेजर्टेड एज पीपल फ्लेड इन टू द जंगल्स विद इन थ्री मंथ्स। फरवरी मार्च अप्रैल में, मतलब फेब से मार्च अप्रैल में, तो मार्च अप्रैल में इन साढ़े तीन महीनों में क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी तो दे रीगेन्ड द कंट्रोल। उन्होंने जिस तरह से कह सकते हैं ट्राइबल्स ने इनके छक्के छुड़ा दिए थे, तो धीरे से वापस अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया, ठीक है। वॉज द रेबेलियन अ फेलियर, तो अब ब्रिटिशर्स ने तो वापस पावर कैप्चर कर ली, तो क्या रेबेलियन एक तरह का फेलियर रहेगा? तो नो, रेबेलियन वॉज नॉट अ फेलियर। वाई? बिकॉज रेबेलियन वॉज द विक्ट्री फॉर रेबल्स। व्हाट वर द रीजंस व्हाई यू आर सेइंग कि रेबेलियन वॉज नॉट अ फेलियर? कारण समझो उसका, कि बिकॉज ब्रिटिश डिड नॉट मैनेज टू कैप्चर गुंडाधुर। मतलब एक तरह से क्या है कि उनका जो बॉस था ना, तो वो बॉस क्या कह रहा था, गुंडाधुर क्या कह रहा था, हम अभी जिंदा है, हमें पकड़ नहीं पाए, जब तक तुम लीडर को नहीं पकड़ पाओगे तब तक मैच कैसे खत्म होगा, ठीक है। तो इस तरह से रेबेलियन वॉज अ विक्ट्री फॉर द रेबल्स बिकॉज ब्रिटिश डिड नॉट मैनेज टू कैप्चर गुंडाधुर। द रिजर्वेशंस वर टेम्परली सस्पेंडेड एंड द एरिया टू बी रिजर्व वॉज रिड्यूस्ड टू रफली हाफ ऑफ दैट प्लान बिफोर 1910। तो 1910 के पहले जितने एरिया को रिजर्व करने की बात करते थे, तो उसका आधा ही एरिया फिर रिजर्व किया गया, रिजर्वेशंस को टेम्परली सस्पेंड किया गया। मतलब उन्हें भी डर लगा ना कि यार लोग बहुत मारते हैं ट्राइबल्स भी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, तो दिस वॉज रेबेलियन वॉज नॉट अ फेलियर बिकॉज समवेयर और दी अदर दी रेबल्स वर मैनेज टू गेट देयर डिमांड थ्रू दी गेट देयर डिमांड थ्रू दी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू अपनी डिमांड को तो मनवा ही लिया था। आया समझ में? तो बस्तर रेबेलियन ऑफ 1910, तो इस तरह से घूम रहे हैं, बचा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। लेकिन मतलब हैप्पी एंडिंग अभी नहीं हुई है। जो रेबेलियन इन फॉरेस्ट है ना, दैट वाज जस्ट द वन पार्ट, वन साइड ऑफ द फॉरेस्ट सोसाइटी। आज भी आप देखोगे तो स्ट्रगल ऑफ पीपल ऑफ बस्तर डज नॉट एंड हियर। द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग पीपल आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड रिजर्विंग देम फॉर इंडस्ट्रियल यूज कंटिन्यूड
आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो। आज भी आप देखेंगे जैसे बहुत सारा क्षेत्र है जहां पे क्या है, बहुत सारा फॉरेस्ट ट्रैक है, एरिया है जहां पे लोगों को बाहर निकल के वो फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया जाता है। और रिजर्व इसलिए किया जाता है ताकि उन फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज किया जा सके। तो ट्राइबल कम्युनिटीज का यहाँ पे यही आर्ग्यूमेंट रहता है क्या कि वाई वी हैव टू पे फॉर दी इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, कमाओ खूब कमाओ हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम क्यों कॉस्ट पे करें उसकी? हम तो सिंपल ये चाह रहे हैं कि ये हमारा घर है, ये जो छत्रछाया बनती है पेड़ों की छाव में, हम वहां रहना पसंद करते, तुम हमें वहां से क्यों निकाल रहे हो? तो वो समस्या सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट तक सीमित नहीं थी, आज भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कैसे? तो 1970 में वर्ल्ड बैंक का एक प्रपोजल था। बोलोगे वर्ल्ड बैंक हमारी कंट्री में नाक क्यों घुसा रही है? तो हमने क्योंकि लोन वगैरह लिए, तो वर्ल्ड बैंक ने क्या प्रपोजल रखा कि 4600 हेक्टर ऑफ नेचुरल साल फॉरेस्ट जो है ना, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा ट्रॉपिकल पाइन से। अब ट्रॉपिकल मतलब वही है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, एक पेड़ को काट के दूसरे तरह के पेड़ लगाएंगे। क्यों? ये पेड़ आपके रिश्तेदार है क्या? रिश्तेदार नहीं है, ये ट्रॉपिकल पाइन जो रहेगा, तो इससे हम क्या कर लेंगे, पेपर इंडस्ट्री के लिए पल्प ऑब्टेन कर लेंगे, पेपर इंडस्ट्री के लिए पल्प ऑब्टेन कर लेंगे। तो दिस वॉज द कंसर्न कि अब पेपर इंडस्ट्री के लिए पल्प चाहिए, और उसके चक्कर में तुम क्या कर रहे हो, पूरे के पूरे पेड़ काट दे रहे हो। तो अगेन अगेंस्ट दिस लोकल एनवायरमेंटलिस्ट प्रोटेस्टेड एंड प्रोजेक्ट वॉज स्टॉप्ड। तो अब यहाँ पे ट्राइबल्स तो उस तरीके से प्रचंड तरीके से खड़े होकर नहीं आए हथियार लेके, लेकिन लोकल एनवायरमेंटलिस्ट वगैरह जो थे विद द सपोर्ट ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स नो डाउट, ठीक है, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और इस प्रोजेक्ट को स्टॉप किया गया। सिमिलर स्टोरी ऑफ स्ट्रगल कैन बी सीन इन इंडोनेशिया ऑल्सो, ठीक है। तो ये हमने हमारे केस की मतलब हमारी कंट्री का केस देखा, ठीक है। ऐसा ही केस आपको जावा में भी देखने को मिलेगा। मैंने बताया ना कि चैप्टर में आपने पूरा थ्योरी पढ़ा, एग्जांपल में एक आपने इंडिया का बस्तर की कहानी देखी, ठीक, इसी तरह का स्टोरी, इस तरह का स्ट्रगल, ठीक है, कि फॉरेस्ट सोसाइटी ने कॉलोनियलिज्म से क्या सफर किया और कैसे आवाज उठाई, वो आपको इंडोनेशिया जावा के केस में भी देखने को मिलता है। तो वो हम यहां समझते हैं, ठीक है। जैसे साल फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल पाइन, ये पल्प की मदद से पेपर बनाया जाता है ना, पेपर देखा होगा आपने, रिसाइकल करके बनता है वैसे जो, तो साल से हटा के ट्रॉपिकल पाइन लाना था, ये प्रपोजल था। फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा क्या कहता है, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा में, तो देखो कॉलोनियल रूल इन जावा वॉज बाय डच। डच मतलब कौन है? तो डच लैंग्वेज बोलने वाले नीदरलैंड के, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में ब्रिटिश रूल था, वियतनाम में जैसे फ्रेंच रूल था, वैसे ही थोड़ा और आगे निकल जाओगे आप तो डच जो थे वो नीदरलैंड के थे। तो डच जो थे, नीदरलैंड किंगडम ऑफ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड जो हुआ करता, तो वहां से लोग जो निकले थे उन्होंने जहां जहां कॉलोनाइजेशन किया तो वहां पे डच रूल आया, जैसे इंडोनेशिया में डच रूल आया, ठीक है। तो इंडोनेशिया में डच रूल आया, तो इंडोनेशिया क्या है, तो इंडोनेशिया देखोगे तो ये आइलैंड कंट्री है, ठीक। तो जावा, सुमात्रा, इस तरह से क्या है, आइलैंड्स है, तीन चार आइलैंड जो है, तो ये आइलैंड मिलकर पूरा इंडोनेशिया बनाते हैं। और इन पूरे आइलैंड में एक जो बड़ा आइलैंड जो है ये है जावा का आइलैंड, ठीक है। बड़ा आइलैंड जो है जावा आइलैंड जो है ये इंडोनेशिया का पार्ट है, समझ में आ गया। तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में एक आइलैंड जो है ये जावा आइलैंड जो है, तो वहां पे किसका रूल था, वहां पे रूल था नीदरलैंड के डच रूलर्स का, उन्होंने नीदरलैंड पे कब्जा कर लिया, क्लियर हुआ, नीदरलैंड नहीं, उन्होंने जावा पे कब्जा कर लिया। तो टुडे जावा इज फेमस एज अ राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन इंडोनेशिया, ठीक है। बट वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज कवर्ड मोस्टली विथ फॉरेस्ट। तो यू माइट बी सरप्राइज, आइला जादू कैसे कि एक समय पर जंगल थे और आज राइस प्रोड्यूसिंग एरिया के नाम से जाना जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा ऐसे हो सकता है कि पहले जो एरिया पूरा का पूरा क्या था, जंगल में, जंगल के नीचे दबा हुआ था, उस पूरे एरिया के जंगलों को साफ कर दिया, जंगलों को साफ करते गए और क्या बना दिया, जंगलों को साफ करते गए और वहां पे आपको ये देखने को मिलता है कि जंगल साफ होते चले गए तो एग्रीकल्चरल लैंड क्लियर होता चले गया और उस एग्रीकल्चरल लैंड पे खेती करना शुरू कर दी, ठीक है। तो टुडे जावा इज फेमस एज अ राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन इंडोनेशिया, बट वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज कवर्ड मोस्टली विथ फॉरेस्ट। डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन जावा, और डच जो थे ना, तो ये नीदरलैंड के जो लोग थे उन्होंने, जैसे इंडिया में आप देख रहे हो कि इंडिया में डेट्रिक ब्रैंडिस ने आके क्या किया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया, वैसे ही यहां पे डच रूलर्स जो थे तो दे स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। क्यों? अगेन कहानी बड़ी सिंपल थी, उन्हें टिम्बर चाहिए थे, उनकी उन्हें भी उनकी रॉयल नेवी बनाना था, ठीक। तो आप यहां पे कॉमन पैटर्न क्या देखोगे कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इन हिस्ट्री जस्ट द फैक्ट फिगर टाइम एंड द इंडिविजुअल्स चेंजेस बट हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न। तो वही ये भी हुआ है कि यहां पे भी जो कॉलोनियल पावर्स आए तो उनका भी वही ऑब्जेक्टिव था कि जंगल में से मैक्सिमम लकड़ियां हम ले सके, और मैक्सिमम लकड़ियां लेने के चक्कर में वो क्या करते थे, मैक्सिमम लकड़ियां लेने के चक्कर में उन्होंने फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया जावा में, ठीक है। सिमिलर थिंग, तो दे स्टार्टेड टेकिंग आउट द टिम्बर फॉर शिप बिल्डिंग, ये कदम इन्होंने उठाए। अब जब उन्होंने, अब जैसे आप देखोगे तो इंडिया के केस में भी क्या है,
कि जब फॉरेस्ट मैनेजमेंट या फिर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इंट्रोड्यूस किया गया, फॉरेस्ट लॉज आए, तो जो वहां के लोकलाइट्स थे, जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज थी, उन्हें सफर करना पड़ता था। वैसे ही आप देखोगे तो जावा में भी क्या है, जावा में भी वुडकटर्स थे और वो वुडकटर्स की कम्युनिटी का नाम था कलंग्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कलंग्स कौन है? तो कलंग्स वर द स्किल्ड कम्युनिटी, द कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स ऑफ जावा। मतलब ये वहां की फॉरेस्ट सोसाइटी है जावा की। ठीक है, स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स थे जो पेड़ काटने में बहुत माहिर होते थे, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे। अब क्या हो रहा है, तो देव कलंग्स वर दी वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी इन, इतने इंपॉर्टेंट थे कि इनकी सिग्निफिकेंस समझना कि 1755 में जब माताराम किंगडम, माताराम किंगडम क्या है, तो वो वहां की इंडोनेशिया की इंडिजीनियस किंगडम जो थी जावा आइलैंड पे, जो रूलर्स थे ना। अब क्या होता है, घर बंटवारा तो होते ही हर परिवार में होता है, तो वहां पे भी जो किंगडम डिवाइड हुई, तो माताराम किंगडम जब डिवाइड हुई तो 6000 कलंग फैमिली रहती थी पूरी किंगडम में। तो डिवीजन में आदमी क्या करता है, एसेट्स का डिवीजन करता है कि हाँ चार घर तुम्हारे, चार घर हमारे, इस टाइप से। लेकिन यहाँ पे जब माताराम किंगडम का स्प्लिट हुआ तो वहां पे क्या देखने को मिलता है कि 6000 कलंग फैमिलीज जो रहती थी माताराम किंगडम में, तो ये इतने इंपॉर्टेंट कम्युनिटी थी कि 6000 को बराबर बराबर दोनों किंगडम में बांटा गया 3000। क्यों? क्योंकि इनकी जरूरत रहती थी। अब जब इतने इंपॉर्टेंट थे, दे हैड द एक्सपर्टीज इन हार्वेस्टिंग टीक, किंग्स कैन नॉट बिल्ड देयर पैलेसेस विदाउट देम, और ये इतने इंपॉर्टेंट थे कि राजाओं को अपना महल बनाना है तो महल कलंग कम्युनिटी के बिना नहीं बन सकता था। देवर दी स्किल्ड कल्टिवेटर्स ऑफ टीक, फॉरेस्ट कटर्स थे, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे, तो इनकी सिग्निफिकेंस बहुत थी। ठीक है, अब ये इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम, देखो तो दी वुडकटर्स ऑफ जावा के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब कॉलोनियल पीरियड आया, जब डच रूल स्टार्ट हो गया जावा के ऊपर, तो वहां पे जो डच थे ना, डच ऑफिशियल्स जो थे, तो दे ट्राइड टू मेक कलंग वर्क अंडर देम। डच ऑफिशियल्स ये चाहते थे कलंग उनके अंडर में काम करें। अब कलंग ने क्या बोल दिया कि हम किसी के गुलाम थोड़ी ना है, ठीक है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में हम तुम्हारे लिए काम क्यों करें। ठीक है, तो इनफैक्ट व्हेन दे वर फोर्स्ड टू वर्क अंडर द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन 1770, कलंग्स रेजिस्टेड बाय अटैकिंग अ डच फोर्ट एट जोहान। ठीक है, नहीं जोहान नहीं है, जोना। तो क्या हुआ कि जब कलंग्स को जबरदस्ती क्या किया गया, काम करवाया गया किसके अंडर में, जब कलंग्स को जबरदस्ती काम करवाया गया डच फॉरेस्टर्स, डच ऑफिसर्स के द्वारा, तो दे अटैक्ड ऑन द डच फोर्ट एट जोना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया, बट द अपराइजिंग वॉज सप्रेस्ड। अब लेकिन अब दिखती बात है, जैसे ब्रिटिश इंडिया में पावरफुल थे, वैसे ही डच जावा में पावरफुल थे, तो उन्होंने इस अपराइजिंग को सप्रेस कर दिया। तो लेकिन आपको यह बताया जा रहा है कि वहां पे जो फॉरेस्ट सोसाइटी थी, जो जो कि कॉलोनियल रूल में ज्यादा कॉलोनियलिज्म के चलते ज्यादा अफेक्ट हुए थे, वो कौन थे, कलंग्स थे। हु वर दी कलंग्स, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वर दी इशू एसोसिएटेड विद देम, व्हाई दे वर सो इंपॉर्टेंट, क्लियर हुआ हाउ दे वर अफेक्टेड विद दी कॉलोनियलिज्म, विद दी कॉलोनियल रूल्स। कलंग्स के बारे में एक छोटे से पैराग्राफ में एक सिंपल चीज बताई गई है। फिर क्या हो रहा है आगे, अब ये तो तय था कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट लॉज वगैरह रूल्स वगैरह ले आए थे वहां पे डच ऑफिशियल्स, और उन्होंने इस पूरे पार्ट पे कब्जा कर लिया था जावा के, और वो अब अपने हिसाब से टिम्बर्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो डच ने भी क्या किया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इंट्रोड्यूस करी। तो डच इनेक्टेड फॉरेस्ट लॉज इन जावा, जब जावा पे कब्जा कर लिया उन्होंने, तो डच कॉलोनियल ऑफिसर्स जो थे उन लोगों ने भी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इंट्रोड्यूस करी, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज वगैरह इंट्रोड्यूस करे। अब जब उन्होंने फॉरेस्ट लॉज इंट्रोड्यूस किए, तो फॉरेस्ट लॉ में क्या किया उन्होंने, दे स्टार्टेड रिस्ट्रिक्टिंग विलेजर्स एक्सेस टू फॉरेस्ट। विलेजर्स एक्सेस टू फॉरेस्ट मतलब क्या है, उन्होंने ये बोल दिया कि विलेजर्स जो है अब कहां नहीं जा सकते हैं, जंगलों में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जंगलों में नहीं जा सकते, पेड़ नहीं काटेंगे, कटिंग ऑफ वुड वॉज स्पेसिफाइड। उनसे बोल दिया कि सिर्फ तुम क्या है, नाव बनाने के लिए और घर बनाने के लिए ही लकड़ी काट सकते हो, तो इसके अलावा सर लकड़ी खाने के लिए तो काटेंगे नहीं, लेकिन और भी जो जरूरतें थी, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि अब तुम ज्यादा पेड़ नहीं काटोगे, इस तरह से। क्लियर हुआ, इट वॉज अलाउड फ्रॉम स्पेसिफिक फॉरेस्ट एंड अंडर सुपरविजन। पेड़ काटने के लिए भी ऐसा नहीं कि जो अच्छी क्वालिटी का टिम्बर है वो काटने दिया जाएगा, ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया यहां से जितना काटने लकड़ी वगैरह वो काट लो, और अंडर सुपरविजन हम ऑफिसर्स जो है डच ऑफिसर्स वो देखेंगे कि तुम क्या काट रहे हो। ठीक है, तो विलेजर्स वर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल्स इन यंग स्टैंड। तो जो छोटे छोटे सैपलिंग्स होते हैं, पौधे जो भविष्य में जाके बड़े पेड़ बनेंगे, तो वहां पे क्या ग्रेजिंग नहीं करने दिया जाता था, ट्रांसपोर्टिंग वुड्स विदाउट परमिट, बिना परमिट के वुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करने जाता था, ट्रैवलिंग ऑन द फॉरेस्ट रोड विद हॉर्स कार्ट्स और कैटल, क्या भरोसा तुम लकड़ी भर के ले जाओ, तो इसमें तो इस तरह से क्या है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए। अब मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, क्या बोलूंगा, जरा रिकॉल करो, क्या रिकॉल करो, ठीक है, याद करो करण अर्जुन वाले मोड पर जाके पीछे चीजों को, तो आपको समझ में आएगा कि यही सारा केस तो इंडिया में भी था, कि जब इंडिया में फॉरेस्ट लॉज आए,
फॉरेस्ट लॉज आए तो उसके चलते ऐसे ही रिस्ट्रिक्शंस कि विलेजर्स वर नॉट अलाउड टू मूव इनटू द फॉरेस्ट, टाइप ऑफ फॉरेस्ट वर रिजर्व्ड, है ना। तो हिस्ट्री इज मूविंग इन अ पैटर्न, वही चीज, वही सारे अत्याचार जो है यहां पे आपको जावा में भी देखने को मिल रहे हैं। जावा की जो फॉरेस्ट सोसाइटी थी उसको भी वही सब कुछ सफर करना पड़ा, ठीक है, वही सबको सफर करना पड़ा। फॉरेस्ट सर्विसेज यहां भी इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है। फॉरेस्ट सर्विसेज का काम क्या था, फॉरेस्ट को मैनेज करें ताकि शिप बिल्डिंग और रेलवे के लिए वो जो ऑफिसर्स हैं डच ऑफिसर, वो ज्यादा से ज्यादा टिम्बर निकाल सके जावा के जंगलों से, समझ गए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट सर्विसेज इंट्रोड्यूस की गई है। ध्यान रखना, तो हाउ द डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वॉज सिमिलर टू द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो बोथ द थिंग्स वर सेम, बस ये जो भी हो रहा है वो जावा में हो रहा है, वो जो भी हो रहा था इंडिया में हो रहा है, क्लियर हुआ। तो ध्यान रखना, हाउएवर ऑब्टेनिंग टिम्बर रिक्वायर्ड लेबर। अब लेकिन समस्या थी, हम क्या समस्या थी, ये पॉइंट समझना अच्छे से, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरह से साइंटिफिक फॉरेस्ट इंट्रोड्यूस कर दिए, लोगों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ये सारी चीजें तो कर दी है, लेकिन समस्या ये थी कि पेड़, अगर जैसे आपको टिम्बर चाहिए ना, तो टिम्बर सिर्फ टिम्बर चाह लेने से टिम्बर चल के आपके पास नहीं आ जाएगा, आपको लेबर चाहिए रहेगा जो पेड़ों को काटे, जो उन पेड़ों को काटने के बाद में क्या करें, आपको लेबर चाहिए रहेगा जो पेड़ों को काटे, पेड़ों को काटने के बाद में एक तरह से क्या करें, सारी चीजों को जो पूरे वो रहेंगे उनको एक जगह दूसरे का ट्रांसपोर्ट करवाए, मैनेज करे सारी चीजें। और अब ऐसा तो है नहीं कि डच ऑफिशियल्स जो है तो वो डच ऑफिशियल्स से खुद हथियार उठा के पेड़ काटना चालू कर देंगे, ठीक है, उन्हें इतना आता तो फिर क्या ही बात थी। तो इस केस में क्या है, दे रिक्वायर्ड लेबर टू कट ट्रीज, ट्रांसपोर्ट द लॉग्स, प्रिपेयर्ड द स्लीपर्स। तो अब ये कैसे किया जाए, सवाल ये था कि ये कैसे किया जाए। तो देयरफॉर डच फर्स्ट इंपोज्ड लैंड, नहीं, देयरफॉर डच फर्स्ट इंपोज्ड रेंट ऑन लैंड बीइंग कल्टीवेटेड। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि लोग खेती कर रहे हैं इनके ऊपर टैक्स लगाओ, टैक्स लगाएंगे तो इन्हें पैसे देना पड़ेंगे, ठीक है। अब पैसे देना पड़ेंगे तो पैसे कहां से लाएंगे, फाइन, तो उसके चलते क्या होगा, हम कुछ लोगों को बोल देंगे कि तुम्हें टैक्स नहीं देना है, देन दे एग्जेम्प्टेड सम विलेजेस फ्रॉम दीज रेंटल्स। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, कि इन्हें लेबर चाहिए डच ऑफिशियल्स को, जो लेबर क्या कर सके उनके लिए लकड़ी साफ करना, काटना, पीटना, ये काम कर सके, ठीक है। अब वो लेबर कहां से मिलेगी, तो लेबर की व्यवस्था उन्होंने कैसे करी, कि सबसे पहले ऑफिसर्स ने रेंट लगा दिया कल्टीवेशन पे। अब रेंट लगा दिया, सबको रेंट देना पड़ रहा, सबको टैक्स देना पड़ रहा एक तरह से, और फिर उन्होंने क्या किया, उन्हीं ने कुछ विलेजेस के ऊपर से टैक्स हटा दिया, रेंट हटा दिया, कि बोल दिया नहीं नहीं तुम रेंट मत दो। वो विलेजर सोच रहे कि हमारे ऊपर मेहरबान क्यों हो रहे इतना, तो उसके पीछे कहानी ये थी क्या, कि तुम्हें रेंट नहीं देना है सिर्फ एक कंडीशन पे, वो एक कंडीशन क्या होगी, वो एक कंडीशन होगी ऑन द कंडीशन दैट दीज विलेजेस वर्क्ड कलेक्टिवली टू प्रोवाइड फ्री लेबर्स एंड बफेलोज फॉर कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर्स। देख रहे हो ना, यहां पे विनोद देखो जरा समझो क्या हो रहा है, डच कॉलोनियल ऑफिसर्स वर लाइक दिस इज बिजनेस, क्या उन्होंने सीधा सा गणित खेला कि हमें लेबर चाहिए रहेगा तो लेबर के लिए हम क्या करेंगे, इन लोगों के ऊपर पहले रेंट लगाते हैं, कुछ लोगों को बोल देंगे तुम्हें रेंट नहीं देना है, और तुम्हें रेंट क्यों नहीं देना है, बर्थडे में नहीं आए हो हमारे, तुम्हें रेंट इसलिए नहीं देना है क्या, कि तुम बदले में क्या करो, हमारे लिए काम करो, कलेक्टिवली तुम हमारे लिए क्या काम करो, फ्री लेबर्स का काम करो, कि हम तुम्हें खेती करने देंगे, तुमसे रेंट लेंगे, लेकिन तुम्हें बदले में आके हमारे लिए पेड़ वेड़ काटना होगा, हमें फ्री लेबर प्रोवाइड करना होगा। वॉज दिस द केस इन इंडिया, जी हाँ, इंडिया में भी होता था, कुछ लोगों को क्या बोलते थे कि फ्री लेबर प्रोवाइड करो, ठीक है, तो फ्री लेबर प्रोवाइड करना पड़ेगा, और उनकी बफेलोज को बुलाया जाता था, क्यों, बफेलोज भी पेड़ काटती थी क्या, नहीं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि जो ढो के ले जाना है लकड़ियां जो काटी हुई है, तो बफेलोज दे हैव टू प्रोवाइड फ्री लेबर्स एंड बफेलोज फॉर कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर्स। और ये जो पूरा सिस्टम था फ्री लेबर का, ठीक है, तो दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री लेबर्स वॉज नोन एज ब्लैंगडोंग डिंगस्टन, ठीक है, तो ब्लैंगडोंग डिंगस्टन सिस्टम के नाम से जाना जाता था ये सिस्टम, ठीक है। अब सवाल क्या बनता है, एक्सप्लेन दी सिस्टम ऑफ ब्लैंगडोंग डिंगस्टन। अब ब्लैंगडोंग डिंगस्टन सिस्टम क्या था, तो आप ये पूरी कहानी लिख देंगे, क्या, कि ब्रिटिश जो डच ऑफिशियल्स थे, दे रिक्वायर्ड लेबर टू कट द ट्रीज एंड टू ट्रांसपोर्ट द लॉग्स प्रिपेयर्ड बाय द स्लीपर्स, देयरफॉर व्हाट डिड दे डू, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, दे फर्स्ट इंपोज द रेंट, देन दे एग्जेम्प्टेड सम विलेजर्स फ्रॉम दीज रेंट्स, और फिर उसके बाद में दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या रखी, दूसरी कंडीशन ये रखी कि बदले में उन्हें क्या करना पड़ेगा, रेंट नहीं देना है, लेकिन रेंट ना देने के बदले में फ्री लेबर और बफेलो प्रोवाइड करना पड़ेगा। और दिस सिस्टम, ठीक है, फ्री लेबर प्रोवाइड करने का सिस्टम जो डच ने इंट्रोड्यूस किया था जावा में, वो क्या कहलाया, ब्लैंगडोंग डिंगस्टन सिस्टम, ठीक है। तो दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री लेबर वॉज नोन एज ब्लैंगडोंग डिंगस्टन। लेटर ऑन दे वर गिवन स्मॉल वेजेस बट राइट टू कल्टिवेट वॉज रिस्ट्रिक्टेड। बाद में लेकिन उन्हें क्या कर दिया गया, छोटे छोटे मतलब कुछ कुछ पैसे वेजेस के फॉर्म में दिए गए, लेकिन राइट टू कल्टिवेट वॉज रिस्ट्रिक्टेड। कल्टिवेट टू रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या है, कि खेती वगैरह को रिस्ट्रिक्ट करके रखा था, कि ऐसा ना हो कि लोग जो है खूब पैसा कमाने लगे तो वो हमारे लिए फ्री लेबर का काम ही ना करें, फिर
ठीक है, तो इसके लिए क्या है, लेबर अपना इंश्योर करने के लिए उन्होंने ये पूरा तामझाम किया था। फाइन, तो समझ में आया ना, डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है, प्लैंगडॉन रिंगस्टीन सिस्टम क्या है, वो कहानी पूरी ध्यान रखना, किसी भी तरह से सवाल बन के आए तो सवाल के लिए तैयार रहना, तत्पर रहना। आगे अगर बढ़े एक कदम, तो यहां पे लेकिन इस पूरे सिस्टम को, जहां पे जो कि दिख रहा था क्लियरली अत्याचार कर रहे हैं डच लोग, इस पूरे सिस्टम को समिन ने चैलेंज किया, और वही क्या कहलाया, समिन्स चैलेंज कहलाया। तो सुरंतिको समिन, ठीक है, सुरंतिको समिन कौन थे ये, अब ये समझो, तो ही वॉज द इंडिविजुअल हु लिव्ड इन दी रंदुबलंगतुंग, ठीक है, रंदुबलंगतुंग विलेज हैविंग टीक फॉरेस्ट, जावा के ही एक गांव में, उस गांव का नाम था रंदुबलंगतुंग, ठीक है, तो इस गांव में वो रहते थे। He began questioning the state ownership of forest. उन्होंने सवाल उठाया सबसे पहले, बोला कि जंगलों पर कब्जा ये जो बाहर से डच ऑफिशियल्स आए इन्हें कैसे कर लिया, जंगल इनके तो है नहीं, हमारे भी नहीं है, तो तुम्हारे भी नहीं है, तुम्हें किसने हक दिया कि तुम जंगलों को अपना जंगल बता दो और हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हो, हमें नहीं काटने दे रहे हो, ठीक है। तो ही बिगेन क्वेश्चनिंग द स्टेट ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब क्योंकि उस समय तक सरकार किसकी बन गई थी, उस समय तक सरकार जैसे देखोगे तो डच गवर्नमेंट थी वहां, तो समिन जो थे सुरंत को समिन, ही चैलेंज द स्टेट ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट, उन्होंने कहा कि हाउ द स्टेट गवर्नमेंट गॉट द पावर टू क्लेम द ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट, ये जो जंगल है उनका आर्ग्यूमेंट क्या था, हिज आर्ग्यूमेंट वॉज दैट द विंड वॉटर अर्थ एंड वुड वॉज नॉट क्रिएटेड बाय स्टेट, उनका ये कहना था कि जब ये हवा, ये पानी, ये जमीन, ये जंगल तुमने बनाया ही नहीं है, तो तुम उस पर क्लेम कैसे कर सकते हो कि ये तुम्हारा है, समझे, जब तुमने बनाया ही नहीं है तो उस पर क्लेम कैसे कर सकते हो कि ये तुम्हारा है, therefore state should not own it, ठीक है, और इसी का चलते state जो है, सरकार जो है, तो सरकार को इन सारी चीजों पे अधिकार जताने का भी कोई हक नहीं है, सही बात है, बात तो सही बोली, ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने। तो soon his idea turned into a widespread movement, ठीक है, and this was done by his son-in-laws, तो इनके जो दामाद थे सुरंतिको समिन के, उन्होंने इस आइडिया को पूरे जावा में फैलाया, और इस तरह से क्या है, ये आइडिया जो एक आइडियोलॉजी में कन्वर्ट हो गया, ये समिन्स चैलेंज कहलाया। What was Samin's challenge? Who was Surantiko Samin? इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो Surantiko Samin रंदुबलंगतुंग गांव में रहने वाले इंडिविजुअल थे जिन्होंने ये क्वेश्चन किया स्टेट ओनरशिप को, और उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि when these things were not created by the state, so how can the state or the government claim these things? और उनके आइडिया को जब फॉलो किया तो Saminists protested by lying down on their land when the Dutch came to survey it, while other refused to pay taxes or fines और परफॉर्म लेबर। तो इस तरह से क्या है कि जो समिनिस्ट थे, जो समिन के आइडियोलॉजी में विश्वास रखते थे, उन लोग क्या करते थे, लेट जाते थे जमीन पे जब सर्वे करने के लिए आते थे कि मेरी छाती पे से निकल के जाना पड़ेगा, उस टाइप से, ठीक है। अगली चीज क्या है, टैक्स वगैरह नहीं देते थे, ये सारा सब कुछ आपको देखने को मिलता है। तो बाय 1907 3000 फैमिलीज वर फॉलोइंग हिज आइडिया, तो 1907 तक क्या हो रहा है कि 3000 परिवार जो है सुरंतिको समिन के इस आइडिया को फॉलो कर रहे थे। समिन्स चैलेंज क्या था, जहां पे सुरंतिको समिन ने सीधे स्टेट की आंखों में आंखें डाल के चैलेंज कर दिया कि यू कैन नॉट क्लेम ऑन दीज नेचुरल रिसोर्सेज। समझ में आया, तो डच फॉरेस्ट्री, समिन्स चैलेंज, ब्लैंगडॉन्ग रिंगस्टीन सिस्टम, वुडकटर्स ऑफ जावा जो कलंस थे, इतने सारे टॉपिक क्लियर हुए, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। आगे अगर बढ़े तो वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन। अब देखो, जावा जो है इंडोनेशिया का जो पार्ट है, इट वॉज द एरिया कॉलोनाइज बाय द डच। अब जब वॉर होता है ना, तो वॉर के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ। वॉर कौन सा वॉर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये जो वॉर्स हुए, तो इन वॉर्स में बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है, ठीक है। तो हाउ दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड टू द डिफॉरेस्टेशन इन जावा, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो वॉर से डिफॉरेस्टेशन कैसे हुआ, वो कहानी समझो अब जरा। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर हैड अ मेजर इंपैक्ट ऑन फॉरेस्ट। सवाल है हाउ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर से बहुत भारी नुकसान हुआ जंगलों को। जंगल, अब आप बोलोगे सर पेड़ कब से लड़ने जाने लगे लड़ाइयों में, तो पेड़ लड़ने नहीं गए थे मतलब वॉर में, लेकिन फिर भी नुकसान कैसे हुआ वो मैं समझाता हूं। तो इंडिया में जिसे आप केस देखोगे, तो इंडिया में क्या है, कटिंग ऑफ ट्रीज, अबेंडनिंग ऑफ वर्किंग प्लान टू मीट द वॉर नीड। अब वॉर नीड में क्या, देखो उस समय पर जैसे लड़ाइयां लड़ी जा रही है, तो मैंने बताया कि उस समय पर जैसे शिप वगैरह जो बनते थे लकड़ी से बनते थे, क्लियर हुआ। तो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है कि वॉर नीड जो है, तो वॉर नीड्स को पूरा करने के लिए जो उनका प्लान रहता था ना, कैसा प्लान रहता था कि इतने पेड़ पहले बड़े होंगे फिर ये वाले काटेंगे, जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पे पूरा प्लान बनाते थे ना, जो डेट्रिक ब्रेंडीज आए थे उन्होंने डिफाइन किया था कि कितने एरिया को प्लांट करेंगे, कितने एरिया को काटेंगे। तो अब जब वॉर नीड पूरा करना है, तो उन्होंने बोला कि प्लान को डालो चूल्हे में, फटाफट क्या करते हैं, पेड़ काटते हैं ताकि हमारी नीड, वॉर नीड्स पूरी हो सके। तो वही चीज यहां पे समझाना कि वॉर के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ। तो एज इन द केस ऑफ इंडिया, ट्रीज वर कट ऑन अ लार्ज स्केल, अबेंडनिंग द वर्किंग प्लान, तो जो प्लान बनाया था उन्होंने वही प्लान को ताक पर बिठाया और पेड़ अंधाधुंध काटे गए, ठीक है, ताकि वॉर नीड्स पूरी हो सके।
ठीक वैसे ही अगर आप जावा में केस देखोगे तो व्हाट वाज द केस इन जावा, तो एज द जापानीज वर गोइंग टू ऑक्यूपाई द रीजन डच फॉलोड द स्क्रॉस्ड अर्थ पॉलिसी। ये स्क्रॉस्ड अर्थ पॉलिसी क्या है वो समझा रहा हूं, ये जापानीज कहां से आ गए जावा में सर कुछ समझ नहीं आ रहा, डर लग रहा है, डरो मत समझाता हूं। देखो क्या है, तो वॉर के टाइम पीरियड में डिफॉरेस्टेशन कैसे हुआ, तो इन जनरल मैंने आपको बताया कि लड़ाई के समय पे सारे वर्किंग प्लान वगैरह सब भूल जाया करते थे, लेकिन स्पेसिफिकली इंडोनेशिया की अगर बात करें तो जैसे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जावा का जो आइलैंड है, ठीक है, सुमात्रा का जो आइलैंड है, ये बोर्नियो वगैरह जैसे अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये जापान है, किधर गया ये जापान, ठीक है ये जापान है। तो जापान क्या करता फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, आपको एक चीज बताऊं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जैसे अगर आप देखेंगे तो जापान जो है तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का ही वो दिया गया है, जापानीज फोर्सेज जो थी, जापानीज फोर्सेज वर सिटिंग ओवर हियर, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जापानीज फोर्सेज आ गई थी, ठीक है कब तक 1942 तक, ठीक है 1942 तक क्या हो रहा था, इतना पूरा एरिया जो है जापानीज फोर्सेज ने कब्जा कर लिया था, मतलब आप देखो ये पूरे रीजन में जापान ही जापान दिख रहा है आपको, पिंक और जो व्हाइट कलर दिख रहा है, ठीक है। तो अब जापान ने क्या कर लिया था, जापान ने जावा में भी हमला कर दिया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर का केस बता रहा हूं। अभी जावा में कौन रूल कर रहा था जापान के घुसने के पहले, डच, ठीक है, नीदरलैंड के रूलर्स यहाँ पे कॉलोनी बना के बैठे थे। अब लेकिन क्या है कि जब जापानीज फोर्सेस घुसना शुरू करती है जावा में, अच्छे से समझना कंफ्यूज मत होना, तो वर्ल्ड वॉर चल रहा है ना, तो मार रहे पीट रहे सब एक दूसरे को, तो क्या हो रहा है कि जब जापानीज फोर्सेस एंटर करती है कहां पे, जावा के आइलैंड्स में, तो यहां आपको यह देखने को मिलता है कि जो पहले से लोग थे कौन थे, डच ऑफिशियल्स, डच ऑफिशियल्स को यह डर लगा कि यार जापानीज फोर्सेस आ रही है, तो मतलब ऐसा कभी कभी ऐसा होता है ना कि किरण तुम मेरी नहीं हो सकी तो तुम किसी की नहीं हो सकती हो, तो वही यहां पे भी हुआ केस। क्या केस हुआ कि यहां जो पहले से डच फोर्सेस थी, उन डच फोर्सेस ने सोचा कि हमने जो इतने सारे पेड़ काटे हैं, इनके स्लीपर बनाए, इनके लॉग्स बनाए, ये सबका एडवांटेज तो अब जापानीज लोगों को मिल जाएगा, मतलब उन्हें तो एक तरह से ट्रेजर हंट मिल गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला डच गवर्नमेंट ने कि ना हमारा हो सका तो किसी का नहीं हो सकता, तो उसके चलते उन्होंने क्या कर दिया कि जितने भी उन्होंने लकड़ियां वगैरह संभाल के रखी थी सबको जला दिया, ठीक है सबको जला दिया, समझ रहे हो। तो ये किस केस समझना है आपको कि जापानीज एज द जापानीज वर गोइंग टू ऑक्यूपाई द रीजन, तो जो डच ऑफिशियल्स थे दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ स्क्रॉस्ड अर्थ। स्क्रॉस्ड अर्थ की पॉलिसी क्या कहती है देखो, तो डच कॉलोनियल ऑफिसर्स डिस्ट्रॉयड सॉ मिल्स एंड बर्नड ह्यूज पाइल्स ऑफ जायंट टीक लॉग्स। तो जो सॉ मिल्स थी जहां पर लकड़ी से स्लीपर, लकड़ी काट काट के स्लीपर बना रहे थे, जो उन्होंने सॉ मिल पूरी मैनेज करी थी, जो ह्यूज पाइल्स इकट्ठे किए थे उन्होंने पूरे के पूरे, क्या है जैसे बहुत सारे उन्होंने क्या है बहुत सारे उन्होंने जाइंट टीक लॉग्स वगैरह इकट्ठे करके रखे थे, उस सबको जलाना चालू कर दिया डच कॉलोनियल ऑफिसर्स ने। क्यों जलाना चालू कर दिया, सिंपल सा केस है, सो दैट द जापानीज डिडंट गेट दिस, मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं उस टाइप से, ठीक है। तो जापानीज जो थे, जापानीज लोगों को ना मिल पाए इस कारण से उन्होंने क्या कर दिया, जलाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो एट द सेम टाइम जापानीज ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट रेकलेसली फॉर वॉर इंडस्ट्रीज, और जापानीज ने भी अपना घात लगा ही लिया था, उन्होंने सोचा कि अब अपना देश तो है नहीं, तो उन्होंने भी अंधाधुंध तरीके से जितने खड़े हुए पेड़ थे उनको काटना चालू कर दिया। तो वॉर के कारण कितना डिफॉरेस्टेशन हुआ वो समझा रहे हैं। हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर लेड टू द डिफॉरेस्टेशन, जापानीज इन्वेशन से कैसे डिफॉरेस्टेशन हुआ, समझ में आया। तो जापानीज फोर्सेस जब अंदर घुस गई जावा में तो उन्होंने देखा कि इन्होंने तो जला ही दिया जो इकट्ठा किया था, अब जो बचे हैं जो खड़े हुए पेड़ उनको काटो, अपनी जरूरतें तो पूरी करना है ना। तो इस तरह से वॉर के शेडो में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। और अब आप बोलोगे क्या कि अब जैसे अब क्या हो गया कि डच चले गए, जापानीज पूरी तरह से आए नहीं है, तो अब क्या हो रहा, कोई सरकार नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो इसके चलते एक वैक्यूम ऑफ पावर क्रिएट हुआ कि मतलब अभी कोई सरकार है ही नहीं। दो मिनट के अगर सोच लो, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो, कोई देखने वाला ना हो, कोई सरकार ना हो, कोई पुलिस ना हो, तो लोग क्या करेंगे, जो पावरफुल होंगे, जो लोग अपने पड़ोसी कमजोर होंगे उनके ऊपर कब्जा करना चालू कर देंगे, सारी चीजें अराजकता फैल जाएगी ना। तो वही यहाँ पे हुआ कि जब कोई था नहीं, डच चले गए, जापानीज आए नहीं पूरी तरीके से, तो जो विलेजर्स थे ना, विलेजर्स ने इस अपॉर्चुनिटी को अपनी कल्टीवेशन लैंड एक्सपेंड करने का मौका पाया। क्यों, उन्होंने बोला जंगल खड़े काटते चलो जंगल को और इसको अपना खेत बनाओ, ठीक है। तो देख लो वॉर की शेडो में कितना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ, ठीक है। तो जब डच भाग के जा रहे थे, जापानीज आए नहीं थे, तो विलेजर्स ने सोचा कि मौका है, चौका मार लो, तो उन्होंने जंगलों को काट काट के अपनी कल्टीवेबल लैंड बढ़ा ली, ठीक है, क्योंकि उस पर खेती कर लेंगे, तो उन्होंने जंगल साफ करते चले गए वो भी, ठीक है। सब मिलके क्या कर रहे थे, जंगल काट रहे थे बस, ठीक। तो व्हाट वाज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डूइंग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था ही नहीं, ठेंगा, क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट जब डच ऑफिशियल्स नहीं बचे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहां रह जाएगा। सो दिस ऑल लेड टू द ह्यूज डिफॉरेस्टेशन, इन सारे फैक्टर्स के चलते आपको देखने को मिलता है कि अल्टीमेटली पे किसको करना पड़ा, जंगलों को, वो जो बेचारे पेड़ खड़े हुए थे, तो देवर लाइक
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ठीक है, वो वाला केस था यहाँ पे, समझ में आया। तो दिस वॉज स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी। स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर से कैसे डिफॉरेस्टेशन हुआ, वो सारे पॉइंट्स समझ में आया, वो सारे पॉइंट्स लिख दिए। अब लास्ट टॉपिक जो है चैप्टर का, ठीक है, सब टॉपिक जो और है वो क्या है, न्यू डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट्री। अब आपने जैसे देखा तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इंट्रोड्यूस करी अलग अलग कंट्रीज में कॉलोनियल गवर्नमेंट्स ने, लेकिन उन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री से ज्यादा कुछ मिला नहीं, उल्टा आपको देखने को मिला कि पीपल स्टार्टेड रेबेलिंग, रेबेलियंस इन फॉरेस्ट देखने को मिले आपको, चाहे वो जावा की बात कर लो चाहे आप इंडिया की बात कर लो, ठीक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द होल चैप्टर, तो पूरे चैप्टर में आपने ये देखा कि जंगलों को बचाया नहीं गया, हर केस में क्या हुआ, कॉलोनियलिज्म ने फॉरेस्ट सोसाइटी को इफेक्ट किया और जंगलों को इफेक्ट किया, ठीक है। तो सवाल ये है कि हाउ शुड वन कंजर्व द फॉरेस्ट, तो जंगलों को फिर कंजर्व कैसे करेंगे, सब अपने अपने स्वार्थ, सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, ठीक है। तो जंगलों के बारे में कौन सोचेगा, तो सिंस 1980s गवर्नमेंट अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका रियलाइज द कंफ्लिक्ट इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, समझ में आया कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री से कुछ होना जाना नहीं है, ठीक है, उल्टा क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और एज सच कोई मेजर अचीवमेंट साथ लग नहीं रहे हैं। तो देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रेदर देन कलेक्टिंग टिम्बर हैज बिकम अ मोर इंपॉर्टेंट गोल। तो फिर लोगों को समझ में आया कि कंजर्वेशन ज्यादा जरूरी है टिम्बर कलेक्ट करने से, क्योंकि टिम्बर कलेक्ट करके आप कितना ही ग्रो कर लोगे, लेकिन अगर फॉरेस्ट नहीं रहे तो एक टाइम पे इकोलॉजिकल क्राइसिस पर आना शुरू हो गए थे, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आपको देखने को मिल रहे हैं, समस्याएं प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, चेंजिंग एनवायरमेंट, चेंजिंग क्लाइमेट, ये सारी चीजें। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बिकेम द सेंट्रल इशू, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रेदर देन कलेक्टिंग टिम्बर हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फिर क्या होता है, पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट मस्ट बी इंक्लूडेड इन कंजर्वेशन, इसी के चलते जो लोग जंगलों के आसपास रहते हैं उन्हीं लोगों को क्या किया जाए, कंजर्वेशन प्लान में इंक्लूड किया जाए, इस चीज का आइडिया दिया गया। तो पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट मस्ट बी इंक्लूडेड इन कंजर्वेशन, एंड व्हाई वाज दिस इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज समझ आ रही थी क्या, कि जो लोग जंगलों के आसपास रहते हैं तो पीपल वर ऑलरेडी प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट इन द नेम ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स। सैक्रेड ग्रुप्स का मैं आपको आइडिया समझाता हूँ। सैक्रेड ग्रुप्स ऐसा होता है, जैसे हम क्या है, हम बनियन ट्री की पूजा करते हैं, हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, तो आप क्योंकि पूजा करते हैं तो चाहे आदमी डर के सैक्रेड क्वालिटीज अटैच करके क्या करता है, उस पेड़ को काटता नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाता, उल्टा क्या करता है, उसको पूज नहीं समझ के उसको प्रिजर्व करता है, कंजर्व करता है। तो यहां पे एक चीज समझ में आएगी, कंजर्वेशन में आपको लोगों को दूर नहीं करना है, इनफैक्ट जो लोग जंगलों के आसपास रह रहे हैं उन्हें आप इंक्लूड करो, क्यों, क्योंकि वो ही तो कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। विलेज पेट्रोलिंग देयर ओन फॉरेस्ट, तो आप जैसे ऐसे एग्जांपल देखने को मिलते हैं जहां पे क्या है, गांव के लोग जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उल्टा क्या है, वही जंगलों को प्रोटेक्ट करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं कि कोई पेड़ काट के ना ले जाए, फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन वाज द न्यू आइडिया विच कुड हेल्प अस टू कंजर्व द फॉरेस्ट, ठीक है, बिकॉज इन मेनी केसेस लोकल कम्युनिटीज कंट्रीब्यूटेड इन अलॉट इन कंजर्वेशन, एंड हियर आर द एग्जांपल्स। तो सेक्रेट ग्रुप्स की बात कर लो, या फिर लोग जो पेट्रोल कर रहे हैं, किस चीज को पेट्रोल ले रहे हैं, कि निगरानी करना, जैसे पुलिस पेट्रोलिंग करती है ना, वो चीज, पेट्रोल से वो पेट्रोल मत समझ लेना, ठीक है। तो ये केस था, तो इसके चलते क्या है, दिस ओपन सम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ थिंकिंग ऑफ डिफरेंट टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जहां पे आपको कोई साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, कोई स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉस की जरूरत नहीं है, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क विद द फॉरेस्ट कम्युनिटीज, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क विद दोज पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट, उससे चीजें आसान होगी। क्लियर हुआ? सो दिस वॉज द होल स्टोरी एंड आई होप यू पीपल एंजॉयड इट, आपको सारी चीजें क्लियर हुई, समझ में आई बेहतरीन तरह से, सारा सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, दैट इज द पॉइंट। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अनअकैडमी प्लस पर आपको मेरे जो कोर्सेज मिलेंगे, तो क्लास जैसे 9th का भी और 10th का भी दोनों ही क्लासेस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, यू कैन जॉइन दीज कोर्सेज बाय यूजिंग द कोड DIGRH दिगराज, एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट प्रिवेलिंग एट दैट टाइम पीरियड बाय यूजिंग दिस कोड। वैसे ही जैसे क्रैश कोर्स 10th का चल रहा है, क्लास 9th के भी कोर्स जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, उसके बाद में और भी जैसे डाउट सॉल्विंग कोर्सेज वगैरह आएंगे तो उनमें आप एनरोल कर सकते हैं। 9th की मेरी क्लास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 8:45 to 9:45 होती है। क्लियर? तो ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू यूज दिस कोड दिगराज व्हेन यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन ऑन अकेडमी प्लस और आइकॉनिक। इनफैक्ट दिस इज द टाइम, देखिए 9th ऑफ नवंबर से 11th ऑफ नवंबर, इस बीच में अगर आप इफ यू आर यूजिंग द कोड DIGRH दिगराज एंड टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, यू कैन गेट the मैक्सिमम डिस्काउंट अप टू 40%। तो आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक्सटेंशन ऑफर में आपको 6 months, 4 months का एक्सटेंशन और मिलता है, एंड यू कैन सेव अप टू 40%। हियर आर द फिगर्स। तो इसी नोट पर इस चैप्टर को खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आ गई है। अभी के लिए खत्म करते हैं, मिलेंगे और इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर में, जो अगला चैप्टर होगा आपका पैस्टोरलिज्म वाला, उसे कंप्लीट करेंगे।
तब तक के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी